तमाम लोगों को मेरी तरफ से आज फिर वो हो गया था। क्या, जो जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं पहचान रहे हैं, जान रहे हेडफोन है। कान पे नहीं लगा रहा क्योंकि कानों में से आग निकल रही हम जब जो अभी पहन लूंगा थोड़ी देर में थोड़ा स्टाइल भी तो मारे ना यार बिल्कुल स्टाइल होनी चाहिए ना ये चीज है दाहली कुरान रमज़ान ट्रांसमिशन प्रोग्राम है और आज सूर्य रहमान पे बात करेंगे और साथ साथ फिर बाद में जो है सिस्टर जायरा की पोस्ट दिखाएंगे फिर कॉल्स लेंगे और स्पेशल थैंक्स जो है सबसे पहले तो मुस्तफ़ा भाई मुस्तफा भाई को जी मुस्तफ़ा भाई जो हैं उनको एक स्पेशल थैंक्स क्योंकि एक बहुत बड़ा काम हुआ है और जो कि जिनमें उनका बहुत बड़ा रोल है अम, बहुत बड़ा पार्ट है बेसी से कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है ना आ, अटेस्ट करवाने थे यानी कि साइन करके पाकिस्तान भिजवाने थे एग्रीमेंट है कुछ तो वो करवाना था वो एम्बेसी से जब तक अटेस्ट ना हो जी। तो वो हो नहीं सकता सबसे पहले तो क्या कहते हैं उसे नदीम भाई जी जिन्होंने उसको पहले वो किया एंड थैंक यू वेरी मच ऑफ फॉर हिम ऑफ हिम एंड द अदर थिंग इज के क्या कहते हैं जब मैंने कहा नदीम भाई दुआ करो हो जाए क्योंकि एम्बेसी के काम जो है ना बड़े लंबे रफड़ <laughs> रहता है ना तो वो जो है क्या, क्या कहते हैं नदीम भाई ने क्या कहा फिर हो जाएगा हो जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा, <laughs> बस ठीक है तो फिर उनको बताया कि मुस्तफ़ा भाई जा रहे हैं रहा है फिर तो हो जाएगा उनको पता है <laughs> तो फिर मुस्तफा भाई बड़ी मेहरबानी थैंक यू वेरी मच लव यू लॉट्स यानी कि हम तो आपके लिए हमेशा खड़े हैं आप भी हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं जब हम बिल्कुल आए तो थैंक यू वेरी मच अगैन क्योंकि ये सारा निज़ाम दस्तूर ये इन्हीं ये सब काम है जी ये काम है अगर ये काम ना हो तो मैं ये नहीं कर सकता हम्म सोचने वाली बात है ना कि अगर ये मैं इसी के पीछे छह हफ्ते तक भागता रहू ये कैसे करूंगा बिल्कुल ना टेलीफोन उठा सकूंगा ना बात कर सकूंगा ना कोई कुछ कर सकूंगा ना कुछ और आज दिन में यानी कि टेक्निकली तो मैं सोया मैं उसके बाद मेरे मैं तीन बजे सोया हूँ और छह बजे उठ गया क्योंकि सोया ही नहीं स्ट्रेट थ्रू जो है ना उसके सुबह एक घंटा आँख लगाई थी फिर किसी का फोन आया तो आख खुल गई मैंने कहा आज सोने दो फिर मैं सो गया था शाम दोपहर में भी किसी से बात हो रही थी मैंने कहा हाथ सो रहे तो सो गया तो फिर जो है वो यानी कि तीन चार घंटे सोए हूँ लेकिन इट्स राइट ठीक है गुड है सही अब ये कि बेफिक्री हो गई है ठीक और जी मैं तो बलोच बोलो चंदा बात करो और बाकी जो है इफ्तारी आज की जो है स्पॉन्सर की थी तो राहत वाली बाजी बहुत बहुत शुक्रिया हमने जो है खूब दबा के खाया पेट के और बिरयानी वगैरह सब कुछ तो आज बला, की इफ्तारी जो थी वो राहत वाली बला, बाजी बला, की तरफ से थी तो इसलिए राहत वाली बाजी को भी शुक्रिया बहुत-बहुत राहत वाली बाजी ने राहत करा दिया आज वाकई <laughs> मजा आया मजा आया मजा आया गुड है गुड है चेंज चेंज जो है ना कोई से भी तब्दीली जो है ना हर एक को पसंद है चेंजेस चेंजेस यू यू फील गुड अबाउट इट क्यों ताज वाली बाजी सही कह रहा हूं या गलत ये मसला है ठीक अच्छा आज जो है शाजी और जो दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट जितने फेसबुक एडवेंस है ना कोई भी वजीफा शुरू करने से पहले मेरे को इतला दें पूछें या बता दें क्योंकि जो ये वजायफ यहाँ पे बताए जा रहे हैं इजाजत देने के और दूसरे तीसरे आप बेसिकली लोगों को वो वजीफों की इजाजत देते हो जो जो आप देते हो। जो हम देते हैं हम जो हमारे अब्बा देते, अब देते थे। जी। तो एक पैटर्न है पढ़ने का एक तरीका कार है हमारा पढ़ने का हम इजाजत उस तरह अगर हम ये पढ़ेंगे तो फिर इजाजत दे सकते हैं अगर हम कुछ वजायफ ऐसे हैं जो नहीं करेंगे तो फिर इजाजत नहीं दे सकते अगर आपने कहीं गलत कोई वजीफा कर लिया इसमें से जैसे फॉर एग्जाम्पल बता नहीं सकता कौन सा वजीफा लेकिन कोई ऐसा वजीफा तो फिर आप इजाजत देने की आपकी वो जो है जब तक वो वजीफा चल रहा है वो बंद हो जाएगी जी। बंद करनी पड़ेगी क्योंकि वो अफेक्टिवनेस नहीं होगी जब अफेक्टिवनेस नहीं है तो फिर वट इज द पॉइंट दोबारा इसमें कुछ हो गया स्माइली स्माइली पर ही फंस जाता है, आके, हमेशा किरा देती, लगता जैसे है। कल यार, कुछ भी ना ये वजीफा ना करें यूट्यूब वाले करते रहे यूट्यूब वाले करते रहे फेसबुक के एडमिन कोई ना करे क्योंकि उनके पास जिन वजीफों की इजाजत है वो मुझे पिन पॉइंट प्रसिशन से पता है वो मेरे से पूछे बगैर देते हैं किसी को भी दे सकते हैं है ना? जी तो मुझे पता होना चाहिए एग्जैक्टली exactly पढ़ क्या रहे हैं। क्योंकि अगर जरा बराबर फर्क आया पढ़ाई में तो फिर क्या होगा के? वो, वो, हाँ, नहीं वो हो जाएगी देने की क्योंकि सलाहियत उस वक्त तक है जब तक इजाजत है इजाजत रत्त हो गई या तो पढ़ने की गलती हो गई या इजाजत रत हो गई इजाजत रत हो गई तो फिर वो क्या होता है वजीफा जो है न्यूज पेपर में इबादत के जाविये में चला जाता है वो काम नहीं करेगा जी काम तो वैसे भी कुछ नहीं ठीक अच्छा आज जो है वो सूर्य रहमान पे बात करेंगे मैं पहले पढ़ के सुनाऊंगा मंजिल बुक में से यार ये जिसको क्या हो गया है यार ये तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा आज तो चल भाई चल जा अच्छा एक और टैबलेट आया था वो का है दो टैबलेट आया वो आपको पता होगा नहीं एक टैबलेट जो है सिस्टर जायरा के पास गया है वो ओके एक सिस्टर जायरा के पास गया है वो मेरे ख्याल से वहां पे है गोहर के पास या सिस्टर जायरा के पास क्योंकि ये टैबलेट मुझे लग रहा है कि इसकी जवाबदारी हो गई लारेब लारेब देख लो ब्राउन लारेब लारेब कहा है लेजी बोन भी आज आज मैं ब्राउन कुर्ता पहन आज ये ब्राउन, ब्राउन कुर्ता पहनने में अल्लाह ही खैर करे भाई इज इन ब्राउन टुडे ब्राउन इज मिस्टर ब्राउन शहजाद ब्राउन है ना एक जेम्स ब्राउन था क्या कहते हैं सोल सिंगर था बहुत जेम्स ब्राउन और अब जो है शहजाद ब्राउन है ना ये चीज ठीक तो ये सुर रहमान का आज स्टार्ट करते हैं बात करते हैं इस पे और जैसा कि साहब ने बता दिया ये फेसबुक एडवेंस जो है ना वो इनमें से कोई से कोई, ना, ना कोई ना ना भी वजीफा शुरू करने से पहले पूछ लें रहे जी पढ़ रहे हैं तो बता रहे हैं तो फिर वो मुझे पता चले सही जिन्होंने अगर गलती से शुरू कर दिया है जी वो अभी करते रहे बंद ना करें वजीफे को ये ना हो के वो वजीफा जो है तोड़ दें तो मेरे एक और मुसीबत खड़ी करें अपने तो कंटिन्यू रखें बिल्कुल क्यों हम सबका सही कह रहा हूँ या गलत ठीक थी। ठीक है तो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ जी मंजिल से है ये खवास सुर रहमान हज़रत इमाम उसे काजिमह फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्हु वस इशाद फरमाते हैं कि सर रहमान उरू से कुरान होने का शर्फ हासिल है तवारी शाहिद है कि सबसे पहले ये सूर् मजमा कुरैश के सामने पढ़ी गई यह सूरत काफ़रों और मुनाफिकों के दिल में नहीं ठहर सकती यानी ज़बानी हफ्ज नहीं हो सकती अशोब चशम और मिर्गी के मरीज़ के लिए गले में इसका तावीज़ मुरबा या मुखमस या सर रहमान ही लिखकर डालना शिफा का बायस है तहाल के मरीज़ को ज़ाफरान से प्लेट में तहरीर करके पिलाना शिफा का बाइस है बुखार और चीचक के मरीज को गंडा बनाकर गले में रखना बेहतर है इसका तरीका यह है कि नमाज फजर के बाद शुरा शुरू करें हर आयत फबी अई रब कुमा तो गज़िबान पर गिरा लगाता जाए इन मरीज शिफा पाए इमाम रजा सलाम फरमाते हैं कि कुत्ते के हमले से बचने के लिए तीन मरतबा आयत पढ़े और उस पर फूंक मारे ये शुदा बात है और आयत ये है या मैशरल जिन वल इंस से लेकर बसल्तन तक पढ़े इसके अलावा मंगल की नहुसत को दूर करने के लिए सुबह को ग्यारह मरतबा सरा रहमान की तिलावत करें तमाम दिन सुकून से गुजरेगा और ग्यारह मरतबा पढ़ने से तमाम दिन मसरूफ़ीत से गुज़रता है और अगर या रहमान या रहीम पढ़ा जाए तो सारा दिन फुर्सत में गुजरेगा जैसे कि कल कल, था <laughs> कल था था का दिन था। तो बगैर पढ़े ऐसा हो गया था। अगर पढ़ लेते तो क्या तो हो क्या था? होता हाँ। सही लेकिन ये दोनों चीजें बताई है ना ग्यारह मरतबा पढ़ने से तमाम दिन मसरूफियत से गुजर हमें दूसरा पढ़ना चाहिए था और अगर या रहमान या रहीम पढ़ा जाए तो सारा दिन फुर्सत में गुजरे कल पढ़ने वाला था अब तो दोबारा कल वाली सिचुएशन नहीं आएगी कल बागा बागी हो गई थी ये मेरा तजर्बा है जो मैं तहरीर कर रहा हूँ और ग्यारह मरतबा पढ़ने में सिर्फ आधा घंटा लगता है ये सुरः रहमान का बयान बड़े शाजी ने लिखा है अच्छा अब सुरः रहमान की बात करें तो शाजी इसम या रहमान वो भी जो है क्या कहते हैं बिस्मिल्लाह में भी है रहमान और ये सूर्य भी जो है ये वैसे भी ओवरऑल कई जगह पे लोग पढ़ते हैं पढ़ी जाती है तो इसका क्या किस वजह से ये इतनी ये बेसिकली मतलब वसत पैदा करता है खोलता है ये चीजों को देखो तो अल्लाह ताला का जो अदा पसंद है ना आपकी बनना शुक्र गुजार बनना हैबास्तार क्यों करता है आदमी अपनी जात के लिए। जी है ना बिल्कुल और आ, बाकी की जितनी चीजें करता है इबादत और रियाजत वही जन्नत दो अपने लिए अपनी जात के लिए मगर ये जो है ना शुक्र गुजार बनना ये खूबी की बात होती है रूहानियत में कहते हैं आदमी शुक्रगुजार बहुत जाके यानी कि बुजुर्गी की उम्र पर पहुंचता है फिर वो शुक्रगुजारी इख्तियार करता है फिर वो हर चीज का शुक्र करने लगता है वो शुक्र ये नहीं है कि शुक्र अलहमदिल्ला रबी वो तमाम इबादत इसलिए करता है कि मैं उसकी शुक्रगुजारी अदा कर रहा हूँ वो यानी कि उस मनाजिल से गुजर चुका होता है कि वो इबादत के लायक है वो शुक्र गुजारी के लिए करता है शुक्र गुजारी के लिए फबे अये आलाय रब कुमा तो को बेहतर कोई चीज़ नहीं है कुरान में सही कौन कौन सी नह्मत नह्मत को झुटला हो बस ये चीज है बहुत सारे लोग करते हैं ये हमारे अब्बा भी करते थे मैंने भी किया कुछ टाइम बेषाय दिल चारा के कर लू क्योंकि इतमान हो गया ना काम हो गया बड़ा देखो ये छोटे छोटे काम ही हमारे लिए बड़े होते हैं दुनियावी चीज है ना ये क्योंकि रूहानी काम नहीं रुकते मसला दुनिया क्योंकि आपकी अज्जादारी नहीं है ना आपकी मर्जी नहीं है मर्जी किसी और की है दूसरे के लिए तो हम उलट पुलट कर सकते हैं पहाड़ हिला दें लेकिन अपने लिए बस और ऐसे कामों के लिए मुआवजे मान लिए जाते हैं कोई वाली बात किसके लिए ये चीज है ना ऐसे कामों के लिए हमारे अब्बा भी फौरन मसूल भाई को पता है थोड़ा सा इस तरह का मसला हो दुनिया भी मुआवजा मान लेता हूँ बेबी पाक का मुआवजा मैंने भी मुआवजा मान रखा था ठीक तो वो नहीं मिल रहा था ना वक्त अच्छा। मैंने मैंनेआवजा माना ये काम हो जाए तो फिर मैं मुआवजा पढ़ूंगा ये सुनूंगा अच्छा वो जब नीचे ढूंढ रहे, थे, रहे वो, थे वो मिल गया था फिर बिल तो जाना था घर में ही होता लेकिन एक मुफ्त की कि विदाउट एनी रीजन इट्स डू यू नीड इट नो खत्म बात यार क्या जरूरत है करने की ये मसला है ना प्रॉब्लम तो ये चीज़ है लेकिन का जो है अगर आप एक एक करके पूछो तो मैं बताऊँ ना कि किस तरह पढ़ा जाए पहले तो दुनियावी रिस्क वगैरह के लिए बताएं पहले जो किताब में तरीके हैं वो समझा वो समझा तो फिर, फिर बाद में जो है वो तस्बाती से लेकर दुनियावी शादियां और ये वो सब के लिए बता देते हैं अच्छा सबसे पहले तो ये है आशोबे चशम और मिर्गी के मरीज के लिए मरीज अशोब चशम और मिर्गी के मरीज के गले में इसका तावीज मुबा या मुखमस या सुरमान ही लिख कर डालना शिफा का बायस है देखिए मैं दोबारा एक बात करूंगा ये एडवाइज नहीं करूँगा कि तावीज़ लिख के डाला जाए क्योंकि तावीज लिखने का एक आर्ट होता है जक़ात होती है तरीक़ार है, होते हैं खाने होते हैं उस दिन मैंने खाने के बारे में आपको जफर जामा का समझाया जी वही कानून ये नक्ष में नक्ष के अंदर खाने है ना बिल्कुल। खाने का ये कि आपने एक 189 भर दिया जी तो फिर इसका मतलब जानकारी चाहिए तो के में ना पड़े। अगर लिखना है तो वो जो दूसरा तरीका सूर रहमान लिख दे सूर रहमान पूरी लिख दे कुरान से देख देख के लिख लें प्रूफ करा लें किसी से और वो गले में डाल लें तो अल्लाह तिफा देगा उससे सही अच्छा तहाल के मरीज को ज़ाफरान से प्लेट मैं तहरीर करके पिलाना इसको तहाल वो क्या है अब ये जो अब इसका मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन ये जो है क्या तो कहते हैं बताना साइबर गोस्ट है ना साइबर गोस्ट है सर्रो वाले लोग का है वो पक्का वजीफे के पक्के वजीफे वाले तहाल क्या है तहाल तहाल हाल की तो कैफियत नहीं है नहीं 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 ये स्टमक से रिलेटेड है कुछ इसका स्पेसिफिक एक नेम है जैसे वो लूज मोशन या इस टाइप की कोई चीज होती है वो ना पेचिश या जी इस, इस टाइप का लेकिन इसका एक स्पेसिफिक वर्ड है उर्दू हाँ। में भी ये तहाल की जगह ना और उसके साथ है बुखार और चीचक के मरीज को गंडा बनाकर गले में गंडा बनाने का तरीका वही है वो, ये वो दिया हुआ है फबे ये अलए रबे गंडो तो गजब गिरा बांधो कितनी दफा है वो मेरे ख्याल से 19 नहीं टाइम्स है ये ये मुझे पता नहीं कितनी जितनी दफा है वो है उतनी दफा बांधा जाए तरीका ये है कि नमाज के बाद नमाज फजर के बाद सूरा शुरू करें हर आयत पर पर फबिया ये आला गिरा लगाता जाए बार जितनी बार वो, आए, वो आयत, बार आयत आएगी उस गंडे का तरीका ये है कि गंडे को पहले पाक कर लें काली डोरी ले लें और मोटी ले लें थोड़ी सी कि गिरा अच्छी बंधे क्योंकि बांधना है ना पतली की डोरी ना हो थोड़ी सी मोटी गिरा हो यानी कि

इनशाला मरीज <coughs> शिफा पाए जब शिफा हो जाए उसके बाद उस गंडे का क्या करना है क्या जब शिफा हो जाए उसके बाद वो जो गंडा है उसका क्या करना है देखो शिफा का मसला ये कि पहन के रख ले क्या है गंडा ही है ना है ना यार एक रस्सी कौन गले में फांसी का बंदा थोड़ी है नहीं वही तो कुछ अरसा पहने और फिर उसके बाद जब ठंडे करने का तरीका तो वो सब मैं समझा चुका हूँ बार बार लेकिन बता दे पानी में बहा दो सबसे आसान तरीका ठीक है देखो मैं एक और तरीका है कि जो बहुत लोग ऊंचाई पे रहते हैं जो ऊंचा में तो यानी कि ऊंचाई से मतलब तावीज वगैरह ठंडे करने के लिए ग्लासों के अंदर डाल देते हैं इंक निकल जाती है वो अगर ऊंचाई पे है ना तो जमीन पे फेंक दें उसको पानी को और उसको कागज को ड्राई करके हवा में उड़ा दें तो फिजा जो है उसको एबजॉर्ब कर देती है उसकी तासीर और ताकत मार देती है वो भी एक तरीका है लेकिन कोई ऊंचाई पे तो रहता नहीं है अब क्या कहते हैं हसन नशर तो जमीन के अंदर रहती है बेसमेंट पे ये चक्कर है ना जब भी तो हसन नशर कर रखा है सबका सही तो ये हो गया गंडे का और इमाम रजा फरमाते हैं कि कुत्ते के हमले से बचने के लिए तीन मरतबा आयत पढ़े और उस पर फूक मारे ये तजर्बा शुदा बात है और आयत ये है या मैं बच्चों के ऊपर बच्चों के ऊपर बच्चों के ऊपर अमूमन जो है फूक करके क्या कहते हैं पढ़ लेते हैं कि, कि काट ना हो ये वाली आयत यही वाली आयत जी यही है ना कुत्ते के काट से बचने के लिए है ना। जी। और ये बिच्छू के जहर भी मारने में इस्तेमाल होता है मगर मैं तादाद नहीं बताऊंगा इसकी कैसे पढ़ा जाता है इसका एक तरीका है कार है मगर उसके लिए जो है आपके पास तसरफ होना चाहिए सूर्य रहमान का ठीक देखो आयत के तसरफ के लिए ना बेहतर यह है कि आप जो है क्या कहते हैं सूर्य का तसरफ ले लो तो उसके अंदर आयतों का भी तसरफ आ जाता है अगर आप आयत का तसरफ लो खाली उसके रथ होने की चांसेस ज्यादा होते हैं होने के मतलब यानी कि खत्म हो जाए ना तसरु जाने का जाने का ठीक ये चीज है क्योंकि एक जगह से रुख में बंदी होती है ना आयत इस वजह से बंदी हुई से बंदी भी होती है ना ये ये चक्कर है इस वजह से जो है आयत अवॉइड कर जाते हैं कोशिश करो कि सूर्य का तसरफ हो जाए ठीक सूर्य का तसरफ कर लो रोजाना एक दफा पढ़ते रहो जैसे तलावत में पढ़ते हैं बस वो रहता है फिर लेकिन इसके साथ अमूमन जो है मुजमिल नहीं पढ़वाई जाती रहमान के साथ हाँ मुजम्मिल क्यू मुज मुजम्मीती है ना हर चीज को हुँ. डाउन करती है अब इसके अंदर एक कैफियत वो भी है मसरूफ मसरूफ कर उठा, दे, दे, उठा देती है उठा देकर दे उठा देती है और फिर ये कि ये मंगल के असरात मारने में भी इस्तेमाल होती है ना जी आ, इसके अलावा मंगल की नहुसत को दूर करने के लिए सुबह को ग्यारह मरतबा सुरह रहमान की तिलावत करें तमाम दिन सकून से गुजरेगा इसका वजीफा भी होता है हर मंगल को ग्यारह दफा पढ़ी जाती है तैतीस हफ्ते तक ठीक हर मतलब तैतीस मंगल तक हर मंगल को पड़ी जाती जाती है तैतीस हफ्ते तक तैतीस मंगल हो गए हर हफ्ते वो किस लिए होती है तसरुफ के लिए अच्छा तसरुफ के लिए आपका आपका फिर ये होता है कि उस नहुसत पे ना तसरु अख्तियार हो जाता है आगे तस, हाँ, आगे तसर वो नहीं होता आपने हमें देखा कुछ पढ़ते हुए एक्स्ट्रा मंगल को। नहीं।, नहीं ये है। ये नहीं टेक्निक है ना ये, ये तासीर कुरान है ना भाई बिल्कुल वही तो ये चीजें कहा बताई जाती है कोई पूछता भी नहीं है एक दफा जिंदगी में कर लो लेकिन वो समझ में आनी चाहिए फिर ना यू शुड अंडरस्टैंड द होल ऑफ़ होल कोर्स पूरा कोर्स किया वो आदमी ने फिर वो ये ना करे कि मंगल वाले दिन के मैं सूरज जिन भी पढ़ लेता हूँ ये ना करे जो एक चीज पकड़ ली ना उसी को थाम के रखो मजबूती से दूसरी चीज की तरफ मत जाओ क्योंकि याद रखो दूसरी चीज भी कुरान है जी और जो आपके हाथ में है वो भी वो कुरान है उसमें भी उतनी ताकत है जितनी आपके हाथ में ताकत है उस कुरान के अंदर जो आपके पास है

अगर किसी को आप दे दो ना फॉर एग्ज़ाम्पल या लतीफ़ो दे दो काफ़ी अरसे पढ़ने के बाद वो उसको नॉर्मल लगने लगता है तो आप कोई जब नया वजीफा बताओ कोई और इसम तो एक वो होता है कि वो वाला कर लें वो वाला कर लें अच्छा अगर आपने स्टार्ट में वो वजीफा दिया हुआ होगा ना तो उसकी वैल्यू छः महीने बाद ख़त्म हो जाएगी या लतीफ़ो अगर आप अचानक हाँ। नया दो तो वो, वो ये एक नई चीज़ की तरफ ध्यान वो ज़्यादा वो होता हो वजीफा चेंज करते हैं कुछ हो नहीं रहा जी चेंज भी कर देते हैं वगैरह चेंज करते रहते हैं इंटरचेंजेबल है क्योंकि पढ़ने की इजाजत ही इतनी है लेकिन अगर तसरफ के लिए किया जा रहा है टू तो अटेन सम पोजिशन प्लेस या स्पिरिचुअल आय या वो क्या है हकीकत जानने के लिए और मकाम और सारी लंबी लंबी बातें उसके लिए किया जा रहा है तो एक ही चीज को पकड़ लो उसी को रगड़ते रहो ठीक हमारे अब्बा वही बात करते थे कि जो एक काम करो उसको इतना हद तक पहुंचा दो कि पर उसमें कसर ना रहे ये चीज है ना देखो एक्सट्रीम पे जाना ना जी एक्सट्रीम पे जाना इज अ बिगिनिंग टूवर्ड्स एटर्निटी यानी कि वो एटर्निटी की तरफ जाते हो अब नेवर फिनिशिंग वाली जी हमेशा था हमेशा है हमेशा रहेगा एक्सट्रीम पे जाना क्या कहाँ तक लेके जा सकते हो सही देखो जी कहाँ तक लेके जा सकते हो ये तो आपके पास कुत है ठीक है ना मजेदारी की बात यह रोके और फिर वो चेंज करें कि अब ये पढ़ ऑफ पीट लेकिन दो महीना पढ़वा तो आदमी को यह चीज है ना बहुत कम लोग ऐसे हैं जो साल पढ़ लें एक ना एक चीज को जी। ये बहुत ही कम लोग है शाह नादिर लोग हैं वो भी पढ़ा होगा तो टूट गया शादी में चले गए पढ़ा नहीं गया पढ़ने वाले लोग अब है नहीं मार्केट में मसला यह है कि ये चीज खत्म हो गई है कि सो गए उठ गए रह गया और क्या पलाना चला गया झमकाना दुनियावी चक्कर बहुत हैं। जी। ये चक्कर है शौकत तो भाई जानते हैं इस चीज को। शौकत भाई को पता है कि दुनियावी चक्कर कैसे होते, <laughs> होते दुनियादार भी है तंग पड़ जाते हैं ना इस चक्कर में जी तो उनकी पढ़ाइयाँ भी माशाल्लाह काफी हद तक पढ़ता है उनके भी वजीफे देख रहे हैं पता नहीं क्या क्या पढ़ रहा है नहीं नहीं मुझे पता <laughs> क्या क्या पढ़ रहा है ठीक है ना ये चक्कर है ठीक अच्छा जो अभी जिन वजायफ की बात हुई है इस बुक में अहमद भाई कह रहे हैं प्लीज टॉक मोर अबाउट अब्दाल एंड कुतुब नोट कर लो ये आज तो नहीं होगा जी ठीक अच्छा जो आज इसमें जो है क्या कहते हैं जो बुक में बात हुई है जिन वजायफ़ की अभी इसमें आशोब चशम और उसके लिए सूरह रहमान लिख के डालने की सबसे पहली बात हुई इजाज़त वाइज पूछ रहा हूँ कि डाल सकता है कोई। सकते डाल सकता डाल सकता है ठीक बिस्मिल्ल के साथ डाल सकता है बसमिल्ला के साथ डाल सकते हैं डाल सकते हैं और है। लिखना ही है ना पूरा लेकिन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम भी लिखे हैं उसके अंदर ठीक क्योंकि अगर सूरत आयत डाल वो बेहतर है बनिस्बत नक्श लिखने के ठीक ठीक है ना बनिसबत बन नक्श लिखने की क्योंकि आप दोनों डाल सकते हो ठीक बिस्मिल्ला का नक्श आपका जुल किताबत है लिखी हुई है और क्या बोलते है, आयत, हुरूफ, हुरूफ, हुरूफ। और आ, हरूफ जो है दोनों मिले हुए हैं उसके अंदर और जो सूर रहमान है वो खाली आप हरूफ में लिख रहे हो तो लिख डालो हरूफ में ही लिख रहे हैं ना वर्ड में या तो इट्स ओके इट्स गुड ठीक मोगेम्बो हैप्पी है इससे ठीक है अगर इस तरह करो तो बहुत अच्छा है अच्छा है लेकिन फालतू ना डाले कि मिर्गी ना हो बच्चे को अबे भाई क्यों होगी मिर्गी हाँ ये रो, उस चीज को रोकने की नहीं है, अगर वो हो गया है तो उस चीज हाँ, है ये जी ये प्रिवेंटेशन नहीं, नहीं है प्रेवेंटेशन, हाँ, प्रेवेंटेशन बिस्मिल्लाम वो क्योर भी है ठीक वो क्योर भी है मैं इसका वाक्य आपको बताऊं फारूक अंकल आते हैं जो बुजुर्ग है ना जी भाई के साथ फारूक अंकल आते हैं वो एक दिन आए डैड के पास उन्होंने डैड को बताया कि यहाँ पे एक बड़े यानी कि अभी भी कारी साहब है क्या कहते हैं कारी है ना वो नाथ खा भी है बहुत बड़े मैनचेस्टर में उनकी वाइफ को कोई सीरियस इश्यू हो गया था और काफी हद तक सीरियस हो गया था तो वो जो है क्या कहते हैं उन्होंने आ, क्या कहते हैं उन्होंने जज कर लिया कि कोई रूहानी मसला है रूहानी से मतलब कोई स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है ये दुनिया भी नहीं है कि डॉक्टरों को जो समझ में नहीं आ रहा और वो जो है हल नहीं हो रहा और सब टेस्ट क्लियर है लेकिन एक मसला है बाकायदा दैट इज अ क्वेश्चन मार्क देर ना तो लाजमी चीज है मौलवी आदमी तो समझ गया कि कोई और मसला है उन्होंने फारूक साहब को अप्रोच की कि ये मसला है तो उन्होंने अलमद का नक्श लिखा और वो अब्बा के पास आए कि ये नक्श लिखा है तो ये डाल दूं उनके ये ये मसला है तो मेरे अब्बा ने कहना ये नहीं ये वाला डालो ये लिखो बिस्मिल्लाह का लिखवाया उन्होंने अच्छा जैसे ही नक्श डाला उससे वक्ष शफा हो गई क्या हुआ ये होता है बिस्मिल्लाह का नक्श बिस्मिल्लाह का नक्श ठीक ये ये है सही लेकिन ये सूरह रहमान जो है ये क्या कहते हैं प्रिवेंशन नहीं है प्रिवेंशन नहीं है ठीक इस... ये क्योर है बेसिकली जी ये क्योर है देखो आपको अगर पक्का पता है ना इसको मरगी होगी तो डाल दो हम्म अब मुझे पक्का पता है कि आप बाद में अभी थोड़ी देर में चाय बनाने जाओगे पक्का पता है मुझे ठीक है, समझ गया पक, पक्का पता है ना ये चीज है तो क्या करूंगा सूर्य रहमान का नक्श डाल दूंगा अगर मुझे डाउट है कि ये नहीं बनाएगा आज फिर क्या होगा फिर भी बनेगी चाय फिर लागा भी बनेगी चाय फिर भी बनेगी ये ये है मसला वन हेज टू बी केयरफुल इन दिस रिगार्ड ना किस जगह कहाँ पे इस्तेमाल कर ये मसला है ठीक अच्छा इसी तरह बुखार और चीचक के लिए जो गंडा है वो भी कोई अगर बुख, बुखार और चीचक अब बुखार का बताएं क्योंकि नॉर्मली तो अब बिस्मिल्लाह का नक्श काफ़ी होता है हम्म ठीक है ना दैट्स अबाउट इट गंडा डालने की ज़रूरत नहीं है ठीक वो कोई ऐसा बुखार हो दायमी कि जो उतर नहीं रहा दम दरूद से भी नक्शों से भी दवा से भी तो ये तरीके इस्तेमाल करें देखो मैं एक बात बताऊं ये जितनी टेक्निक्स है ना ये स्टोन एज की टेक्निक्स पुरानी जब इतना पैरासिटामोल अवेलेबल नहीं था आज से चालीस साल पहले चले जाओ पैरासिटामोल एक गोली होती थी जी एक गोली होती थी अब जो है वो बाकायदा सड़कों पर रुलती फिर रही है ना कोई भी लेता फिर रहा है जो दिल चाह रहा है स्प्रिन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था ये ये चीजें चेंज हो गई हैं जब शिफा आ गई है आपके पास तो फिर इन चीजों का इस्तेमाल कम, कम कर देते हैं ये उन ज़माने की चीजें कि बुखार हो गया अच्छा उस जमाने में इम्प्योरिटीज भी कम थी ठीक है ना एटमोस्फियर डिफरेंट था रहन सहन डिफरेंट था जी हर चीज डिफरेंट थी फल जो है जो साल के फल थे वो साल ही में खाए जाते थे ठंडी ठंडक वाले फल जी गर्मी में गरम आम गरम गर्म बारह महीने फल अब जो है ऑरेंज जूस गर्मियों में पी रहे जी जबकि फल कब का है वो वो सर्दियों का वो सर्दियों का फल है तो क्या होगा फिर वो फिर मसला बीमारियां होंगी भी। और बीमारियां भी ऐसी क्या खतरनाक बीमारियां भी हो सकती है अगर ऐसा नहीं होता तो पूरे साल कीनूर चढ़ा रहता दरख्त में जी बिल्कुल कीनू जो है पूरे साल चढ़ा रहता और जो बाग वाले लोग हैं उनको पता है कि अगर गर्मी में वो फल आने लग जाए कीनू का दरख्त के ऊपर तो क्या है दरख्त बीमार हो गया है हाँ आम कभी देखा है आते हुए सर्दियों में नहीं।, नहीं लेकिन अगर आ गई कैरिया आने तो जो माली है उसका बाग वाला समझ जाएगा दरख्त बीमार हो गया है फिर वो चूना उसकी जड़ों में चूना वूना डालते हैं पता नहीं क्या क्या करते हैं ना दरख भी बीमार होते हैं ये चक्कर भी है फल देता है ना यार बीमार हो जाते हैं दरख्त बीमार हो जाते हैं नजरें लग जाती है दरख्तों को ना दरख्त पे, हाँ पे, हाँ पे भी गंडा बांधा जाता, जाता है अगर ये इस तरह नजर, गर... नजर नजर ना लगे ठीक ये चीज है ना ये पुरानी चीजें ये अब बिल्कुल नई बात रही है वो नहीं रहा सिस्टम वो यकीन में भी फर्क है फिर वो कौन करे शॉर्टकट चल लो ये कर लो क्या आए थे करीमा लो कॉम्प्लिकेटेड चीजें कर लो, कर लो वो इस तरह की चीजें ये सिंपल जो टेक्निक्स थी घर के अंदर औरतें जो करती थी बूढ़ी बूढ़ी औरतें जो करती थी वो ये टेक्निक्स थी और ये अफेक्टिव थी सही। क्योंकि घरों के अंदर करती थी जब ये टीवियों पे आ गई मोबाइल फोन्स पे आ गई हमारे यूट्यूब पे आ गई तो हर कोई करने लग गया है वो आम हो गई है अब इसका ये नहीं पता उनको कि अगर वो एक चीज़ का पता चल रहा है उनको सूर रहमान का तो पाँच हजार चीज़ें और भी पता चल रही है कि आयतल कुर्सी की ये फजीलत है सुरह अखलास का ये तरीका है सुर नास और सूरह फलक का ये तरीका है सुरह काफरून का ये है सुरह कौसर से बिल्कुल आप फर्स्ट क्लास हो जाओगे तो वो सब चीज़ें मिक्स करके करते हैं मगर इसकी कोई बात नहीं करता कि भाई इस चीज़ को इसके साथ पढ़ोगे तो क्या अफेक्ट होगा सही

आयत पढ़े और इसकी फूंक मारे बच्चों के ऊपर फूंक मार सकते हैं अगर कुत्तों का डर हो अगर डर हो तो। ये देखो उस जमाने की चीज है ना मैदानों के अंदर नाते थे रात रात के के टाइम निकलते के टाइम निकलते निकलते थे थे जी सुबह खेतों में कौन जाता था गांव देहातों में टॉयलेट कहाँ होते थे घर में बिल्कुल वो सब सब जाते थे खेतों में जाते थे मर्द औरत सब मर्दों की जगह अलग थी औरतों की अलग थी खेतों के अंदर ये सब चीजें करते थे घर आने वाले लोग सही हिफाजत के लिए ना जी दीज वर थिंग्स दैट यूज टू बी डन अब ये कि अब जरूरत ही नहीं रही अब कुत्ते को गोली मार देते हैं पाकिस्तान <laughs> चलो मेरे पीछे जरा गोली मार दो इसको ये चीज है ना जी ये मसला है सही अच्छा अब इसका जो है अगर इबादत के लिए पढ़नी हो सूरह रहमान सीधा सीधा पढ़ना शुरू कर दे तादाद वगैरह कोई ग्यारह से ज्यादा ना पढ़े ठीक इबादत के ज़ावी में अगर करना है कि पेश करने की चीज़ है कि जैसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्यारह सफ़े से ज्यादा न देखो इबादत के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कुरान खोल के पढ़े पढ़ेरसा ठीक सफादरस भले रोज ना पढ़े अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो एक जगह लगा ले निशान कि आज मैंने दो पेज पढ़े दो पेज पर पे शुरु बकरा शुरू हुआ है ना तो वहाँ निशान लगा ले दो हफ्ते बाद फिर वहीं से स्टार्ट कर ले जब जब मौका मिले वहीं से पढ़ना शुरू कर दे वक्त की कैद नहीं है कोई भी क्योंकि ये किताब वक्त की कैद की जंजीरों से आजाद है आजाद है तो चीज ही है और अगर वैसे अगर सूर्य रहमान पढ़नी है तो ग्यारह दफा से ज्यादा ना पढ़े ग्यारह दफा उसकी दिन की मैक्मम था तो क्या लाइफ की शक्ल में चला जाएगा फिर वो चिल्ला कशी में जाएगा ग्यारह के बाद तो चिल्ला कशी आती है उन्नीस दफा पढ़ी नहीं जाती है क्योंकि सूरह है तो ये बड़ा मसला है इसके साथ ना ठीक या तो ये बाज महफिल में, में पढ़ रहे हो तो उन्नीस दफ़ा पढ़ी जाती है अफेक्ट बहुत भारी होता है ना इसका फिर ठीक वज़न बढ़ेगी ठीक अच्छा ओवरऑल अगर इसको देखें जिस तरह सुरह मुज़म्मिल है और दूसरी कुछ सूरतें ऐसी हैं कि जिनका अफेक्ट बहुत ज़्यादा है मतलब कि वो दुनियावी उसमें ज़्यादातर नहीं पढ़ी जाती सुरह खलाश हो गई सुरह मजमिल हो गई कि रिस्क तंग होने लग जाता है जम्मिल अगर ज्यादा पढ़ते जाओ तो तो इसका अफेक्ट क्या है अगर ये आप रूहानी लिहाज से पढ़ रहे हो कोई सच अफेक्ट नहीं है कोई नेगेटिव जो है ना इम्पैक्ट इसका बहुत मतलब ये उसका वो कह लें कि जलाली है जलाली है।, है जलाली है इसमें नो डाउट मगर इसके नेगेटिविटी कम है इसके साथ जो मलायका है ना वो पुर है पुर है वो ठीक वो यानी तंग तुंग नहीं करते ज्यादा सिंपल सी चीज़ है पढ़ने के लिए लेडीज के लिए बहुत अक्सर अफेक्टिवनेस जो है ना इसकी लेडीज के साथ है देखो ये अगर वैसे भी जो है पढ़ी जाती है लोग पढ़ते हैं इसको लेकिन इसके साथ और चीजें पढ़ते हैं तो देखो खाली एक चीज पढ़ने में ना एक दिन कोई नुकसान नहीं होता मगर इस चीज के साथ एक और चीज दोपहर को एक और चीज रात को और चीज़ उसको आप पक्का रोजाना कर लेते हो तो फिर वो वजीफे की शक्ल इख्तियार कर लेता है खुद ठीक वो बनता है मसला मगर खाली ये पढ़ी जा रही है तो पढ़ लो कुछ काम एंड क्वाइट माशाल्लाह जब यहाँ आते हैं कारी थी। 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 अभी तो खै बंद है सब से, जब वो आते थे तो सुरमान कहता था पढ़ने को खुद भी बहुत पसंद थी सूर रह चीज़ है ना अच्छा अहमद भाई पूछे कैन सूर रहमान भाई द कुरान इट कैन डू एनी थिंग आपके सवाल में फ़र्क है यकीन में फ़र्क है इज द कुरान इट कैन क्योर एनी थिंग इट कैन चेंज एवरी थिंग जब दोजक के फैसले करवा रही है यहाँ बैठ के तो एक बीमारी को रद्द नहीं कर सकती बस मसला ये है कि कौन पढ़ रहा है और क्या पढ़ क्या, पढ़ क्या पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। और पढ़वा कौन रहा है उसको ये है मसला सही अच्छा जो ये वज़ाइफ बताए हैं सूर रह ये वैसे अगर जो इस प्लेटफॉर्म से वज़ाइफ कर रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं आ, पहली चीज तो ऐसे मसले वाले हैं नहीं ऐसे मसले वाले हैं जो मिर्गी वाले हैं उनको बिस्मिल्लाह का नक्श देते हैं पढ़ने को थिंग्स डाउन ऑटिज्म वाले बिल्कुल ना पढ़े है इसको जिनके घर ऑटिस्टिकॉट मिर्गी ऑटिस्टिक इज ऑटिज्म अ कंडीशन कंडीशन एक ब्रेन की है जो है एक अलग स्टोरी है मगर ऑटिज्म को यह ना करेंगे जी इसको ऑटिज्म भी है तो मिर्गी भी होती है या होगी बाद में क्योंकि ऑटिस्टिक को चांस होता है टू हैव Episodes, जिसको कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं यार मिर्गी को इंग्लिश में क्या कहते हैं एपले, है, 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 है ये मगर ये ना इस्तेमाल करें उसके लिए मुजम्मिल अक्सर का काम करती है वो काम डाउन सुलाने का काम इसलिए ठीक सुलाने का काम नहीं है उठाने का काम है उठाने का मतलब उठाने का काम है होश में लाने का काम है ना हुँ हुँ। होश नहीं रहता ना फिट में क्या होता है होश होश नहीं, नहीं रहता में लाने का काम है ना वो ठीक। जगह और इस्तेमाल के ऊपर डिपेंड करता है भाई मुजम्मिल तकदीरें सुला देती है जी। और अगर मिर्गी का दौरा हो तो फौरन दौरे से निकाल बाहर फोर करती है सही दौरे को रोक देती है नॉर्मल कर देती है लेकिन अगर पढ़ना हो तो पढ़ लें कोई दिक्कत नहीं है इसको पढ़ने में तसर्रफ़ के लिए मैं बता देता हूँ इसको पढ़ने का तरीका वही ग्यारह दफ़ा है तैतीस दिन तक और तैंतीस के तीन फेरे हैं इसके इसके साथ कत्त ही इजाज़त नहीं है कुछ और पढ़ने की ठीक इसके साथ बिस्मिल्लाह का रियाज किया जाता है ठीक, ठीक है ना है। एक हज़ार दफ़ा सुबह और एक दफ़ा एक हज़ार दफ़ा ईशा के बाद तो दो हजार हो गए और इसका वक्त जो है मुक्र करें रात के टाइम जगह वक्त इसके अंदर तरके बड़ा वाला नहीं जो छोटा वाला तरक जमाली तरके जमाली।, तरके जमाली आपको तैतीस तैतीस दिन तीन दफाटीन नाइन तक नॉन स्टॉप रखना पड़ेगा जो औरतें नापाके अगर वो कर रही हैं इसको तसरुफ के लिए कोई और एक लफ्स पढ़ने की इजाजत नहीं होगी आदमी है उनका भी यही औरतों का अगर दिन आ गए बीच में नापाकी के दिनों को हटा दे उसके अंदर भी तरके जमाली मेंटेन करके रखेंगी ओके ठीक ये तरीका कार है तरके जमाली का ना नाइनटीन नाइन डेज तक मैं ये नहीं खाऊंगी ख़त्म हो गई बात तो उस तरह मेंटेन करके फिर इसका तसरफ आ जाए जब इसका तसरफ आ जाता है आपके पास एक और चीज़ का तसरफ आता है इसके अंदर जो इसम है या याजुलजलाल वाले कराम उसका तसरफ भी आ जाता है ओके वो भी आता है और वो है काम की चीज़ वो है काम की चीज अच्छा अगर इस तरह से सूरतों में अगर इसम है हर सूरत की नहीं है मैंने बताया दो पीक वाली है जी एक वो है क्या कहते हैं या, या कहीं आयतल कुर्सी आयतल कुर्सी और दूसरी है जलाल वाले जी वो पावर इतनी है उसकी वो आ जाती है आपके पास ठीक क्योंकि सूर्य यासीन में भी इसम है लेकिन वो तसरफ आता है आपके इस्तेमाल के लिए आता है आगे देने के लिए नहीं आता आगे देने का प्रोसीजर अलग है तो आप अपने इस्तेमाल में फिर क्या कर सकते आपके लिए काम करते हैं भाई तसरफ क्यों होता है तसरफ क्यों होता है कि, कि वो आगे काम ले, ले सके काम ले उसके मोकिल को हाजिर करते हैं जी क्या बात है चाय ले आ यार मैं अभी नहीं जा सकता ब्रेक पे जाऊँगा और ये चक्कर है। तो ये है मसला ठीक ये एक इसके अंदर जो है एक क्वेश्चन मार्क है ये इस तरह काम करती है लेकिन तसरुफ के लिए कर सकते है चालीस दिन का चिल्ला भी है लेकिन क्या फायदा बताने का कोई फायदा नहीं है। कर सकते हैं मतलब कि अगर कोई करना चाहे तो इजाजत आप दे रहे हो नहीं तो फिर इजाजत नहीं दे रहा तो फिर कर सकते हैं मतलब कि अगर वो उनकी अपनी मर्जी है तो कर सकते हैं। करके कर करके देख देख लें कर के देख लें हम्म <laughs> ये ये बड़ा खतरनाक डायलॉग है करके देख लें तो इतने दुनिया ने करके देख लिया कुछ नहीं कर सके देखो भाई मसला ये है कि बीस बीस साल का रियाज एक झटके में खत्म हो जाता है जी बीस बीस साल का रियाज जो है ना वो एक झटके में खत्म हो जाता है क्यों 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 गलती कोई हो जाए गलती की बात नहीं है अब आप जहाँ पढ़ रहे हो मेरे साथ अब बीस साल गुजर गए आपने बीस साल तक फॉर एग्जाम्पल जो है याजुल जलाल जलाक्राम पढ़ा उसका मोहकिल भी हाजिर है और सब कुछ है। ठीक है ना आपने सोचा मैंने बीस साल पढ़ा है मेरा रियाज इतना है ठीक है ना अब आपने उसको इस्तेमाल किया नहीं किया जो भी है एक गलती हो गई आपसे तो फिर क्या होगा चला जाएगा चला जाएगा खत्म हो जाएगा फिनिश्ड क्यों गलती क्यों? की गुंजाइश नहीं है ना इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है और दूसरी चीज जो दूसरा मामला क्या है क्यों? आपको उतार चढ़ाव का पता ही नहीं है जो गलती हो गई है हाँ है ना सिर्फ खाली रियाज है पता कुछ रियाज है, नहीं है का। पता नहीं है चढ़ाव का नहीं पता वजायफ अल्लाह के कानून का वो जो नहीं है वो नहीं पता आपको उतार चढ़ाओ कि वो कैसे ऑपरेट करता है और दूसरी चीज ये कि जो इसम चलाता है इसके अंदर अब दिस इज अक्रॉस द तो बोर्ड मैं अपनी बात नहीं कर रहा जितने लोग चलाते हैं वो अपने पास एक उसकी चाबी रखते हैं उस इसम की ठीक जब चाहे वो चाबी दोबारा लॉक कर दे तो इसम बंद एक चुटकी में जैसे वीजा लगा था ना जी जी ऐसे चुटकी में एक चुटकी में जो है वो इसम बंद शट डाउन बिल्कुल वो चाबी भी उसी इसम के लिहाज से आती है या वो उसका कुछ अलग वो वो, होते हैं। वो आपका अपना तसरुफ होता है वो तो जो पढ़वाने वाला होता है यही फर्क है एक आम आदमी में एक पढ़ने वाले में और एक पढ़वाने वाले में वो कहीं से कुछ भी पढ़वा सकता है जी और आपसे वो पढ़वा सकते हो जो आपने पढ़ा है बिल्कुल वो भी इतनी ही आपकी इजादारी है या आपके पास इजाजत है कि उस इसम के अलावा आप पढ़वा नहीं सकते और जब वो चाहेगा चाबी बंद करेगा इस समय आपका बिल्कुल डेड डॉर्मेंट हो गया वो मलायका उसी वक्त चले जाएंगे सही बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जी वो पढ़वाते हैं और फिर बाद में जो है जब लॉक करते हैं तो उसके मलायका बुला लेते हैं पहले ही इतना झप्पड़ लगा होता है उसके पास <laughs> और मजीद बुला के क्या करेगा यहाँ तो लोग मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग जो पढ़ने पढ़ाने वाले घराने के लोग हैं वो ऐसी दी चीजें जैसे मैं खाता हूँ ना प्याज भाव जी 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 जी। कम हो वो इस तरह की चीजें करते हैं कंट्रोल करने को और लोग जो है यहाँ भागते फिर रहे हैं कि इल्म मिल जाए और हासिल कर लें और ये कर लें वो डिपेंड करता है ना लेकिन मामला जो है वो जो इसकी की है कुंजी है जी। वो सिंगल इसम में है सब कुछ ठीक और उसका बाकायदा सला साल रियाज है रियाजत है ना ये मतलब कि साला साल अगर एक ही सम कर रहे हैं तो फिर वो की आपके पास आप ब्रेक खुले पे जाना की? दो मिनट में पानी ले आऊँ ठीक है मेरा पानी नहीं है मेरे को उस पर कर दो जब तक आप जो है ना इसको चलाओ ओह अंगूठिया टाइट हो गई है वजन बढ़ गया है मेरा मेरा वज़न मेरा वज़न मेरा वजन मैं कम करने का सोच रहा हूं। आपका कम नहीं होता नो चांस भाई आज ही कर दो एक मिनट डन ठीक है आप पानी ले आए इतनी देर में जो है जितने चैट वाले हैं मैं मोकिल क... किसी ने कोई सवाल करना हो तो अभी कर लें तो मैं पूछ लेता हूँ अहमद अहमद भाई मोकिल का नाम नहीं है इसका वो आते हैं शाह तो फिर पूछते हैं वट अबाउट सुरह बकरा सुरह बकरा पे बात करेंगे लेकिन वो आगे चल के करेंगे वट इज समर्ड आई फॉर मी प्लीज़ अच्छा अब इसमें दो सवाल हैं अहमद भाई एक ये कि कौन सा इसम थर्ड आई ओपन करता है और दूसरा सवाल ये बनता है कि आपके लिए कौन सा इसम जो है वो होगा क्योंकि इसम अब डिपेंड करता है हवारी के बारे में इसम हो के बारे में बताएं इसमो की बात आगे चल के होगी ये कौन है जी मोहम्मद आमिर भाई आज तो सूर्य रहमान पे बात करेंगे ना फिर आगे सूरह मुजम्मिल भी है और उसके बाद जब इसम पे बात करेंगे तो फिर इसम जो है वो उस पर बात हो जाएगी ठीक हवारी बेसिकली अहमद भाई उन्हें हवारी एक अलग मखलूक है हवारी के बारे में जब बात करेंगे ना तो फिर उनकी पूरी डिटेल बताएंगे। वो भी एक अलग वो है अहमद भाई अच्छा अहमद भाई का एक सवाल है हवारी से पहले एक और सवाल पूछा है इन्होंने बिच कौन सा हिस्सा में थर्ड आई ओपन करने के लिए उनके लिए कि अगर वो पढ़ें तो उनकी थर्ड आई ओपन हो जाए जिस हिसम से बोलेंगे उससे करवा दूँगा ठीक <laughs> एक बात भूल जाते हैं कि मेरे से बात कर जी जिस इसम से या जिस हरूप से बोलेंगे खुलवा दूंगा शराय माननी पड़ेंगी लेकिन फिर हम्म पढ़ने की शराय पढ़ने की शराय जिस इसम को हाथ रखेंगे ना कि इससे खुलवा दो उससे खुलवा दो वो दिक्कत नहीं है सही ठीक अच्छा इसके शाहजी मोकिल की बात हो रही थी लाइट जला दो मेरी इसका नाम जो है ना आई अ वर्चुअल ब्रेक इसका रखेंगे मेरी हो गई है बत्ती गुल <laughs> ये बना दो यार मेरी हो गई बत्ती गुल <laughs> <laughs> उसे नहीं नहीं बना मत देना वैसे गुड ये आइडिया पहले आना चाहिए था मेरी हो गई है बत्ती गुल्ला अच्छा सिंगल जी सिंगल इसम की बात हो रही थी और बात क्या हो रही थी पता नहीं कुछ आ, भाई इंसान बन जाओ वो पूछ रहे थे तो आपने कहा था कि कोई भी इसम पढ़वा दूंगा उससे पहले बात यह हो रही थी कि जो की है वो बेसिकली सला साल रियाज करो आप एक इसम का तो उससे वो की हासिल होती है आ, या वो खुलता है कि ओवरऑल आप फिर कुछ... पहले पहले जो है मसला ये कि पढ़ने में क्या होता है इसम को खुलना चाहिए आप पे अगर आप तसरफ के लिए कर रहे हो कोई भी काम इसम खुलना चाहिए खुलने का मतलब खुलने से मतलब यानी कि सारी चीजें आपके वो क्या व्हील्स हटे और वो लंबी-लंबी ये हो वो हो अब मामला ये है कि अगर आप सिंगल इसम कर रहे हो ठीक है ना तो उससे जितनी रिलेटेड चीजें है ना वो खुलना शुरू हो जाएंगी इसम पहले खुद खुलेगा ठीक है ना इसम खुलेगा और टूटेगा 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 ना Okay. भाई खुलेगा से मतलब अब लतीफ है ये टूटेगा ना जी तो, लाम ये, तो है ये मतलब उस लाम, तो क्या हाँ, है लाम, लाम तो ये फे वो सारी चीजें टूटेंगी उसके राज खुलना शुरू होंगे आपके ऊपर तसरुफ की मैं बात कर जी। वो होता है तसरुफ के लिए सही जो वो फर्क है जो घराने वाले लोग पढ़ते हैं और जो उनके अकीदतमंद पढ़ते हैं या लोग पढ़ते हैं आम वो फर्क है उसके ही अलग है उसके अलग है उसका वो है कि क्या कहते हैं उसे बाकिल पड़े जाते हैं वो समझ लो उसके तरीका कार ही डिफरेंट है ठीक अब क्या बताऊँ यार मैं बात ये ये बताने वाली चीजें हैं नहीं इसके ऊपर बात नहीं होती बात करते ही नहीं है इस टॉपिक को हम रखते हैं टेबल इन आर हार्ट ये वो दिलों के भेद है वो बाहकिल पढ़ा है अब ये नहीं कि वह बाहिल या तिल बहक या लतीफ़ो और वो इस तरह की स्टोरी नहीं है कोई और तरीका है इसका बट वो इसम टूटता है आपके ऊपर बिखरता है खुलता है वो तमाम पोशिदा राज जो लाम के हैं तोये के हैं ये के हैं और फे है। के हैं वो तमाम पोशीदा राज आपके ऊपर खुलता है क्योंकि उन्ही राजों के अंदर जो है वैदानियत का राज छुपा हुआ होता है क्योंकि एट्रीब्यूट्स है ना वो बिल्कुल ये बिल्कुण। लामते ये फे बन कर एट्रीब्यूट बन अट्रिब्यूट रहा है एट्रीब्यूट बन रहा है एक अल्लाह ताला का उस पाक जात का जी और जब उस पाक जात का तो वो बन रहा है एट्रीब्यूट तो उसके अंदर आप रिवर्स में जाते हो वो पहले लिखा हुआ है जी फिर आप खोलते हो जी और जबकि ओरिजिनली ये था पहले वो खुला हुआ था बाद में लिखा गया है एट्रीब्यूट बाद में बनाए यहाँ लतीफो बिल्कुल लाम तो ये फे तो पहले से मौजूद है तो आप उसके अंदर जाते हो कि उसकी खूबियां देखने को कि लाम में कौन सी ऐसी खूबी थी जो ते के साथ तो के साथ मिलके जी ये के साथ मिलके फे के साथ मिलके वो उसको अल्लाह तला ने चूज किया लतीफ को कि मैं अपने नाम के साथ लगाऊ अपने खूबियों के अंदर वो खूबी आपको खुलती है रास खुलते हैं उसके ठीक वो राज खुलते हैं और फिर ये होता है कि जब आप रिवर्सल में जाते हो दूसरी तरफ से पैरलिल जब आप एक सिमत गए हो जी। तो दूसरी सिमत भी जाओगे क्योंकि हाल की कैफियत है ना हाल की कैफियत है तो इसका मतलब आगे भी जाओगे अल्लाहो लतीफों बेबादही आप इसकी आयतों की तरफ भी जाओगे खुद ब खुद सही क्योंकि हाल की कैफियत है जब टूटने लगता है इसम खुलता है तो आप हाल की कैफियत में चले जाते हो उस इसम के जाविये में ठीक है उस इसम के समझ लो कि टाइम जोन में आप हाल की कैफियत में जाते हो तो आपके पास सारे राज खुलने लगते हैं आगे तो, पीछे ऊपर नीचे उससे रिलेटेड तो इसका मतलब है कि इस तरफ अगर देखें क्योंकि वहाँ हाल की कैफियत की अगर बात हो रही है इस इस तनाजुर में तो एक तरफ तो ये आयत है या ल, वो लतीफो या लतीफ़ों की ठीक लेकिन दूसरी तरफ तो फिर आप हरूफ की तरफ भी जाते हो सिंगल हरफ जिसे कहलें लाम की तरफ या तो तरफ मैं वही बता रहा हूँ ना ये तसरुफ के तरीके ये घरानों वाले तरीके, ये वो तरीके नहीं है आप बेसिकली ढूंढ रहे हो जी उस खालिक को ढूंढते हो बिल्कुल आप खालिक को ढूंढ रहे हो ना जी भाई घराने वाले लोग क्या करते है वो यही अल्लाह को ढूंढते शुरू जमाने में ढूंढते थे अब तो ये कि वो सिर्फ उसको कंटेन करके रखते हैं क्योंकि फिर नुकसान होने लगता है अब तो ये कि टाइम चेंज हो गया ना जी वो अंदर से वो जो लहर थी वो कम हो गई है उस तरह की ना अब वो लहर रही नहीं सही ये मसला है ना ठीक वो, 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 वो है फर्क आ गया ना वो अर्ज नहीं रही अब समझ में आ गया वो अर्ज खत्म खत्म हो गई वो अर्ज खत्म हो गई है क्यों खत्म हो गई है टाइम के साथ ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड तो में तो जदों में से किसी ने कुछ देख लिया है ऐसा और उसने वो राज बयान कर दिया है तो आपको पता चल गया है जब आपको राज पता चलता है तो फिर आप क्या करते हो फिर आप ढूंढना छोड़ देते हो क्योंकि वंडरिंग इज बेटर देन द आंसर अगर मेरी इंस्टाग्राम बिल्कुल देखो वंडरिंग इज बेटर देन द आंसर वंडरिंग ज्यादा बेहतर है तो तो उसका आपका आपके थे wondering is more, wondering is peaceful than the answer. वो उसमें है।, है, है, है।, है क्योंकि राज राज का 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 पता पता नहीं था राज का पता चला तो कानून राजे हक का जो कानून है वो भी आपके ऊपर नाफिज हो गया सही <laughs> उस वक्त तक तो पता नहीं था ना बिल्कुल का, कानून कैसे नाफिज करते मुझे पता ही नहीं था भाई जी है ना अब जब पता चल गया है तो फिर क्या होगा वो कानून राज कानून नाफिज वो भी नाफिज हो गया कि हर चीज कानूनदारी में चल रही है जबकि रूहानियत का कोई कानून नहीं है जी ये मुसीबत है बड़ी सही क्योंकि देर इज नो सेंट्रलाइज रिटर्न लॉ ऑफ दिस इज डाउन टू द डॉट इन लॉज शरीयत के अंदर देर इज नो इफ्स और बट्स उसके अंदर कानून साजी है द डॉट है लेकिन इसके अंदर कोई कानून साजी नहीं है कानून है और कानून भी ऐसा है गलती के बाद पता चलता है भाई ये नहीं करना ये नहीं करना था कानून ऐसा है और फिर वो करते करते जो है आपको खुद फिर पता लगने लगता है कि ये करने वाला काम है ये करने वाला मैं अब दुनिया भी बात नहीं कर रहा गलत और सही की कह रहा हूँ जी आपको पता चल जाता है ये मसला है ना सही लेकिन मैं एक बात बता दूं कि सबसे बेहतरीन काम जो है ना भले वो शरीयत में हो मार्फत में हो तसरफ में हो तसवुफ में हो कबाला में हो या हिंदू वेदास की हो या ये के क्या कहते हैं क्रिश्चियनिटी में बाइबल प्रीचिंग हो और मे बी दौरा वट एवर इट इज वो ह्यूमैनिटरी को खाना खिलाना बोके को खाना खिलाना इससे बेहतर काम मैंने आज तक नहीं देखा जिंदगी में ये, ये जुज है ये जुज है समझ लो इस रास्ते का जुज है भूखे को अब ये नहीं कि एक आदमी को खिला दिया और खुद जो है बोटियां निकालने तो मैंने आज एक आदमी को खाना खिला दिया बोटी नहीं निकलनी वो इस तरह का चक्कर ना हो ना ये ना हो खाना खिलाया जाए फिर खाना खिलाया जाए ठीक तो आज मैं किसी से बात कर रहा था कि वो खाना खिलाया जाए जो आप खुद खा सको ये ना हो कि वो सदके का बकरा है तो दो का लेके दे खा लेगा गरीब है ठीक है मौत के करीब भी है कम तो से कम उसका तो मौत के बायस तो ना बनो ना क्यों <laughs> <laughs> <ना> <laughs> यार ठीक है ना आ, मौत की तो बनो ना। तो उसको ये चक्कर है थीए। बाकी थीए। है कि ये एक ये। अच्छा सूरा रहमान तस्टूट बिल्कुल इसम की बात हो रही थी एक और इसका टेक्निक है पढ़ने की सूर रहमान पढ़ी जाती है सर्टन ग्यारह दफा समझ लो फिर जल, जी जी जलाल वक, वल जो है ये पढ़ा जाता है ग्यारह सौ दफा ठीक है अव्वल आखिर अलग से, अलग से, पहले ग्यारह सौ दफ़ा फिर याजुलजलाल वालक्राम ग्यारह ग्यारह सौ दफ़ा ग्यारह दफ़ा सूरह रहमान बीच में और फिर वही एंडिंग में भी याजुल जलाल वाल और एंड में बिस्मिल ग्यारह सौ इट अच्छा वक्त एक जगह एक लिबास एक 99 नाइन डेज नागे का कोई चांस नहीं है तरके जलाली गले अगर ज्यादा बहुत शौक है ना करने का तरके जलाली गले देख ले क्या नहीं देखेगा सब कुछ दिखाई देगा सोच नहीं सकता आदमी मैं कर मतले कोई इजाजत नहीं दे रहा बता रहा हूँ ये कि ये इल्म बाकी रहे जी। ये चीज है ठीक अच्छा याजुल जलाल वाल ग्यारह सौ उसकी तादाद है याजुल जलाल वाल कबीर कभी, है उसकी कबीर है इस वजह से और अफेक्टिव बहुत होती है ग्यारह वजीफा दूसरे दिन ही खुल जाता है लेकिन पढ़ने नहीं देते ऐसा कर देते हैं कि आदमी जो है ना सोच नहीं सकता इतना कर देते हैं बच्चे बीमार करने लगते हैं कि अस्पताल ले जाना पड़े जबकि कुछ नुकसान नहीं होगा कि उस वक्त जो है ना का तो वो वजीफे में ना बैठे का एक तरीका तो अभी आपने बताया याजुल जलाल वाल आप कह रहे हो की अगर आप सूर्य रहमान का तसरफ आता है तो साथ याजुल जलाल वाल का भी आता है यस अच्छा अब इस तसरुफ के आने में और खाली अगर आप इसम याजोजल वालकराम पढ़ते जा रहे हो सिंगल इसम और कुछ नहीं पढ़े उसके तसरुफ में और इसमें फर्क आएगा याजुल जलाल वाल इक्राम जो है ना वो मामला ये है कि ये पलटने के काम में बहुत जबरदस्त अक्सर का इस्तेमाल करती है लेकिन इसकी रजत बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि जलाली मुफ्त है जब भी मैं पढ़वाता नहीं किसी को ठीक तो एक को पढ़वा है शुरू में जैसे पैसे किसी के फंसे हुए होते हैं ना तो पढ़वाते हैं इसको ठीक पैसे फंसे हुए हो ना किसी के पढ़वाते हैं दिनों के अंदर आदमी घर छोड़ के जाता है पैसे माफी मांग के बहुत जला है इसके अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल है ये चीज तो मैंने देखी हुई है पैसों के लिए आपने देते थे पहले आप हाँ पहले मैं देता था बंद कर दिया था क्योंकि लोग छोड़ देते हैं इसको जी। और इसको डर ये होता है कि उनके साथ साथ ये ना हो कि मेरे भी डैमेज हो जाए कि रात को कह देंगे तूने क्यों दी है उसको पढ़ाई तो ये काम बिगड़ गया ना जब भी तो एहतियात करता हूँ ना इस चीज से सही तो उसके लिए सबसे आसान जो है वो देता हूँ उसी से सारे काम हो जैसे वही है स्पिरिचुअल आय के लिए कौन सा पढ़ा जाए जिसपे हाथ रखो खोल दो मैं खुलवा देता हूँ स्पिरिचुअल आय लेकिन कानून फॉलो करना पड़ेगा टू द डॉट फिर एक चीज अपनी साइंस नहीं है बिल्कुल अपनी साइंस नहीं है फिर वो ये चीज है कि आपको रूहानी आंख खुलवानी है ना मैं बोलता हूँ लेकिन फिर कानून फॉलो करना पड़ेगा ये है असल मेन चीज मेन चीज ये है ठीक देखो ऐसे ऐसे परहेज है सफेद सफेद से निकली हुई चीज अब सोच लो क्या रह गया सही बात है सोच लो क्या रह गया क्या रह गया पीछे खाने में कुछ है नहीं दूध तो गया स्ट्रेट अवे दही भी गया स्ट्रेट अवे चावल भी गए स्ट्रेट अवे आटा भी चला गया स्ट्रेट अवे और उससे निकली भी अच्छी समोसे पकौड़े नेवर एंडिंग होती है अच्छा सफेद अगर फ्रूट भी सफेद होगा तो केला भी नहीं खा सकते <laughs> ये होती है ये चीज है ये नहीं कि अच्छा, ये अच्छा कद्दू के, सब, के सब कुछ है और बाकायदा कुछ रियाज ऐसे होते हैं जिसके अंदर कद्दू ही खाया जाता है लौकी 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 क्योंकि ये लिवर के लिए बहुत जबरदस्त काम करती है हल्की सी काली मिर्च डाल के उबाल के सुबह दोपहर लौकी सिर्फ लौकी खाता है आदमी मैदा जो है वो खराब ना हो कुछ वजाएव उन वजह का ऐसा होता है वो बकायदा कुछ वजह ऐसे होते हैं जो मैदा उलट देते हैं आपका जी मैदा उलटने से मतलब आप पढ़ रहे हो उल्टी हो जाती है बैठे बैठे। वो बैटे वो क्यों फिजिकल इतना आपसे आप ओवरवेलम बर्दाश्त ही नहीं होता ओवरवेलमिंग की फीलिंग जो है वो बेसिकली एक अगर एक्सट्रीम कर दो ओवरवेलमिंग को तो क्या होता है उल्टी आने का डर हो जाता है परेशान कर दो खौफ ज्यादा कर दो आदमी को क्या होता है जी कोई ऐसी चीज देख ले उल्टी महसूस होती है ना ठीक वो इंटरनल वो, वो फंक्शन जो है वो हाँ, वो हो जाते वो फंक्षन हैं फंक्शन आपके जो है बेसिकली ऑटो पायलट में चले जाते हैं आपके कंट्रोल में नहीं रहते जानवास पे बैठे बैठे उल्टी हो जाती है कुछ ऐसे वजायफ है ये चीज है ना तभी तो परहेज है परहेज इसी वजह से है ना ठीक परहेज परहेज की जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे इस्तेमाल होते है ना इन चीजों में यहाँ चलते हैं बट एक बात बताऊ की क्या कहते हैं ये इंटरेस्टिंग रास्ता है वेरी इंटरेस्टिंग रास्ता अगर ये वैसे किया जाए, जस्ट टू सी वॉट इट इज देखने को ना कि क्या है ये नहीं कि आप जो है वो कभी कोई कभी किसी आपने मुरीद को शेख की जगह बैठे हुए देखा है किस तलासिल में चले जाओ किसी तरीकत में चले जाओ किसी जगह चले जाओ सवाल ही पैदा नहीं होता क्यों क्यों वो कैसे बैठ सकता है मतलब कि वजह क्या है वजह यही है ना शाह वो कैसे है मतलब कि अब वो, अब वो शेख ही नहीं है जो, जो बिल्कुल <laughs> जो शेख यानी कि नार है वो शेख ही नहीं है जो शेख नार है सही सोचने वाली बात है बिल्कुल शेख वो किस लिए होता है कि हर दौर का शेख होता है ना वो बिल्कुल अगर उसकी गद्दी जी गई उसकी जगह दूसरे बैठ गए इल्म इख्तियार कर लिया फिर फिर क्या हुँ। हुँ। हुआ शेख तो ना हुआ ना बिल्कुल शेख तो ना हुआ ना भाई दुनिया से उन्होंने पर्दा फरमाया है हालत गैब में तो मौजूद है ना बिल्कुल और इतनी तो एक्सेसिबिलिटी होगी अगर शेख थे वो पाए कि आना जाना लगा के रखे सोचने वाली बात है ना कॉमन सेंस इट बिल्कुल ये चीज है क्योंकि क्योंकि मरने के बाद ही उनको शेख की खिताब मिला होगा जीते सही, जी सही जिंदा आदमी को शेख का खिताब नहीं मिलता शेख सा शेख शेख इस तरह की चीज ना ये चीज है बिल्कुल वो बड़े शाजी भी ये कहते थे ना मुझे वो वाक्य याद आ गया वो किसी इससे बात कर रहे थे उन्हें बता रहे थे एक जब आप की मौत होती है आप वफात पाते हो तो उस साइड पे आपका शेख आपको इस्तकबाल करता, इस है।, करता है।, हाँ। है तो उन्होंने पूछा कि अगर शेख जिंदा रहे और मुरीद पहले मर जाए फिर क्या होगा तो बड़े शाहजी ने कहा वो शेख ही नहीं है कि जो उधर ना आ सके हाँ, जाफर को कहा था वो जेहत भाई की तरफ बड़ा सवाल और जवाब करता था ना वो पढ़ने पढ़ाने का शौक नहीं था वो पढ़ता पढ़ाता नहीं था वो मातमदार किस्म का आदमी था शबाब है ना जी, जी जी उसका बड़ा भाई उसके मातमदारातमी दस्ते का इंचार्ज होता था बाबा सदा हुसैन के साथ बैठता था उसका बड़ा भाई खुर्शीद शाह ऐसे लोगों के साथ उठा खुर्शीदाहठा हुआ <laughs> आप अंदाजा कर लो उसका छोटा भाई था जाफर वो दोस्त था हमारा और वो उम्र से भी हमसे काफी बड़ा था एज था ना थोड़ा सा एजेड था वो और वो जो है क्या कहते हैं उसको अल्लाह भला करे वो इस तरह के सवाल पूछता था सही क्योंकि उसको इंट्रीकिंग लगता था इंटरेस्टिंग लगता था ये सारा कुछ ना जी ये मसला है ठीक अच्छा इसका जो है सुर रहमान की बात हो रही थी तो जो लोग तस्रुफ वग़ैरह और रूहानियत के लिए पढ़ते हैं हाँ जब पढ़ना शुरू करते हैं इसके अफेक्ट्स कैसे हैं ए... क्या क्या होता है उसमें उसमे अंदर सूरह रहमान में जो है एक तो ये कि नजर बहुत आता है शुरू में बहुत ज्यादा नजर आता है खुला नजर आता है ख्वाब लंबे लंबे ख्वाब होते हैं जैसे कैसे मतलब है ना जी वही अफेक्ट इसका है बट ये कि एक्सेलेट बाई टू टाइम्स इंटू टू कर दो इसका इसका इंटू टू है बिस्मिल्ला से है इसका इंटू टू है मगर ये जल्दी खुल के वहीं रुक जाता है ठीक जल्दी खुलता है और वहां पे यानी कि पांच सात दिन फिर उसके बाद काम डाउन हो बिस्मिल्ला का तो लॉन्ग टर्म रहता है ना जी। वो एक अलग चीज है आए तो अमूमन लॉन्ग टर्म रहती है सूरा बहुत जल्दी खुल के वही दब जाती है वो क्यों गलती की गुंजाइश होती है ना तो उसमें वो गलती की गुंजाइश नहीं होती ना उसमें गलती की गुंजाइश होती है सूरत में ज्यादा गलती की गुंजाइश है तो ये जो कि अगर गलती हो जाए जी अगर गलती हो जाए तो रेक्टिफाई कर लो उसको वरना नजर आना बंद हो जाएगा बिस्मिल्लाह में नजर आना बंद नहीं होता फिर तो गलती की गुंजाइश कम होती है ना जी और उसके अंदर ज्यादा है देखो नजर आने से ही पता चलता है कि आई यू राइट और रॉन्ग नाट डिपेंड करता है कि रजत ना हो जी ठीक है ना ठीक। अगर वजीफा कर रहे हैं आपने आपने समझ लो कि सूर्य रहमान शुरू की तीन चार पांच दिन जो है नजर आना शुरू हुआ खाप खुल गए बहुत जबरदस्त होते होते दो हफ्ते बाद आपको वजीफे में आवाजें भी आना शुरू हो गई कमरे के अंदर ठंडक महसूस होना शुरू हो गई सख्त गर्मी में और अगर गर्मी है तो सख्त सर्दी महसूस हो रही है खौफ तारी हो रहा है आंखों से पानी बहने लगता है दिल नहीं चारा पढ़ने का जबान अटकने लगती है जबान अटकने ये ये, 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 ये निशानी है इसकी खुल रहा है पढ़ने नहीं देते ना मलाह का ये तो मेरे अब्बा की किताब है ना पढ़ने नहीं देते वो यही होता है दीवार वीवार तो शक नहीं होती इसमें मगर चीज ये है कि उससे कम भी उस करीब तरीन होता है सब कुछ करीब तरीन सब कुछ होता है क्योंकि इसके अंदर जो इसम इस है ना जी। वो बहुत भारी है याजुल जलाल वाल और जब वो पढ़ा जाता है एंड में तो अगला पर्चा नहीं पलटा जाता वापिस कलान से पढ़ रहा होता है तो पर्चा नहीं पलट पाता आदमी खौफ महसूस होता है ऐसा लगता है कोई खड़ा हुआ देख रहा है ठीक तो देखो तो कोई भी नहीं और फिर जब उधर देखा तो फिर ऐसा लगता है कि यहाँ कोई खड़ा है इधर देखा तो कोई भी नहीं वो आप इधर उधर वो होते हो आप इधर उधर होते हो ठीक ये चीज है मगर इसके मौके अगर हाजिर हो जाए और आपको ज़ाहिर तौर से नजर आने लग जाए तो फिर ये सामने नजर आते हैं खुली आंख से सामने खुली आंख से सामने होते हैं ठीक जो के क्या है क्या गुड चीज यानी कि हमारे उसमें जो है अच्छा नहीं कहलाया जाता किस वजह से आप इसी के अंदर फंस के रह जाते हो फिर आगे नहीं एक्सेल करते आगे क्यों नहीं क्योंकि वो उसी से इम्प्रेस हो जाते हो या आ, वो देख लेते हैं कि तो यही सब बस मैं अब उस्ताद बन गया उस्ताद बन गया, और, बन गया। कब तक बर्तन धोते रहोगे और इस तरह की स्टोरी ना ये इस तरह की स्टोरी ना कि लॉन्ड्री करा दो और इस तरह की चीज ना ठीक अच्छा इसलिए मतलब कि अगर आपको ज्यादातर फिर मतलब जहां तक मैं समझू कि गलती यहां होती है कि अगर कुछ ऐसा वो स्टार्ट में कुछ देख लें तो वो समझते हैं बस दिस इज इट कि बस इतना ही है तो वो उसमें फिर फंस जाते हैं उसमें फंस जाते हैं लेकिन मजेदारी की बात यह है कि इसके अंदर जो काम की चीज है वो ये कि अगर बामोक्ल कर रहा है मौकलात वाली फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ जबकि हम उससे बहुत आगे या दूर हैं या उसके करीब भी नहीं है स्टेटमेंट्स में तीनों सारी प्रोबेबिलिटीज़ रख लो, ऑल ऑल एप्लीकेबल है स्मॉल प्रिंट भी छोड़ देंगे बाद में ना नीचे लिख देंगे चीज ये मजेदारी की बात देखना नहीं है मजेदारी की बात यह होती है कि जब आपको देखना है आप बुलाओ और वो हाजिर हो और जब आपको भेजना हो तो भेज दो तो वो चला जाए, चला जाए। वो होती है शेयर पावर वो आती है रियाजत से वो पैदा होती है सिंगलिस्म से वो इसमें से नहीं होती सूरों से नहीं होती आयते करीमा से नहीं होती आयत कुर्सी से नहीं होती किसी चीज से नहीं होती वो इसमें मुबारक से होती है सिंगल इसम सिंगल इसम से कि आपकी पकड़ जो है ना कंट्रोल कंट्रोल सिंगल इसम से आता है क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है इसको भेजे कैसे अब एक मौकेला गया गमरे में नजर आ रहा है मुझे यहाँ खड़ा हुआ ना ये पंचिंग बैग के साथ खड़ा हुआ है मैं इसको भेजू कैसे बुलाऊ कैसे मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जी। अच्छा वो पावर इतनी है सूर्य रहमान का मोकिल है वो <laughs> ठीक है ना उसके अंदर एटीब्यूड याजुल जलाल वाले वाल के।, के तो फिर कैसे मेरे 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 कहने पे क्या जाएगा वो जी आ तो गया है तो इसके लिए सिंगल इसम पढ़ा जाता है कि मोकिल को भेजा और क्योंकि आसान होते हैं वो इस्तेमाल करना ना ठीक आप पकड़ लेते हो उनको तो फिर वो ये आपको टेक्निक पता चाहिए इसकी टेक्निक्स होती है मोकिल हैजू बी टेम्ड इट टू टू बी यू हैव मेक इट है बट बेसिकली ही मेक्स यू यूज टू हिमसेल्फ हिमसेल्फ आप खुद उसके पास जो है hmm. अपने आप को दे देते हो छोड़ देते हो यह अली हैदर साहब का तरीका है यह हमारे अब्बा का तरीका है hmm. आप उसके ऊपर अपने आप को छोड़ देते हो मगर मैं बात कर रहा हूं यह अमलियात वाली hmm. इस्तेमाल क्यों नहीं होते लोगों से hmm. इसम पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं नजर भी आ रहे हैं बुजुर्ग hmm. मलाय भी नजर आ रहे हैं मोहिलात क्योंकि इस्तेमाल करना नहीं आ रहा इस्तेमाल करने का क्या तरीका है दुआ मांग लो दुआ तो वैसे ही मांग लो तो कबूल हो जाए बिल्कुल वजीफा करने का क्या तुक है क्या नमाज में कोई कमी है सही बात है है ना नमाजी दुआ, दुआ, दुआ ही तो? मांगनी है दुआ से ही करना है तो नमाज में कोई कमी है नहीं तो वजीफा ज्यादा पावरफुल है नमाज कमजोर है नहीं नमाज तो हुक्म है वो उसकी अपनी पावर है बस तो फिर तो इसका से डिफरेंट है इस्तेमाल की इस्तेमाल की बात हो रही है हम्म इस्तेमाल की बात हो रही है इस यूजेज जो शेख जो आपका जीज़। जीज़। जिस तरह यूज करा है उसको देखो आपको आता हो यूज करना अब समझ में आया एदर भाई कुछ सीख लो ये बातें <laughs> आपको सिर्फ यहाँ मिलेंगी और कहीं कोई बताएगा नहीं ये रास की चीजें हैं ठीक है ना सही अच्छा ये इसका मतलब है कि मेन कोर जो है वो सिंगल इसम पे जाके सब चीजें रुक रही हैं सिंगल है काम की चीज जी सिंगल इसम

जी खत्म हो गई बात कोई बात है सभी हमारे कहने में <laughs> ये चक्कर है ना ये ये है मसला ये है प्रॉब्लम ये है प्रॉब्लम इन चीजों के साथ ठीक लेकिन वैसे पढ़ने के लिए घर में सुबह के टाइम जो है बहुत अच्छी चीज है मगर मैं एक एडवाइस करूंगा कि जो वजायफ कर रहे हैं रेस के अगर सब कुछ सही है तो नो साइंस नो साइंस अपनी साइंस को ही ठीक अच्छा एक आखिरी सवाल उसके बाद फिर सिस्टर ज़ायरा की पोस्ट दिखा देंगे अब सिंगल इसम की बात करें तो ये जो पावर आप बता रहे हो ये जो की है एक ही इसम को लगातार कई अरसे तक पढ़ लेने में है या इसमों में से कोई ख़ास इसम पढ़ने में मतलब कि फॉर एग्जाम्पल इसम आपको दे दिया है जी वही वही पढ़ते रहो ठीक पूछ लो छः महीने पढ़ने के बाद कि मैंने ये पढ़ा है और कोई चीज़ नहीं पढ़ी हुई तरीके कार ये होता था जी। कि एक इसम दे दिया मसरूर भाई को डैड ने पढ़े जा रहे कभी कोई बात कोई मसला बन गया या कुछ भाई मसरूर क्या कि कि देता हूँ दिन देख के कि तादाद कब उसकी ड्रॉप हो रही है सवाल वो बढ़ा दिया लेकिन मेरे अब्बा के साथ जितने उठे बैठने वाले थे साढ़े बारह पच्चीस से कम कोई नहीं मिलता था ये चीज है ना सही क्योंकि उनकी दुनिया जो है ना जी वो जानमाज और तस्वीर भी थी प्रायोरिटीज चेंज थी, थी ना प्रायोरिटीज चेंज थी बिल्कुल आजकल प्रायोरिटीज डिफर करती हैं जी प्रायोरिटीज डिफर वजायफ को हमने ले लिया कि सिर्फ जो है शादी के लिए पढ़ना है स्माइली को पढ़ना है कि भैंसे आसमान से गिरे जी ईमान को पढ़ना है कि मैं और बड़ी लफंटर बन जाऊं बिल्कुल लारायब लारायब ने वजीफा लेना है कि इसका कुर्ता उतर जाए लाइव ब्राउन पहन के बैठ गया <laughs> मत देना ठीक है ना यानी कि हमारी प्रायोरिटीज मगर वो यकीन वाली बात नहीं रही ना सही। वो चीज़ नहीं रही कि हम इसलिए पढ़े कि वो इबादत के लायक है सारे मसले इसी से हल होंगे पढ़ने उस वक्त भागते हैं जब कोई मसला बन जब मसला बनता है जी ये मसला है और जब के है ये इसीलिए दुनिया भी कामों के लिए मगर तो थोड़ा तो पढ़ के तो देख लो ना यार कि वो क्या करता है आपने तो सब कुछ करके देख लिया ना चालीस पचास साल तक जी एक दो साल जो है उसको दे दो के देखो वो क्या चाहता है मैं इसीलिए पढ़ता हूँ आपने चालीस साल तक पढ़ा है किस्म जी बारह साल हो गए तीस साल हो गए सब कुछ करके देख लिया आपने अपनी मर्जी से पढ़ा मैंने ये भी हो जाए वो भी हो जाए अब ये कि उसी इसम को इस्तेमाल करो कि दो साल तक मैं उसके लिए पढ़ू hmm. देखता हूँ वो क्या करता है मेरे लिए सही। तो देखो क्या होता है बिल्कुल और कुछ नहीं होगा ये भी मैं बता दूँ ठीक अच्छा किसी ने चैट पे अगर पूछना है तो अभी पूछ लें और थिंग इज दैट कि वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन द फेसबुक चैट जी और uh, फेसबुक इसमें लॉगिन कर देंगे किसमें इस वाले में ओके okay. तो कहते हैं ना मिस आउट हो रहा है मैं पता ही नहीं है फेसबुक पे कौन देख रहा है मुझे वो तो पता है डीलर थी हम ठीक है ना हम और कोई जे से था जब हमने आज लॉगिन किया था फेसबुक लेकिन फेसबुक पे यह है कि फेसबुक पे दो लोग ऐसे थे लिली थॉमस और परवेज भाई परवेज खान हाँ, दो और और भी दो चार थे भी रात

अच्छा ये तक कौन कौन सी दिखानी है थैलियों वाली तो हमने देख ली थी पतीलों वाली दिखानी है आप तशलों वाली तशलों वाली जी असद को बोलना है यार ये ऊपर जो है ना थोड़ा सा अगर छोटा लिख रहे तो इजी हो जाएगा <laughs> भाईजान लगा लो अब किसका इंतजार है यार आपका वहां से रेडी है? मेरा रेडी है मेरा तो अबेराज रेडी हूँ मैं इतनी देर थोड़ी रोकता हूँ कर क्या रहे हो यहाँ से वो खोलो हाँ ये खोलो 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 ऊपर पहले रन पहले रन छोटा yeah. yes. कर दो इसको नीचे कर दो आ गया डन जी ये पोस्ट है चौधरी अस्तौर असद भाई की ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल की ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल की ये कब की है मुझे तो ये भी नहीं पता कि आज तारीख क्या आ, आज 24 24 था। था। थे, तो है आज तो यही पोस्ट है है ठीक तस्वीरें दिखा देते हैं बातेंगे तो है ये ये है है। काम ये देखो यार बराबर में यार, <laughs> हद हो गई है यार ठीक है ना कौन याद आ रहा है देख के इसको न, कौन पता नहीं अच्छा ये एक तस्वीर हो गई तस्वीर हो गई है तस्लों के अंदर जो है मस्जिद वालों ने कहा था कि हमें खाना दिया जाए ठीक है ना मस्जिद वालों ने कहा था कि हमें खाना दिया जाए तो इस वजह से जो है ये उसके अंदर जाने लग गया आपने मैक्रो ऑन नहीं किया है इसका मैक्रो ऑन नहीं है इसका तो फिर ये कैसे आ रहा है ये ये डायरेक्ट आ रहा है मैक्रो ऑन नहीं हुआ चलो ठीक है ये भी नजर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है इसमें ठीक है ना पूरी पोस्ट नजर आ रही है नहीं ऑन नहीं है मैं करो क्या कैमरा चेंज करो इससे फोर कर दो इसको टू है अब आ गया आ गया। जी। गुड जॉब ये मस्जिदों में देखो प्लास्टिक के बर्तन और ये वो बच्चे देखो कैसे खड़े हैं यार जी वो तस्रा लेकर आ गया चकराची में चमचों से नहीं निकालते खाना हम्म प्लेट से प्लेट से प्लेट से ना दोबारा स्टार्ट हो गया तो बड़ी बात है ये करना पता है बहुत बड़ी बात है बहुत मेहनत का काम है यार भूख लग गई गरम तो तो चावल क्या बात है अजहर देख ले चावल बट रहे हैं ठीक है ना जो लोग शाहजाह का सिस्टम फॉलो करते हैं जो मैंने यर्स से शाहजी पता नहीं क्या लिख रही है जहरा अली पता नहीं क्या हो गया दौरा हुआ है कोई लगता है रोज़ा रख लिया होगा गलती से कब रखा करो ऐसे नहीं दो साल में एक रोज़ा और वो भी उस दिन जिस दिन सूफी गाइडेंस ना देखना हो बाल्टी ले बाल्टी, बाल्टी, <laughs> आ गए, बाल्टी, बाल्टी आ गई बाल्टी का बाल्टी आ गई बाल्टी बाल्टी लेके आ गए आज कोई मुझे पूछ रहा था कि आप बोर नहीं होते यूट्यूब कर कर और ये मैंने कि मुझे मजा आता है और मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है कि मैं खुद ये सारा काम कर रहा हूँ यहाँ से ये सारा काम कर रहा हूँ ठीक है जय भी है हुसैन भाई भी है हुसैन बाई टू ब्रदर्स है ठीक है ना हाँ तो ना लेकिन वो चीज ये कि जय भी है लेकिन फिर भी मुझे ये सारी चीजें जो लाइव कर रहा हूँ इसमें मुझे मजा आता है करने में <laughs> <मिर्चे>। <laughs> <laughs> ये हो गई ना यार मौसम देखो यार धूप देखो कैसी शाम वाली ना सुनहरी सुनहरी खास तरीका है पाकिस्तान का ना धूप भी जो है ना सुनहरी सुनहरी और ठंडक आती है इस वक्त काम डाउन होता है चलो टन अच्छा इसको ये यह यहाँ से बंद कर दो ना हम्म ये हो गई एक पोस्ट इससे ऊपर की इससे ऊपर की ये एक ही ये एक तस्वीर है भाई ये, ये।, है, ये है कुछ झगड़ा बन गया है पता है क्या कुछ हुआ है यहाँ पर तशला आया है और रोटियां भी लेने आ गया कपड़े में नया खरीद के लाया देखो स्टिकर लगा हुआ अभी तक क्या बात है यार on, कितने गरीबों ने खाया वो बच्चे देखो पीछे यार दैट्स सो क्यूट कितने लोगों ने खाया होगा अब तक अगर तीन सौ थे समझ लो एक रफे तो तो तीन हजार हो गए ना दस दस दे हो तीन हजार आदमी खाया है सब लोगों की मेहरबानी से बिल्कुल ये चीज है ना और पिया अलग है जी। कोकर तो, ना। हाँ। <laughs> अच्छा ये वापस अच्छा वो ऑप्शन भी खुला हुआ है थैली का भी ऑप्शन भी है जी। प्रात का भी ऑप्शन सारे सारे दिए दिए ऑप्शन सारे दिए हुए अंकल ने ना अल्लाह तुम अच्छा वो उसके ऊपर ढकने के लिए था वो ये मस्जिद लेके जा रहे थे ना? मस्जिद वालों ने कहा था ना असद के डैड को असद बता रहा था कि मस्जिद वालों ने आके बात की है कि उसमें ना दो अगर तशलों में दे दो तो हम खिला देंगे जी क्योंकि वो सारे इकट्ठे बैठ के इकट्ठे बैठ के खाते हैं है वही बात है कल जो मुस्तफा भाई से बात हो रही थी कि मस्जिद में खाना खिलाने की रिवायत हो गई है खत्म बिल्कुल सिंपल अब वो बात ही नहीं रही लोगों में कोई नहीं खिलाता और ना हम खुद हमें याद है नुमान मस्जिद जाके इफ्तारी करते थे शुरू के पांच सात दिन तो मौलवी साहब इजाजत दे देते दे थे, थे उसके बाद भगा देते थे क्यों रोजाना तंग कर बच्चे थे ना तंग भी तो करते थे ना केले के छिलके डाल दिए चप्पलों के पास हरकत <laughs> <laughs> अर, ऐसे ही होती है और क्या यार <laughs> ठीक है ना ये चीज है ना ये टेक्निक वैसे कैसी है चप्पलों के नीचे केले के छिलके कराची <laughs> में भाई कराची जो है ना एक अजीब जगह है आप सोच नहीं सकते ठीक है ना वो रक्षा वही खड़ा रहता है यार ये सत भाई रक्षा ले लो ये <laughs> मंगवा लो यहाँ पे पता है स्टूडियो में रखते हैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे ना चलो हो गया ये झगड़ा खत्म ये हो गई आपकी सेकंड लास्ट वाली भी जल्दी करते हैं तो फिर हम चाय पियेंगे जब तक आप लोग ब्रेक नहीं हो गई हो गए पूरे हो गए पूरे हो गए सिस्टर जायरा डन यह हमारा सूफी गार्डन हंगामा है फन फील्ड सूफी गार्डन एक्सपीरियंस बी योरसेल्फ सेल्फ गेट इट ऑल ऑन बोर्ड एंड शेयर द ऑसमनेस इट्स ऑल अनलिमिटेड इन दैट्स अबाउट इट यहाँ हर चीज अनलिमिटेड है और वो देख लो ये देखो ये देखो एक मिनट कहाँ जा रहे हो चंदा अच्छा? ये, ये देखो ये देखो ये तो देखा ही नहीं किसी ने ना ये yeah. देखो मैं यार यार ना। <laughs> ये शहजाद भाई का दोस्त आ गया और भाई वो मुझे इतने <laughs> मैसेज कर दोबारा खुदा को मान <laughs> बार बार मैसेज में जाए कर देंगे पता नहीं क्यों नहीं कर रही ठीक है ना वो कर देंगे ग्रुप में ऐड लेकिन ये देखो शहजाद भाई की वैसे बाछी खिल गई देख के अभी आप तस्वीर देख रहे हैं इनकी ना yeah. यस डन कैमरा टू हो जाएगा कैमरा टू खुद स्विच होना चाहिए वो कैमरा फोर है अभी भी कैमरा टू होना चाहिए टू कर दो अच्छा ये इसका मतलब हमने करना भूल गए इसके अंदर गुड डन इसको कर दो बंद वरना शाइन शाइन करेगा सो वी आर फोर्ट कलर 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 माय फ्रेंड कलर देख लो फी ट्रेन कर दिए इनको घर शाही ये क्या किया ये ट्रेन हुए और <laughs> मजा आ जाए फस जाए वो अभी भाई जान वो नहीं खुला ओके करो खुल गया शुक्र मिनिमाइज कर दो ज्यादा छेड़ा नहीं <laughs> इसको ठीक है ना उन्हें गौर को रिमोट एक्सेस पे ले लेना पड़ेगा ठीक है ना इल्ला ये चक्कर है तो अब ब्रेक पे चलें चलें कुछ चाय वाय पिए कोई कुछ करें तो फिर बाद में देखते हैं क्या करना है आ, इसके बाद कॉलिंग लेंगे कुछ तो कुछ वही बैक टू नॉर्मेलिटी जी मैं और मेरी कॉलिंग और मैंने वो, वो जो बात हो रही थी तो कह रहे हैं बोर नहीं होते मैंने कहा एक तो इसमें मुझे ये मजा आता है और दूसरी चीज ये कि ये मेरा खानदानी काम है कि मैं लोगों की हेल्प करूँ देखे या ना देखे तो, तो, तो देखेगा देखे देखे खत्म हो गई बात क्योंकि ये चीज ये है कि ये खानदानी काम है हमारा और ये उस जमाने से चला आ रहा है हमारे जद भी यही करते थे कि कोई दरवाजा खटखटा दे तो दरवाजा खोल के पूछते क्या बात है

अमित शाह अलाब्दी का दरबार है यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता क्या आप जिंदगी से परेशान हैं क्या मुश्किलात का घेरा इतना तंग हो गया है कि अंधेरे के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा हम जस्ट यानी मट्टी के लोग हैं और हमारी रूह आसमानी है हमें आसमानी या खाक की चीज़ ही मुसीबत से निकाल सकती है और अगर ये दोनों मिल जाएं, तो सवाल ये नहीं कि क्या हो सकता है बल्कि सवाल ये है कि क्या नहीं हो सकता जब 300 साल से चली आ रही रूहानी कुवत को इस्तेमाल करके इन पत्थरों पे दम किया जाता है तो ये पत्थर आम पत्थर नहीं रहते बल्कि इनकी कुवत नाकबिल बयाँ हो जाती है अगर पूछा जाए कि दुनिया में कौन सा एक ऐसा मसला है जो हर जगह है तो वो है रिस्क मनी मैटर फाइनेंशियल गेम्स हर शख्स की ज़रूरत है रिस्क रिस्क नहीं है रिस्क अंग है या रिस्क तो आ रहा है लेकिन बढ़ नहीं रहा या बरकत पैदा नहीं हो रही हर तरह के रिस्क के मामलों में जो दिया जाता है वो है जरदकीक और अगर इस जरदकीक पे 300 साल की क़वत को इस्तेमाल करते हुए तेलिसम बना दिया जाए जिसे में सुलेमानी भी कहा जाता है तो सोचें क्या हो सकता है याद रहे पाकिस्तान इंडिया और बंगलादेश की सर्र जमीन के लिए ये तलिसम वाला जर्द बिल्कुल मुफ्त है अगर इस मामले में कोई आपसे पैसों का मुतालबा करे तो फ़ौर इस्लामिक सूफी बजाय फेसबुक क्लोज ग्रुप पे हमें मुतलाक़ करें नीलम आपको वादी नीलम में ले जाएगा नीलम वो पत्थर है जिसने अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का शहनशाह बना दिया शोहरत, इज़्ज़त और कामयाबी के लिए नीले आसमान की तरह ऊंचाई पर पहुंचने के लिए चाहे वो किसी भी शोबे किसी भी प्रोफेशन में हो या यूं कहिए कि ज़िंदगी को चार चांद लगाने के लिए चार अदद का ये नीलम इस्तेमाल करवाया जाता है नीलम की एक ख़ास बात यह भी है कि पहनने वाले में एक अजीब सी अट्रैक्शन पैदा कर देता है लोग खुद ब खुद खींचे चले आते हैं रूबी जिसे लाल भी कहा जाता है ये ज़िंदगी में आपकी रंग लगा देगा रूबी की खासियत यह है कि यह लेडीज़ के लिए बहुत ही अक्सर का काम करता है चाहे सेहत का मसला हो रिश्तों में नाचाकी का या रिस्क गर्ज हर चीज़ में काम देता है अगर इसकी कुवत को मैक्सिमाइज करना हो इसके असर को कई गुना बढ़ाना हो तो अक्सर जर्दीक के साथ दिया जाता है अगर ज़र्द और रूबी मिल जाए तो तीर बहादुर काम करते हैं अब आप पुकराज की ही मिसाल ले लो पुकराज पहनोगे तो राज करोगे अगर आप लाख कोशिशों के बावजूद आगे नहीं बढ़ पा रहे जिंदगी रुक सी गई है या आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन मेहनत का फल नहीं मिल रहा चाहे वो काम के हवाले से हो कारोबार के हवाले से या ओवरऑल जिंदगी के हर शोबे में आप चाहते हो नुमाया मकाम हासिल करना आगे बढ़ना राज करना तो खराज से बेहतर कोई और पत्थर नहीं कैट आए जो टाइगर आई की मानंद होता है पहने और जन्नात भगाइए इसको गौर से देखें तो एक आंख सी दौड़ती हुई नज़र आएगी ये इस्तेमाल होता है असरात को काटने के लिए डर खौफ अगर पैदा हो जाए किसी भी वजह से या रूहानी मसाइल हों तो टाइगर आई इस्तेमाल किया जाता है प्रेग्नेंट लेडीज़ को अगर मिसकैरेज का खौफ हो तो उनको भी हिफाजत के लिए यही पत्थर दिया जाता है मैदान जंग में कामयाबी से हमकिनार करता है बदरूहों से बच्चों को बचाता है मूनस्टोन मूनस्टोन ठंडक खुशाइनी सोच में नरमी और खूबसूरती पैदा करता है जिन लोगों की तबीयत में बेचैनी रहती है या गुस्सा ज़्यादा आता है और उक्ताहत का शिकार रहते हैं उनके लिए मुफ़ीद है कि मूनस्टोन पहने जिरकॉन ये जो हीरे की मानंद पत्थर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जिरकॉन कहलाता है बहुत ही कदीमी पत्थर है ये मुश्किल से बचाता है इसकी क़वत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि पुराने ज़मानों में मल्लाह और जहारान समुद्री तूफान से बचाव के लिए इसी पत्थर का इस्तेमाल किया करते थे इसको पहनने वाला अपने असीज़ व में इज्जत पाता है रोजगार और रिस्क पुशादगी होती है और तबीयत में ठहराव पैदा करता है ब्लड स्टोन ये जो सब्स रंग का पत्थर आप देख रहे हैं ब्लड स्टोन कहलाता है ये पत्थर हजरत ईसा से मंसूब है इस पत्थर का पहनने वाला रहमदिल होता है खून से मुनसलिक तमाम बीमारियों में यही पत्थर दिया जाता है इसका फ़ायदा ये है कि यह हर आदमी के लिए पाई से बरकत है सुलेमानी हकीक ये जो स्क्रीन पे आप ख़ूबसूरत पत्थर देख रहे हैं हकीक़ की एक किस्म है जिसे सुलेमानी हकीक कहते हैं इज़्ज़त मरतबे के लिए यही पत्थर इस्तेमाल कराया जाता है किडनी स्टोन ये जो पत्थर आप देख रहे हैं किडनी स्टोन कहलाता है जैसे कि नाम से जाहिर है ये गुर्दे के किसी भी तरह के मसाइल या बीमारी में मदद करता है अगर गुर्दे में पतरी हो या कोई और बीमारी तो ये पत्थर दिया जाता है संग मरियम जो लोग औलाद की नेमत से महरूम हैं तो ये पत्थर अक्सर का काम करता है अगर औलाद के हसूल के लिए आप सब कुछ आज़मा चुके हैं और समझ कुछ नहीं आ रहा कि क्या करें तो ये पत्थर पहन के देख लें रुजू करें हमसे अपनी तकदीर का हाल बयां करके अपनी तकदीर बदलने वाला पत्थर पहने

और ये कप यहां से हटाना पड़ेगा वरना मैं उड़ा दूंगा इसको और ये डिजास्टर लाइव बेस्ट वर्क ऑन द बिग स्टेज चाहे भी ऊपर ही द बॉल इज रोलिंग पांच सिस्टर जायरा वाली कॉल है जो रिकमेंडेड थी और तीन वो तो आठ हो गई है कोशिश करें कि वो मिला दें और जल्दी जल्दी बात कर लेंगे बिकॉज टू गिव अदर पीपल मैक्सिमाइज इस लेंगे हम अभी अगले ए, टाइम क्या हुआ है एक दो घंटा दो ढाई दो ढाई टाइमर लगा दो लगाना है तो अभी तो पता चल जाए टाइमर ऑन करके देखो कितना यार फिर वो सेट करना पड़ेगा आप पता नहीं करते रहो <laughs> मैं कॉले लेना शुरू करूँ मैं अपनी तरफ से तो शुरू कर दूं आप टू जी सलाकुम वालेकुम अस्सलाम जी बाजी आपका आ, शाजी से बात कर सकती हूँ जी में? जी जी मैं बात कर रहा हूँ बाजी बोला जी मैं इंडिया से बात कर रही हूँ मेरा नाम राजिया है और शाजी मेरा ये, ये मसला है, है क्या हाँ, तो मेरे चेंज कर लो ना। हाँ जी बोले आप बोले हेलो हाँ शाजी मेरा ये मसला है कि मुझे सीन... तीन साल से ना बैक में बहुत पेन होता है शाजी अच्छा कहाँ से है आप इंडिया से

नहीं शादी नहीं हुई है शादी नहीं, सब। नहीं हुई है अच्छा कोई ऐसा इंसिडेंट के गिरे हो या ठंड लग गई हो या कोई हवा लग गई हो ठंडी या कुछ या कोई एक दिन उठे तो एकदम से वो बताए तीन साल पहले ऐसा मुझे ना ऐसा रात के वक्त ऐसे चक्कर आए थे दो तीन दिन सुबह के वक्त ऐसा बहुत तो उसके बाद ये हो गया हाँ ठीक हाँ, है हाँ। ए, कोई चीज उस वक्त जो है ख्वाब वगैरह आते थे कोई ड्राउने ख्वाब या कुछ तो नहीं आते थे, ऐसा पानी दिखाई देता है। पानी तो. दिखाई देता था ठीक है। और नहीं। 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 और जब दर्द शुरू हुआ तो दिखाई देना बंद हो गया येस और नो हाँ हाँ तो इसका मतलब किसी ने कुछ कर दिया था अनफॉर्चुनेटली हम उमन मेरे मुंह से सुनते नहीं है लेकिन ये भी होता है अः अब एक काम करें कि कपिंग वगैरह तो नहीं कराते हैं आप ना नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ, कुछ नहीं ठीक है मुज़म्मिल जो है ना ये आपने हाँ। यूट्यूब से सुननी है एक दफा अच्छा। पूरी की पूरी इतना हाँ। ठीक है ना और वो बाकी ये कि या लतीफो छ नहीं या बदियो छ हजार दफा पढ़ना है रात को बाकी सारी पढ़ाया बंद कर दे इशा के बाद, के बाद। हो गया दम ओके खुदा शुक्रिया शुक्रिया ठीक है ये करें हाँ, और बिस्मिल्लाह हाँ, का गले में नक्श डालें लेकिन जब तक बिस्मिल्लाह का नक्श नहीं डालेंगे उस वक्त तक जो है आप वो नहीं करेंगे पढ़ाई शुरू नहीं पढ़ाई शुरू नहीं करेंगे ठीक है ना अच्छा अच्छा और शाह मुजम्मिल कब पढ़ना है जहाज पे व्हील दो मिनट दे दो सुनना है सुनना है सुनना है, सुनना है। किसी भी टाइम सुनना है हाँ जोहर के बाद सुनना है शाह एनी टाइम अच्छा ठीक है ठीक है चलेगा अच्छा मुझे यहाँ पे सिस्टर जारा मौजूद हाँ। सिस्टर जारा सो अच्छा आप तो वीकेंड है मैंने नंबर भेज दिया है खैर सिस्टर जारा आपको थोड़ी देर में रबता कर लेंगे ठीक है ना तो वो समझा देंगी सूरह मुजम्मिल सुननी है और या बदियो छः हज़ार तो छत्तीस ये तैतीस दिन का काम है तीस दिन बाद दोबारा रब्ता करेंगे ग्रुप में ऐड होना है तो सिस्टर जायरा को बता दें कोई चैट नेम दे देंगी रिस्क में तंग दस्ती तो नहीं है आपके नहीं घर में तो नहीं है लेकिन मेरा जॉब का कुछ किधर हो रहा ही नहीं वो हो जाएगा ग्रुप वो, वो बदियों से ही हो जाएगा आप पढ़े पढ़ना शुरू करें तो ये इसी से हो जाएगा करा देंगे इससे ठीक है असली नाम बता दें भाई जी शुक्रिया राजमुद्दीन शेख राजिया है रजिया है

उल्टा क्यों चला रहे हो तो क्या कहते हैं उस पे नहीं पहले उस पे आ रही थी अच्छा ठीक है हेलो अब कर लो जांच पे व्हील हेलो सेवन फोर पे जिन्होंने कॉल की है वो बात आ, कर लो आग बंद हेलो कटी दाल हो गया दम नहीं? बाजी बाजी यूट्यूब बंद करके कर बात कर लें हेल्प आग उंगली रख लें हेलो हेलो जी बाजी हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम इन्होंने तारे तूरे लगा रखी हैं बाजी आप बाजी। तारे तूरे निकाल दें प्लीज खड़खड़ हो रही है हेलो अस्सलाम वालेकुम अलैकुम राम जी आपरे जिन वाली फैमिली से बोल रही हूं जी बोले बाजी, बाजी, बाजी कैसे ठीक है अब बात करो जी साहब अल्लाह का शुक्र है आपकी बहुत दुआएं माशाल्लाह से फर्क है लेकिन कभी ऐसा लगता है कभी ऐसा लगता नहीं है ऐसा है क्या रही हैं बाजी अभी तो, आज आज बोले? शाम में ऐसा लग रहा था कि है लेकिन अभी नहीं है हाँ मतलब दो दिन से कुछ ज्यादा मैंने जो एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट मैंने जो पूछा है पहले उसका जवाब दे दे कि आज शाम तक ऐसे लग रहा था है शाम के बाद नहीं है ठीक हाँ। है दो दिन पहले से दो दिन पहले से क्या शुरू किया था नई चीज क्या की है में कोई लोबान जलाया नहीं है अगरबत्ती नहीं कुछ नहीं नहीं कुछ कुछ मोमबत्ती तो रोज जलाते हैं वो जलाया बाकी तो सेंटेड तो नहीं था इस दफा कहीं सेंटेड आ गया हो हाथ में नहीं नहीं ठीक है फिर क्या चक्कर है बताओ ना जरा से करो ना डायग्नोज बाजी कोई पढ़ना तो नहीं शुरू किया कोई लाइव जो शॉर्ट वजाइफ में से कुछ, ने, 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 कुछ ये नहीं, नहीं, नहीं कुछ नहीं, नहीं पढ़ रहे इनके ये वो ये ये वो पढ़ने वाली चीजें नहीं है ठीक वो ये नहीं पढ़ेंगे रमजान की कोई खास इबादत है रमजान में वो इनाजल्ला जो रोज पढ़ने बोल रहे हैं इनाजल्ला सूर्य कदर हाँ सूर्य कदर ठीक है दो दिन पहले शुरू की नहीं नहीं से ही शुरू किया है ठीक है दो दिन पहले, क्या। दो, दिन पहले, पहले क्या दो दिन पहले से क्या किया है कुछ नहीं शुरू किया बुलाया है उसको बाजी आप लोगों ने ऐसा कुछ अलग से कुछ नहीं किया पूछे घर वालों से किसी ने बुलाया है उसको वो कह रहा है कि बुलाया है और कौन, तो कौन कौन पढ़ रहा है वो जुमेरा जुमेरा जो, जो नजर देने बोल रहे वो तो दे ही रहे नहीं वो ये दो, दो दिन से, से आया हुआ है दो दिन से आया हुआ है ये दो दिन पहले वो कह रहा है कि मुझे बुलाया गया है तो किसने बुलाया है ये मैं पूछ रहा हूँ ना और क्यों बुलाया है भाई जब भी तो वो तंग करता है।, है पूछे बेटी और... से बाल्टी वो... वो तो खाली वो छोटी वाली तो खाली सूर्य मुजम्मिल जो पढ़ रही है उसका वो 66 डेज कंप्लीट हो गया है अभी तीन दिन ऊपर पड़ रही है वो तीन दिन ऊपर पड़ रही है तीन दिन ऊपर पड़ रही है के बात कराए उससे जी चंदा दो मिनट में कर लो बेहतर है क्योंकि जिन्नातों की बात हो रही है अब दस मिनट में कर लो हेलो सलाम जी वाले सलाम हेलो हेलो जी बोले जी बाजी, बाजी मुजम्मिल को कितने दिन हो गए आपके खत्म हो गए। ग्यारह दफा रोज ना उसके जी एंड डेज uh, uh, कब खत्म हुआ है? उन्नीस तारीख को मंडे को मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हाँ तो दो दिन तीन दिन हो गए अच्छा मुझे ये बताएं कोई और चीज शुरू हाँ। की है मुजम्मिल के साथ जब रिस्टार्ट किया है कोई और तरीका या कुछ नहीं कुछ भी नहीं ठीक है सूर्य कौशल वगैरह पढ़ी हो कहीं पे? नहीं कुछ भी नहीं। ठीक है और आ, कोई आयते तिलावत लगाई हो? नहीं नहीं अच्छा वज़ीफ़े के बाद दुआ में तो नहीं कुछ चेंज किया कोई दुआ में तो चेंज नहीं किया है? नहीं ठीक है दुआ क्या मांग रहे हैं पहले दिन से यानी 66 डेज़ तक दुआ कैसे कर रहे हैं बाजी सब अच्छा सब अच्छा हो और शादी हो जाए ठीक है ठीक है आ, अभी जब वजीफा खत्म हुआ था तो उसके बाद कोई दुआ में तब्दीली के सब अच्छा हो और शादी हो जाए के अलावा कोई चीज मांग रहे हो नहीं कुछ भी नहीं यही मांग रही थी वजीफा खत्म होने के बाद कोई अगर ये सुन लेना मैं आपको बताऊ अगर ये सुन ले मेरी जी। कि कोई गलती ना हो जैसे कह रहे हैं करते रहो एग्जैक्टली exactly वैसे ही तो ये देवी वाली बाजी की तरह जो है ना दो साल बाद लाल गाड़ी में फिर रहे होंगे जिन्नाथ है ना वो आगे मुझे बात कर रहा है बता रहा है कि दो दिन पहले बुलाया है किसी ने इनके घर से दोबारा ना जी तो ये ये चक्कर है लेकिन ये मसला ये है कि किस उन्होंने तो शुरू से पहले दिन से उन्होंने गिव इन रखा ना उन्होंने गिव इन कर दिया कि ठीक है बस खत्म तो जैसे बोलोगे हजरत उन्होंने खाली हजरत बोला नहीं निभाया भी है उस बात को बहुत कम लोग हैं जो इस तरह कर सके जो निभाए बोलना तो बहुत आसान है हजरत जब भी मैं मना नहीं करता उनको हजरत कहने पहले दिन उन्होंने कहा था, मुझे बनियान से बनियान गए बनियान क्या बनियान से कोर्ट में आगे कोर्ट से बनियान में आ गए और अंडे बना रहे हैं घर में ये चीज है ना क्योंकि उनको पता है ना उनको पता है कि सारा सारा धन दौलत जो है किसकी वजह से बेगम की वजह से बाजी की वजह से? जी तो गुजारी तो गुजारी बनती है ना फिर सही ये बड़े रम्स की बात होती है ये समझने ये वाला है ये लेकिन है। बात वही है ना सुन ले बाजी कोई नजर ने आज तो नहीं की वजीफा खत्म होने पे नहीं बिल्कुल भी नहीं कंटिन्यू कर रही हूँ मैं अभी चार दिन से भी ठीक है और ये मुझे बताएं क्योंकि बात नहीं इसीलिए आप बात जो कर रहे हैं आपको सुस्ती इस वक्त आ रही है या हमेशा रहती है सुस्ती इस तरह मुझे सुस्ती हमेशा रहती बुखार भी रहता है मुझे आ... अभी लेकिन जब से वजीफा किया तब से बुखार उतर गया है मतलब मेरा ठीक है अभी बेहतर हुआ है अभी बुखार नहीं आता है मुझे ठीक है पैर सूज जाते हैं कह रहे हैं ये बुलाती है बाजी आप वजीफा चेक कराओ इसको वजीफा चेक करो इनका लाइव भी एक-एक चीज एक चेक करो ठीक है बाजी सुबह जैसे ही उठती हैं उसको क्या पढ़ती हैं तजवीद तज्वी, वाला आदमी भी कोई आ जाए लाइन पे ना तो वो तजवीद चेक करे इनकी कोई स्माइली से चेक करा लो वो더니 वो बोलेगी कि भैंसे आ रही हैं कोई और ठीक है ना ईमान भी कर देती है तजवीज फिर तो अल्लाह ही खैर करे अगर ईमान में तजवीज चेक कर ली ठीक है ना नमाज से भी गई फिर जिन किया फिर तो बदरू देव सब आ जाएंगे एक साथ आप करना शुरू करो अच्छा बाजी सुबह उठने के फौरन बाद क्या बढ़ती हैं आप कुछ भी नहीं बढ़ती हूँ मैं जॉब पे जाती ना जॉब कुछ भी नहीं ठीक है बाथरूम जाने की दुआ नहीं कुछ भी नहीं पढ़ती हूँ मैं घर से बाहर निकलते हुए कुछ पढ़ती हैं नहीं बिस्मिल्लाह नहीं कुछ भी नहीं पढ़ती कुछ भी नहीं जवाब नहीं है जवाब है कि नहीं पढ़ती दोबारा से सुनने बिस्मिल्लाह पढ़ती, पढ़ती हैं है। बिस्मिल्लाह वो जो सिर्फ वो कितना उन्नीस मरतबा जो पढ़ने बोले बस वही हाँ तो इसका मतलब है कि बिस्मिल्लाह उन्नीस बार पढ़ती हैं सही गलत की बात नहीं कर रहा मैं जो पूछूंगा सिर्फ वो बताती जाए ठीक है अच्छा उन्नीस बार बिस्मिल्लाह पढ़ती हाँ। हैं उसके बाद क्या पढ़ती हैं नहीं नहीं पढ़ती हैं नहीं पढ़ती हूँ ठीक है दफ्तर में। अच्छा, अच्छा सफर करते हुए कोई दुआ पढ़ती हैं सफर की दुआ नहीं नहीं अब कोई सूरत आयत नहीं पर्स के अंदर क्या पर्स है, के अंदर क्या है? ऑफिस के अंदर भी नहीं पर्स के अंदर क्या रखा हुआ है बाजी पहले सब कुछ था लेकिन जब से वजीफा स्टार्ट किया और जब से मना किया तब से तो सब निकाल दिया है ठीक है। कोई, है कोई लॉकेट कोई कागज कोई, कोई चीज नहीं कुछ भी नहीं है सिर्फ बिस्मिल्ला का नक्श पहना है गले में बस पर्स में कोई नई चीज रखी है हाँ या ना नहीं ठीक है बिस्मिल्लाह का नक्श तो नहीं भीगा आपका इसी हफ्ते में या पिछले हफ्ते में नहीं वो मम्मी कंटिन्यूसली चेंज करते रहती है अभी दो दिन पहले ही चेंज किया है नक्श गलत बन प्रिंट कर रही है या हाथ से लिखा है प्रिंट किया है फिर तो ठीक है पुराना नक्श का है वो ठंडा कर कर किया है ठंडा किया है ठीक है नक्श पे चार कुल किसने पढ़े थे मम नक्श पे चार कुल साजिदा वो कौन है वो कौन है वो खाला है मेरी वो पहले भी उन्होंने ही किए थे या अब उन्होंने किए है और पहले भी उन्होंने ही किए थे ठीक है फिर सही ठीक है ठीक है ऑफिस में कुछ पढ़ रही हैं नहीं ऑफिस इंटर होते ही कुछ पढ़ती हैं बिस्मिल्लाह नहीं, नहीं, नहीं नहीं पढ़ाई में फर्क है इनकी पढ़ाई में फर्क है पढ़ाई में फर्क है। यही बुला रहे हैं ठीक है। ये बताएं खाब वगैरह नजर आते हैं आपको रात को हाँ आते खाब में क्या नजर आता है अभी ये पिछले वीक में पिछले वीक में मैं सिर्फ रोजे देखते रहती हूँ मतलब रोजे ठीक है और ठीक है ठीक है, है, है। हां वो देखते रहती हूँ ठीक है।, है और ये बजे बताएं कि जब सोने से पहले क्या कुछ कह के, के सोते हैं कि मुझे रोजा ये दिखा दो या वो दिखा दो या कुछ नहीं नहीं या नहीं, मुझे ऐसे किसी क्या मुझे नहीं। किसी को देखना है नहीं ऐसे नहीं कोई दुआ करके सोती हैं कि ये काम हो जाए या इसमें या या सोने से पहले सोचते हूँ कि फलानी जरी नजर आ जाए या यहाँ चली जाऊं या वहां चली जाऊं नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती हूँ ठीक है किसी की जियारत की ख्वाहिश ख्वाब में ख्वाब में नहीं लेकिन असलियत में करबला जाना है मुझे वो तो ठीक है असलियत में जाना है मगर ये ये जो आप इजहार कर रहे हैं मेरे से ये इजहार दिन में कहा करते हैं किस किस जगह करते हैं वो बता दें मुझे नहीं कहीं पे भी, भी नहीं कुछ भी दुआ नहीं। में दुआ मुझे में। ऐसे नमाज में भी दिखते हैं मतलब मुझे शबी दिखती है नमाज पढ़ती हूँ तभी भी शबी दिखती है मुझे ठीक है अच्छा, आँखों में भी मुझे ये ये करबला जो जाना है इसका ख्याल आपके जहन में दिन में कहा कब का बहुत आता है हो गया दम हो गया खुदा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसे हो गया दम भाई ख्याल नहीं आता भाईजान लाइन काट दें बाजी जो भी है क्योंकि दम कर दिया है हेलो जी बाजी ख्याल बिल्कुल नहीं आता दिल में नहीं नहीं ऐसा कुछ अच्छा नमाज में नियत क्या करते हैं नमाज पढ़ती हूँ वाजिब कुर्बानी ठीक है और मुझे ये बताएं नमाजें जो है फर्ज पढ़ते हैं और कुछ बस फर्ज ही पढ़ती हूँ मैं और कोई और किसी और की नमाज के ये हो जाए या वो हो जाए नफल नहीं, नहीं। कोई और नहीं नहीं आयमा में से किसी के लिए नमाज आयमा तो में से किसी के लिए नमाज नहीं 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 ठीक है वो मना की है ना अपने तब से नहीं पढ़ा कुछ भी ठीक है ठीक है फातिमा के बाद क्या करती हैं आप नमाज के बाद बीबी तो जहरा की तस्बी पढ़ने के बाद दूसरी वाली जो नमाज है वो कौन सी दूसरी कौन सी नमाज खत्म हो जाती है तो अच्छा नमाज खत्म कर ठीक है अच्छा फातिमा के बाद दुआ करते हैं वो तो जब पूरी नमाज खत्म हो जाती है उसके बाद जब लास्ट में एकदम लास्ट में एक लास्ट, में, लास्ट में।, में दुआ करते हैं जा? या लास्ट में तस्बीह फातिमा पढ़ते जब सारी नमाज बीबी फातिमा की तस्बीह फातिमा तो तस्वीर के बाद ही पढ़ते ना फिर लास्ट में जब पूरी नमाज हो जाने के बाद फिर दुआ करते हैं ठीक है अच्छा वो दुआ शुरू कैसे करते हैं? सब अच्छा हो बेहतरीन जिंदगी हो शादी हो जाए ठीक है ठीक है घर में सब को अच्छा हो बस अच्छा अल्लाह को किस नाम से किस इसम से पुकार के करते है सोचे अभी अगर आप दुआ कर रहे हैं तो कैसे करेंगे या ठीक है कोई और नाम से या मालिक या कोई दोस्त या सलाम को इस तरह से तो कोई नाम लेते हैं है। नहीं 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 उसके बाद कोई दरुद नहीं सल वो तो सलवात तो नहीं पढ़ते अभी आपने मना किया सलव पढ़ लें कोई दिक्कत नहीं है सलवात की खैर सलवात से नहीं होता फल आमीन कहने के बाद नहीं कुछ भी नहीं वाली बाजी हो गया है दम। लाइन दे। अच्छा एक जो दम करा रहे मिला दे मिला दे, देने वाली सरकार ठीक है ना अजान जब होती है ग्यारह दिन बाद मुजम्म बंद करा दो ठीक है पता चल जाएगा क्या पढ़ रहे या नहीं पढ़ रहे ठीक है ग्यारह दिन बाजी जब ये पूरे हो जाएंगे ना आपको 66 तो हो हाँ। हाँ। से पढ़ वो भी, हाँ। वो भी भी सुलवा जो पढ़ रही है कोई कुछ तो कर रही है पता नहीं पढ़ रहा है ना आप हाँ जी ठीक है एक काम करें अभी अभी पढ़ते रहें और कल दोबारा फोन करें कल मुझे बताए जी 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 एक मिनट मम्मी को देता जी बाकी के लोग जो पढ़ है वो सब, वो सब, सही, है। वो सब वो सही, वो सही है इनका मसला है लेकिन अभी देखते हैं अभी क्या किया है ना मैंने कोई एडजस्टमेंट की है इसमें तो फिर जो है क्या कहते हैं उसको जी कल बताएंगे मुझे दोबारा ठीक है शाकिरा का तबीयत दो दिन से बहुत खराब है आप दम कर देंगे मैं दम कर देता तो, हूँ मैं दम कर देता तो। हूं बिस्तर पे, बिस्तर पे पड़ गई है वो देखें रमजान में थोड़ा बहुत जो है बिस्तर पे पड़ जाता है आदमी रोजे-वोजे ये वो खाना-पीना जैसे गुलाबचंद ने जो है ठीक है आप बातें पे ध्यान रखवा दें हो गया दम नमाज वाली बाजी लाइन काट दें प्लीज जर्मनी वाली बाजी आंख बंद।, बंद हो गया बाजी दोनों को दम ये ठीक हो जाएगी कुछ भी नहीं हवा शवा लग गई है ठंडी ठंडी ठीक है ना ठीक है बाजी ठीक है दो मिनटों मुबीन पढ़ रही है बाजी देखें, दो मिनट सब कुछ अभी, सब उसी तरह सब उसी तरीके से कल बात होगी दोबारा पहले मैं एक मसला हल करूँ ना वो मुझे पता है कौन क्या पढ़ रहा है वो दिक्कत नहीं है मगर ये कि कहीं तो मुझे पता करना है कि लीकेज कहा से आ रही है लीकेज हो रही है ये ठीक है ना ये चीज अच्छा। है जर्मनी वाली भाजी लाइन काट दे हो गया दम जी ठीक है देखिए ओके भाजी ओके, ओके 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 खुदा हाफिज कल दोबारा बात करेंगे मेरे से ठीक है ना खुदाफि अल्लाह मगर देने वाली सरकार इनकी कॉल ना मिले ना जिन वाली बाजी की तो कनेक्ट करवा देना आप कल अच्छा देने वाली सरकार है तो मैं जल्दी जल्दी से निपटू जी सर आलकुम बोलो भाई जल्दी 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 जी शाजी जी हाँ बोलो बात कराओ जल्दी जल्दी शाजी जी शाजी शाह जी शारी। ये शाह जावेद भाई हैं जावेद भाई बात कीजिएगा आप आग बंद कर शाह जी न्यू मेंबर हैं वालेकुम सलाम बोले जावेद भाई जी मैं ये काफी टाइम से कुछ जब सोता हूँ हाँ खाब में मेरे ना इस कभी मैं बिल्डिंग के बाहर हूँ मैं दुबई में होता हूँ जॉब करता हूँ तो आग लगी हुई आती है और फिर पढ़, पढ़ क्या क्या रहे उसमें सुराख होने लग गए हैं जावेद भाई पढ़ क्या क्या रहे हैं आप जी पढ़ कुछ नहीं रहा अभी तो वैसे ही चलते फिरते कुछ भी नहीं नमाज वगैरह ही पढ़ रहा हूँ

ये टोपी नमाज की टोपी लगा के बैठे हुए यार इनकी ये देख लो यार ये देख लो कोई सुनने को तैयार तो नहीं है फिर लोग कहते हैं कि मुझे गुस्सा क्यों आता है इस वजह से आग बंद कर ले चंदा वो भाई जी भाई अच्छा पढ़ क्या रहे हैं आप इसके अलावा चलते फिरते कोई सूरत आयत जो ये ए, 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 नहीं। भाई जान ये मुझे बताओ यहाँ कितना अरसा हो गया हो गया दम लाइन काट दो मुझे तकरीबन तो दो साल होने वाले अच्छा ये दो साल से ये सिचुएशन है या ये अभी हुई है नहीं ये रिसेंटली हुई है दो तीन महीनों से कोई नौकरी का ट्रांसफर वांसफर तो नहीं हो रहा है इश्यू चल रहा था उस इश्यू के लिए मिनट कोई इस इश्यू के लिए कोई मुझ जैसे कोई पढ़ाई लिए खुद से पढ़ना शुरू कर दिया नहीं कुछ भी नहीं कभी हो गया तो आंटी से बात हुई तो उन्होंने आपको बताया तो इसीलिए मैंने ठीक है आग बंद हो गया चंदा हो गया ओके बाय ओके बाय कोई मन्नत वगैरह तो नहीं मानी थी मन्नत से नहीं है मन्नत से नहीं है मन्नत से नहीं है मन्नत से, से नहीं है भाई जान शादीशुदा नहीं मैं शादी शुदा नहीं हूँ नहीं। कोई और कहीं और कोई जैसे कि होता है कि कहीं शादी कर रहे हो पसंद की या कहीं पसंद के चक्कर में हो कि कहीं हो जाएगा तो उधर तो मेरे थे रिलेटिव उधर हुआ था तकरीबन साल पहले हाँ लेकिन उधर वो कुछ हुआ नहीं तो बस उसके बाद उसके बाद कोशिश नहीं की कि वहाँ हो जाए पूछ रहा हूँ कोशिश तो काफी की थी मैंने लेकिन कभी मतलब हुआ नहीं वो माने नहीं वो लोग। अभी, अभी गिव अप कर गए हो या अभी भी कर रहे हो अपने तोर दुआ तो कर ले तो लेकिन और तो कुछ भी नहीं कर सकते ये, ये दुआ कब से शुरू की है हो गया यू वो तो मैं तकरीबन जब से ये खत्म हुए है मैं लास्ट ईयर उमरा करने भी गया था वहां पे भी की Right, और नॉर्मल नमाज में भी करते ही हूँ गुड है day, बहुत अच्छी बात है ठीक है देखो ये ये जो तरीका है इसमें कोई पाबंदी नहीं है इसमें पसंद की शादी नहीं है रिश्तेदार भी है वो जी ठीक है ना ये चाह रहे हैं वहाँ शादी हो जाए ये और तो कुछ है नहीं मांग रहे ना जी है ना बस शादी हो जाए मेरी वहां पर तो उसमें कोई वो नहीं है कि वो कबूलियत की तरफ है कि वो हो या ना हो ये चीज है लेकिन अगर ये इसके लिए वजीफा करेंगे जी फिर है मसला फिर वो क्वेश्चनेबल चीज़ आती है दुआ मांगने के लिए आपकी सोच की आज़ादी है जो मांगना मांगो ठीक है ना ये चीज़ है ना भाईजान ये भीगे भी कोई भीगे भीगे तो नहीं हो कहीं तीन एक महीने पहले रात के टाइम शायद कभी महसूस नहीं हुआ कभी फील नहीं किया मैंने लेकिन कभी कभार पाकिस्तान में था देने वाली सरकार मुजम्मिल मुजम्मिल दे दो सुनने को बाकी सारी पढ़ाइया बंद बिस्मिल्लाह का नक्श गले में और छह हजार दवा या लतीफ़ा शुरू कर दो जब तक पढ़ते रहोगे दफ्तर में कोई छेड़ेगा नहीं वो प्रॉब्लम्स रहेंगी प्रॉब्लम्स ही रहेंगी कुछ होना नहीं है उससे है ठीक है चंदा ये ठीक ये ठीक हो जाएगा ठीक, किसी ने कुछ किया नहीं है मगर कुछ हो गया है हुँ. अच्छा होता है ना कि लाजमी नहीं है कि कोई कुछ करे कभी कभार खुद भी तो कुछ होती है तो ये वन आप, वन आप दोस है. ठीक है ना ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ओके चंदा ओके खुदा से हाँ उधर से उठाओ ये सिक्स वन बाय वन करेंगे ना 156 पे जो है वो बात जी गुलाबचंद क्या हुआ है हेलो हाँ जी वो हार्ट बीट हार्ट बीट हार्ट बीट भी बढ़ी हुई है तो वो किया क्या खाया क्या आपने क्या खाया मैंने ना तीन तीन चार दिन से ठंडाई पी रही हूँ बादामों की उसने ना बहुत सर्दी लगा गुलाब गुलाबचंद लाइव मैंने जानबूझ के गुलाब चंद, <laughs> के <laughs> गुलाब वो चंद, वो चंद का जो ऑफिशियल 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 ड्रिंक क्या है ठंडाई ठंडाई बादाम ये पंजाब में पहलवान पीते हैं और वो भी चार चार तो ये भी तो की तो एक्सरसाइज के बाद ये तो पहलवान ही है ना ये पकोड़े बनाती <laughs> है ना एक किलो एक्सरसाइज ही है ना वो आग बंद करो गुलाब चंद हद हो गई है हो गया दम हो गया ओके खुदा जी भाजी वन फाइव पे जो है वो बात कर लें हाँ चंदा बोलो चल भाई कनेक्टेड था उधर से ऑन है वन फाइव सिक्स उठा हो गया हेलो हेलो जी बाजी बोले वालेकुम सलाम तबीयत बेहतर हो गई पहले से शादी वो एक ठीक है छोटे छोटे मसले बताने थे जी जी बता दें <laughs> वो ना बड़े बड़े काम तो हो गए मेरे छोटे छोटे रह गए वो ना मेरी सिस्टर है उसके लिए मैंने आज अभी एक ख्वाब देखा था तो मैं डर गई थी उस बेटे का हाथ जल रखा है तो जैसे ख्वाब में दिखाई कि दोबारा हाथ जलेगा उसका ऐसा कुछ जी आपने ख्वाब में देखा सदका दे दें बच्चे का जी ठीक है आप, और उसकी थीक 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 थी? जो बेटी है ना शादी ने नाम बदल दिया है हम और अब दोबारा खबर आ नाम बदल दिया है हम लेकिन फिर भी अभी भी ना वो रोती बहुत है आपको नहीं वो रोती है हकीका हो गया उसका मतलब गुलाब चल रही है

है? है भी भी। कितना कितना पुराना पुराना अभी पंदर, भी पंदर, अभी स्टार्ट हुए थे तब डाला था दस दिन हो गए नहीं। 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 तो और वो बच्चे का जो है वो सदका दे दें बीस पचास रूपए जो भी हसबे तुफी को ना वो जो तरीका ठीक है सिर्फ एक कमरा लगा गया तो हो गया एक कमरा अच्छा मेरे ख़्याल से येलो शर्ट वाली सरकार मुझे फोन कर रहा है एट टू एट पे इस पे कर ले यार ये टी टॉक फारे गए टी टॉक का उस पे कर लो कमरा लग जाएगा कमरा लग जाएगा ठीक है एक तो लग गया ना अच्छा मेरे पापा को ना थोड़ा वायरल हो रखा है तो क्या दो तीन बार दे सकते चुपके चुपके देना पड़ता है तो आप खुद ही दे दो ना वायरल ठीक नहीं हो रहा है भाजी मैंने दम कर दिया था आपको अच्छा लग गया ठीक है सिर्फ दम कर देना सूर्य कुरेश जी जी. ग्यारह दफा पढ़नी है आखिरी दफा उनके थीके. सामने चला जाना तो है क्या वो पढ़ सकती है अपने वो भी पढ़ सकती पढ़ है कोई भी पढ़ सकता है सूर्य कुरेश इसीलिए बता रखी है ठीक है ठीक है एक ना तेरह साल का भन है उसकी आंखों की बिनाई थोड़ी कम हो रही है ऑनलाइन पढ़ाई होती है तो बच्चों को हम या बसरू पढ़ा सकते हैं नहीं बच्चों को नहीं पढ़वाते हम अच्छा फिर उसकी की रोशनी कम हो रही माँ पढ़ेगी माँ पढ़ेगी माँ पढ़ेगी माँ पढ़ेगी माँ पढ़ेगी बस दम नहीं करेगी बस पढ़ देगी वो पढ़ेगी जैसे तो कार है ना जो तरीका कार है पढ़ने का रोजाना पड़ेगी वो थोड़ा सा ना जो बताया हुआ है मैंने प्रिस्क्राइब तरीका है हाईलाइट्स पे पता नहीं चलाया है या नहीं चढ़ा हुआ है मेरे ख्याल से है ना यहाँ बसीरों का

ठीक है तो गुड और मैंने दो और दो, और दो, दो और मैंने पहली रात पहली रात मैंने ये देखा था कि दो बुजुर्ग आपस में बात कर रहे मेरे मैटर को लेके ठीक ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया बस यही कहना था ठीक ओके बाजी ओके माइक की बात है ओके 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 खुदा हाफिज़ खुदा हाफिज़ खुदा हाफिज़ हो गया फोर्स फोर्स अस्सलाम वालेकुम सलाम बात 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 कर रहा हूं। ये पान वाली नानी ने है जी 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 बात बात है? से। जी से करो शाह है आप सुनाएं सेहत कैसी है आपकी नानी वो ठीक नहीं हो रही है ठीक है और नमाज नहीं हो रही जाते लगते है गर्दन कमर सारे पट्टे खींचने लगते हैं। ठीक है और दूसरी ये है कि मैंने आज से कहा था मैं उसके लिए जमीन बिकने के लिए आओ जी दुआ करें। मैं दुआ भी कर अच्छा रहा हूँ लड़के को मैंने प... लड़के को मैंने पढ़ने को भी कह दिया है अच्छा अच्छा ठीक हाँ। है शुक्रिया आपकी मेहरबानी बस ये मेरा काम हो जाए माली परेशानी है सब बच्चे परेशान है किसी का रोजगार नहीं है अल्लाह ताला फजल करेगा पैसा पैसा हो जाएगा हाँ बस तो, ये की दुआ में याद रखें बस दुआ में याद है और जो भी आपके हैं मौत के दिन उनसे भी कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करे बस है हाँ जी बस अल्लाह आपके दर्जात को भी बुलंद करे दुनिया और दीन में और आपके वक्त सिवाय हुसैन की कोई कमल नहीं बोला चीज थी जो है ना ये पुरानी बस हमारे लिए तो यही सबसे बड़ी है वो सही बात है बस हवाई तो सबसे बड़ी दुआ ये है कि सिवाय वाला हुसैन की अल्लाह कोई काम किसी, तो गाँग किसी गाँग को ना दे।, ना दे सही बात है क्योंकि वो काम अगर कर तो तो नहीं करता बिल्कुल वो सही, बात है। सही बात है बस जमीन का काम करा दीजिए और ये भी दुआ कीजिए वक्त दी गई तो जमीन का फैसला मेरा बर्बाद ना हो मैं चाह रही हूँ की नजदीक कोई अच्छी जमीन मिल जाए पहले पहले जमीन के बड़े जमीन हो जाए नानी जान पहले बच्चों की परेशानी दूर हो जाए बच्चों की परेशानी माली दूर हो जाए बस इतना हो जाए पहले इमाम बारगा असल में मैंने बनाना है नहीं हो जा सुने मेरी बात है हाँ। इमाम का बनाना जमीन के चक्कर में मेरा इमाम का नहीं बन हाँ, वो ये भी लगता लगता हो सकता है कि इमाम का बनाने के चक्कर में जमीन नहीं बिक रही जी ये भी तो हो सकता है ना ये भी तो हो सकता है लड़के को दे दरअसल लड़के को, को, दे। होता है, लड... को होता है, जानते होंगे नहीं वो तो मुझे ये डर लगा रहता है कि मैं मर गई तो का नहीं होनेगा नहीं नहीं नहीं, नहीं दो मिनट आप लड़के को दे मैं एक बात समझाऊ ना हाल मार करे जीकुम श्राम भाईजान जमीन जो है ना आप ये सोचो कि कुछ भी नहीं करोगे जमीन बिक जाए लेकिन अगर शराब बांध ली ना आपने के इमाम बारा बनाऊंगा मस्जिद बनाऊंगा अगर अल्लाह नहीं चाहता के इमाम बारा के बने। मेरी मस्जिद बने जी। या इमाम नहीं चाहते कि उनकी बारगाह बने तो जमीन निबिकेगी आपकी चंदा आपको पक्का पता है वो चाहता अच्छा। है एक मिनट अच्छा बुरा नसीब का है अच्छा। लेकिन ये बताओ वो आपको पक्का पता है कि वो चाहता है कि इमाम बारगाह आपके पैसे से बने ये तो किसी को भी नहीं पता तो नहीं पता ना तो फिर ने एक दो मिनट दो मिनट तो दो मिनट दो मिनट वो सब सिलसिले वो चला है अम्मी के जमाने का आप अम्मी के समझ लो के उन्होंने आपकी उम्र कितनी है चंदा जी। दो 200 साल तक तो चला हुआ है अम्मी कह रही है 200 साल तक चंदा दो मिनट दो मिनट दो मिनट आप कंटिन्यू से मतलब आपकी उम्र कितनी है मैंने एक तो सवाल पूछा है चालीस साल चालीस साल है आपकी अम्मी का रियाज 40 साल में उतना था जितना आपका समझ लो 180 साल में होगा मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ इबादत की फर्क आ गया है।, है बिल्कुल सही बात है ना ये चीज है तो, तो इसलिए तो वो तो सिलसिला तो वहां से टूट गया है ना सिलसिले में कमी आ गई है तो उसकी कुत में भी कमी आएगी उसके चाहने में भी कमी आएगी जो आदात अतवार अखलाक और क्या कहते हैं कवानीन और जवाब सब चेंज होते चले जाएंगे ठीक है उनको पक्का पता है उनको पक्का पता है कि माम बारगा बनाऊंगी तो मैं बनाऊंगी इनको डाउट है जी तो जमीन भी नहीं बिक रही समझ में आ गया पढ़ाई का फर्क है फर्क है। का फर्क है है पढ़ाई का अब समझ में आई बात अभी फिलहाल के लिए ये मत सोचो कि कुछ भी करोगे उन पैसों का बस जमीन बिक जाए एक वक्त पे एक काम अल्लाह का तरीका ठीक है ठीक है जब जमीन बिक जाए उसके बाद आप भले जाके होटल प्लाजा बनाओ इमाम बाड़ा बनाओ, बन क्योंकि पैसा होगा आपके पास जी ठीक है ना ये ये मसला वो मैंने मैंने ना हमद वाला वो आपसे इजाजत ली थी तो उन्नीस तारीख से शुरू किया तो हुआ पहले दिन ही मैंने उसमें ख्वाब देखा कि मैं अम्मी को लेके वैसे तो अम्मी को हज कराया हुआ मैंने भी अलहमदुल्ला चार हज किए हुए लेकिन मैं अम्मी को ना अम्मी को और पूरी फैमिली को लेके हज पे गया हूँ ना हाँ तो ये अच्छा है ना अच्छा हज पे गया हूं, लेकिन वहां पे जाके मैंने कहा कि अभी मैं तवाफ कराऊंगा अम्मी को तो अचानक मुझे याद आया कि मैं व्हील चेयर तो अम्मी को लेके नहीं आया और अम्मी से भी मैंने पूछा भाई तुम सवारी कर नहीं सकते ना काबे के अंदर अलाउ नहीं कर रहे नहीं है ना वो साहेब रियाज है और मैं एक बात बता ये अब दो मिनट दो मिनट अच्छा आप बता दो पहले आप बता दो मेरी नियत ये भी है कि चलो अल्लाह का शुक्र है अम्मी अम्मी अपने पाऊ से खुद कर लेंगी तोाफ मेरी बैक एंड में नियत यह भी है जब मुझे वो हुआ ना मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है अम्मी अपने पाऊ से तवाफ कर लेंगी हाथ पकड़ के करवा अच्छी दूंगा अच्छी बात नहीं है हो देंगे मैंने इन्हें पहले वो दानी को दम हो गया दबो बोलो 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 हाँ मैंने क्योंकि इनको तवाफ वगैरह सारा बिल्कुल उसमें करवाया था ना मुताफ में व्हील चेयर पे बिल्कुल अंदर से करवाया था ऊपर से नहीं कराया था फिजिकल फिजिकल जो आपने कराया था वो आपकी मर्जी से था सोच की आजादी थी जब ख्वाब में हो होल्द बढ़ रहे हो तो वो गाइडेंस में चला गया है गाइडेंस में जो है क्लियर कट ये बता रहे हैं आपको कि चले गए हो लेकिन वो ये नहीं, नहीं। हो सकता कि उसकी रियाजत करने वाले को एक आम आदमी व्हील चेयर पे धक्का दे दे तो अल्लाह ताला ने उस चीज को आपका इख्तियार ले लिया और उनको तवाफ करा दिया समझ में आया बहर देट है, देट देट है।, देट है। देट देट वरना ख्वाब में अगर आप अपनी वालदा को करवा देते ना तो आपको पता नहीं कितने हज के सवाब मिल जाते व्हील चेयर के ऊपर ख्वाब में क्योंकि गाइडेंस के अंदर करा रहे हो रूहानियत में वहां का तवाब जो है उसकी मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट है फ्रॉम दिस प्लेस सही पैरामीटर एक आध मिनट का तो फर्क आ सकता है ना हम में एक आध मिनट मिनट दस मिनट तक चल जाता है लेकिन कोशिश करो कि पहले बैठ जाओ यानी कि अगर बारह बजे पढ़ रहे हो ना तो तरीका यह है टाइम बना लो कि मैं पौने बारह बैठूंगा तो लेट भी हो गए तो ओरिजिनल से आपके पास टाइम स्पेस होगा इस तरह लेट नहीं होते गौर भाई है। <laughs> है। इस तरह लेट नहीं होते ठीक है ना और ये करो और फिर मुझे बताते रहो कि किसी तरह अल्लाह करे फैसला हो जाए यार और कोई दुआएं मत मांगो कि कुछ करेंगे अभी कुछ भी नहीं सोच नहीं मैं तो मैं तो हम में भी अपने रिस्क खोलने के लिए के दुआ मांगता हूँ तो दे, 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 हाँ ये इनकी नमाज भी नहीं हो रही ना कल भी परसों भी ये नहाइया तो इनको कहा है मेरी बेगम ने कहा पढ़ कहा है सुबह पढ़ूंगी आज भी मैंने कहा पढ़ लो तो कहती नहीं हिम्मत ही नहीं होती पढ़ लेंगे नमाज के क्या कुछ भी नहीं है उनकी कौन सी नमाज जा रही है आपने कल किसी को बताया था है भाई। पढ़ने -पढ़ने वाले खातून है, ऐसे नहीं, कराते। ये आम फहम लोगों के नहीं लिए है हाँ इनको ना करवा देना ठीक है ना कुछ भी ना करें नमाज ठीक तभी 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 हो जाएगी तो फिर नमाज पढ़ने लगेंगे क्योंकि वही बात है यही कहता लें तो वो कहती है तो फर्ज खाली नहीं पढ़े जाते जब तक मैं ताकि पूरी नहीं पढ़ूंगी तो फर्ज नहीं पढ़ सकती ठीक है चीज़ ये रम्स की बात है ये कि जब ख्वाब के अंदर अल्लाह ताला इनके पैरों में ताकत देकर करा सकता है तो थाँग। थाँग। था अपनी नमाज के लिए भी ठीक करेगा बिल्कुल है, है ना आगी आगी थाँग। थाँग। ये ज्यादा आसान है उसके लिए बनस्बत वो ठीक है चीज है ना करे यकीन करे जमीन जो है बाकायदा क्या बोलते हैं यार जरखेज़ के कुछ नहीं कोर्ट बंद हो जाएगा मुझे मत तो 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 के चक्कर में डाले उसकी वजह ठीक है ना हाँ ये नो नो गो गो एरिया एरिया है ये यहाँ पे कोई है जब होगा तो अल्लाह के हुक्म से होगा देखो मेरा निकला हुआ टिकट उमरे का मैंने जी रद्द करा दिया था चलो ठीक है हो गई बात जी बोलो बोलो हाँ अम्मी अम्मी ये भी कह रही थी कि बेसिकली जैसे आपके यहाँ पे जो पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं ना जो आप ट्रस्ट करते हैं जिनके ऊपर जिनकी इमदाद की जाए सारा कुछ

कोई ऐसा बंदोबस्त कर देगा अच्छा रिश्ता आ, जाए। आ जाएगा दुआएं जाएगा जाएगा हो जाएगा, हो जाएगा। हमारे साथ है। ताला वास 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 इन्शाल्ला। लिए बस लिए भी कहती हूँ लेकिन अल्लाह से कहे टाइम वो लड़की है वक्त दी के बती साल की उम्र हो गयी आज हालात के हालात वैसे देखा जाए लेकिन होती सबकी देर से ही है ठीक है ये बड़ा चक्कर है और क्या चले ठीक है नानी हमारे लिए भी क्या? दुआ कर दिया करें ठीक इंशाल्ला तो तो है इंशाल्लाह तो तो आपके लिए हर दुआ करती आपके क्या बोलते हर नमाज में दुआ से मैं रहती हूँ जबानी सुनो में पड़ती रहती हूँ मुझे तो है ना क्या तो मैं वैसे फारक नहीं करती हूँ लेकिन ये है कि वो लेकिन उसके बाद में सबके लिए दुआ मांगती हूँ और खसूस जो मेरे और मेरे बच्चों के कभी भी काम आए अल्लाह उनको

जर्मनी वाले इतेशाम भाई है ना हाँ। उनकी कजन है छह महीने हुआ वजीफा लेके लेकिन तो आपसे कभी बात नहीं तो बहुत ही अच्छी बात, बात है क्या जरूरत कर <laughs> है करने बात आग शाह मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान से जी बोला Uh, शाह पहले मैंने आपको थैंक यू कहना और टेस्ट नहीं बतानी है मैं बहुत बीमार थी पिछले साल आईसीयू में एडमिट थी तो फिर शाम भाई ने आपसे वजीफा लेके दिया था मेरी अम्मी ने किया था मेरे लिए तो मैं ठीक हो गई थी और जो आपका मनी दम है पहले मनी दम में मुझे पाँच हजार गिफ्ट मिला था तो ये दोनों मैंने आपके गूगल रिव्यूज में पोस्ट किए हैं मैं है। है कि मैंने टेस्टिनी है शाह मैंने जनवरी में शाह भाई ने मुझे आपसे औलाद के लिए वजीफा लेके दिया था मेरी शादी को चार साल हो गए तो वो वजीफा जो है अब उसको नाइनटी नाइन डेज पूरे हो गए हैं ठीक है

सूरत मरियम कितनी बार पढ़ रही हैं बाजी ओ राइट ओके एक बार सूरत मरियम पढ़ती हूँ वजीफे के साथ ठीक है ठीक है शाह साहब मैं डॉक्टर से इलाज भी करवा रही हूँ तो जब भी आ, इलाज करवाती हूँ तो रिपोर्ट सारी ठीक आती हैं लेकिन एंड पे साइकिल फेल हो जाता है ठीक है और हस्बैंड उनका चेकअप कराया ठीक है और जी उनका भी करवाया वो भी ठीक है ठीक

डॉक्टर पूरे पूर उम्मीद होते हैं लेकिन नहीं होती। या को। जी और जब मैंने वजीफा स्टार्ट किया था जनवरी में तो उस टाइम मुझे ख्वाब भी तीन दफा आया था हमल का ठीक। पूछ के तो नहीं सो रहे आप होगी नहीं, हो नहीं सोच नहीं सोच के तो नहीं सोती लेकिन जब मैंने वजीफा स्टार्ट किया था तो लगातार मुझे तीन दिन ख्वाब आया था

हाँ लेकिन वजीफा यही जारी रखेंगी कुछ चेंज नहीं करेंगी और कुछ नहीं पढ़ेंगी रूल रेगुलेशन है तेजाम भाई ने बता दिए होंगे वो सब जो है वो जी रूल रेगुलेशन बताए हुए और शोकत भाई से वजीफा भी मैंने चेक करवाया हुआ है ठीक सब ठीक पढ़ते रहें ठीक है ठीक है ठीक है एक वो एक एक मिनट माइक ऑफ जी सलाम भाई जी सॉरी वो इमरजेंसी की कॉल आ गई थी इस वजह से जो है वो जो है वजीफा करते रहें क्लियर गाइडेंस है इनशाला औलाद हो जाएगी कोई मुझे दिक्कत नज़र कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही मगर पढ़ते रहना पड़ेगा अब ये ठीक है ना ठीक है शाह साहब ठीक है और ग्रुप में ऐड होना है तो वो आपको नोडोर सिस्टर जायरा के पास भेज देंगे तो ऐड होना, तो होना है तो हो जाए सिस्टर जायरा तो वहाँ नंबर भी होगा आपके पास तो ले लें उनसे वो ग्रुप में ऐड कर, कर तो वो सिस्टर जायरा देंगे पिंक में कर देना जरा सा है ये उनकी तरह है ये वो है क्या कहते हैं उसे बिग गर्ल की फ्रेंड नहीं है एहतम भाई की वाइफ है जी जी तो ये उनकी कोई रिश्तेदार है वो जो जर्मन पे नहीं बोलते वो वो है वो जाना कि घड़ी घड़ी मेरो ठीक <laughs> है ना ओके बाजी ओके 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 खुदाफिज अल्लाह ताला सलामत रखे थैंक यू थैंक यू बाय बाय ओके ओके बाय जी नो डो नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं अच्छा नहीं बोल तो पहले कल लो फिर फैसेरी बनानी है आबिद भाई

माथे पे हाथ ठीक है रिस्क का मसला कब से माथे पे हाथ दोनों के तो अभी तो मैं कुछ भी काम पर नहीं हूँ और वाली साहब का पान शॉप का है तो बिजनेस उसमें भी बरगद नहीं है भाई आप अभी पर... खर्चा भी है वाली साहब को दस से बारह लाख का ठीक है ठीक है कर्जा भी है पढ़ना पड़ेगा भाई बाहर जाना पड़ेगा और बाहर जाना पड़ेगा अब उसके लिए जो है पढ़ना पड़ेगा उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ठीक है और अब इनका नाम क्या बताया है मोहम्मद मोहम्मद आब, आबिद अहमद पढ़ लेंगे ये क्योंकि पढ़ाई भी ठोक के होगी <laughs> काम भी ठोक के होगा यहाँ ठोक के होगा लेकिन पढ़ना पड़ेगा पढ़ लेंगे भाई जी जी, जी हाँ पढ़ूंगा ठीक है। अभी मैं अभी मैं माल्टा के लिए डाला हूँ लेकिन कंसल्टेंसी वाले अभी दिसंबर से होल्ड पे डाले हैं ठीक है इनको Uh, क्या नाम है अहमद भाई क्या नाम मोहम्मद आबिद अहमद आबिद <laughs> <आवे>। <laughs> भाई एक काम करो कि बिस्मिल्लाम सात सौ छियासी दफा तीन दफा यासिन व छ हजार या लतीफ़ो रात में पढ़ना है मुकर्रम भाई दम हो गया दम कर दिया है। ठीक है अरबी पढ़ने नहीं आता अरबी पढ़ना नहीं आता तो तीन दफ़ा यूट्यूब से सुननी पड़ेगी ठीक है जी। लेकिन बैठ के सुनने पड़ेगी उसके लिए आप बेहतर ये होगा कि सिस्टर जायरा से कॉन्फ्रेंस करवा देना नो डोर बाद में इनकी ना तो फिर वो समझा देंगे इनको अगर ग्रुप में ऐड होना है आदमियों वाले तो हो जाए पढ़ाई में नागा ना हो कसर ना रहे अगर यूट्यूब से सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं ये ना हो कि पता चला वहां वो लगा रखे सामने शाहरुख खान बाजीगर चल रही है तो उनका तिलावत यहाँ चल रही है ऐसे चलने वाला काम ना करें पक्के काम करना है ठीक है ना और छह हजार या लतीफ़ो और सात सौ छियासी बिस्मल सो देउट इट ठीक है जी, ठीक है, ये बिस्मिल्लाह का वो गले में, वो सब वो चीज सब बता देंगे। वो सब चीजें सिस्टर जहरा समझा देंगे आपको ठीक है ना डिवाइन आज वाले हाँ तो होके जाओ ना ये आज कर लो ना अभी करो ये फटाफट जल्दी जल्दी करो ना फिर इसको ठीक है ना सिस्टर जहरा से अभी रब्ता करो और आज ये करके जाओ फिर देखो अल्लाह ताला क्या चाहता है और शाह जी नींद नहीं आती मुझे नींद तो किसी को भी नहीं आती मुझे कोई अगर पे, पे, कामिल शेख मिल जाए तो मुझे नंबर भेज देना यार ठीक <laughs> है ना ये सिस्टर साहरा को दे देना वो मुझे दे देंगे ठीक है ना ये चीज़ है तो वही सुबह लेट हो जा रही उठने के लिए डजेंट मैटर इज और आई लेट मैं तो सुबह उठता ही नहीं मैं तो सोता ही नहीं <laughs> कि ये इसके लिए किसी और से बात कर लो ठीक है अभी थीक भाई थीक है आवेदन हो कर दो हो गया ट्यूशन हो के बाद सिस्टर ज़ारा बता देंगी बाकी लाइन काट दें ला। ट्यूशन ठीक है जी 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 अरुण भाई आंख बंद जी नो डोर लास्ट जी लास्ट कट कर दो आबिद भाई सादिया बात करिए भी इंडिया से न्यू कॉलर हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम हो गया हो आरुण भाई डन 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 मेरा नाम सादिया है क्या? सादिया गादरी मैं इनके से बात कर रही हूँ अभी इस समय मेरे पीरियड्स वाले डेज चल रहे हैं जिद्दी वाले मुझे आंख मसला बातें पे आ मात मसला क्या है वो बता दें असल में बात ये है कि मेरे हस्बैंड को ना लास्ट ईयर कोविड हुआ था तो वो रिकवर हो गए थे लेकिन अभी कुछ दिन पहले से उनको फीवर हो रहा है बॉडी पेन बहुत ज्यादा है और नो हाथ पे गिरे गिरे से रहते हैं कोविड में बैठे दम तरता में बैठे दम में, में बैठे आंख बंद हो गया हो गया दम हो गया सिद्धि ओके जी, जी और दूसरी बात ये आ, एक एक मैं एक एक मैं बाजी बाजी एक मिनट एक मैं कोविड के दम में बैठे हैं मतलब जी जी आगे बढ़ रहे हैं

वो असल में उनकी जॉब का जॉब भी नहीं है एक साल से उनकी जॉब लूज हो गई तो है फाइनेंशियली है? है। देखें, तो हम बहुत ज्यादा दुनिया देखेगी हम इन्हें देखने की जरूरत नहीं है हम हम दुनिया को दिखा चुके हैं हम दुनिया को दिखा चुके हैं ठीक है ना जी हो गया जा रम्स की बात है ना बिल्कुल हाँ हो गया हो गया लाइट काट दो ले आओ काजमी कहा है। ठीक है ना अब तो दुनिया देखेगी आप पढ़ना शुरू कर दो नोडोर सिस्टर जायरा के पास भेज दो इनको ए... यासिन मृत मोबीन दो दफा सात सौ छियासी बिस्मिल्ला छह हजार या और नक्श डालते हैं गलों में सबके ठीक है ना और ट्यूसडे को जब दम होगा तो खुद भी बैठे शोहर को भी बैठा दें शोहर को बोले पढ़ाइए बंद कर दें अपनी तरफ से सारी अगर कर सके तो और अगर कुछ सुनना है तो पढ़े नहीं तो यासीन मेरे द मोबीन यूट्यूब से अगर सुन ले दिल चाहे तो बाकी सब चीजें बंद कर दें ठीक है और बाजी को भी रूल्स रेगुलेशन सिस्टर ज़ारा समझा देंगे सुनो और राग बंद यासीन कितने बार सुनना है दो बार दो बार दो बार, दो बार दो बार दो बार दो बार और ये पढ़ेंगे भी दो बार ये पढ़ेंगे भी दो बार जी ठीक है ठीक है जी बिस्मिल्लाह के नक्श सबके गलों में और और बिस्मिल्लाह के नक्श फ्रिज में फ्रीजर में जहाँ जहाँ पतीलों में जैसे या एड ऑन मतलब मत फ्रिज में डाल <laughs> फ्रिज में डालते दें हां बाकी ना डालते दें पतीलों जो में जो डाल सकते हैं पतीलों में जो खाने के वो होते हैं देखो के अंदर ना थैली में बांधे खाना खत्म नहीं होता बड़ा अजीब निजाम है ये लेकिन आप वो बात नहीं रही हो गई हो गया, गया। बाय जी बाजी बोले मैं कह रही थी आ, हम जब घर में रह रहे ना तो आ, मतलब जैसे बहुत कुछ परेशानी तो नहीं है घर के अंदर घर तो तो में आप दो मिनट दो मिनट तो तो मसला आपके घर का नहीं है मसला आपसे दो घर छोड़ के है समझ में आ रहा है नहीं जी जी क्या नहीं समझ मसला मसला आपके घर नहीं है दो घर छोड़ के है जो दो घर के बाद घर है यानी कि तीसरा घर आपसे वहां अक्सर क्या होता है मतलब मतलब समझ में नहीं आई बिल्कुल भी यानी कि आपका घर आपके घर से दो घर छोड़ के जो घर है उधर क्या, क्या होता है उधर क्या होता है कुछ भी नहीं मतलब सुनसान ही है नीचे गोडाउन है आसपास के लोग ही रहते हैं सोसाइटी जो आमतौर पर जो मकानों में रहते हैं ठीक है ठीक है ये है ठीक है दो घर छोड़ के क्या है मुझे ये बता दें क्योंकि आपने एक तरफ कहा गोदाम है गोदाम के साथ घर है यानी कि आप कैसे भी रहते हैं और भी, भी, भी है। तो यानी कि पूरा मोहल्ला आपने दो घरों घरों के रख दिया तीसरा कहने का मतलब है मेरे घर के नीचे तो है वो गोडाउन है और वैसे राइट साइड में बिल्डिंग्स हैं बिल्डिंग है लोग रहते अच्छा उसी तरह से ही है आपके घर के बिल्कुल नहीं है आपके घर के बिल्कुल साथ क्या है दुकान है चर्च है मंदिर है या घर है आपके घर के बिल्कुल साथ। जो मैं थुण थुण तो जो है ए सी मार्केट एसी मार्केट से है, इस तरह से, एसी मार्केट है। और दो 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 जगह छोड़ के बाजी आग बंद कर ले। दो जगह छोड़ के दो घर या दो गोदाम या दो दुकान। दुकाने या दो एसी या पंखे उसके बाद क्या है नहीं जैसे राइट साइड में जो है वो ए, स्कूल है और लेफ्ट साइड पे कंटिन्यूअस बिल्डिंग लोग रह रहे हैं इस तरह से ठीक है जो स्कूल के साथ क्या है के साथ जब नीचे उतरते हैं तो सीढ़िया वहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे एसी मार्केट ये सब वॉशिंग वॉशिंग के पार्ट्स मिलते हैं इस तरह से वहाँ वा, वहाँ पे ये ये वॉशिंग के पार्ट वगैरा मिलते शोर शराबा रहता है जी रहता है लड़ाई झगड़ा बहुत होता है वहाँ पे जो दूसरी दुकान स्कूल के बराबर में वहां है मसला वहां लड़ाई झगड़ा भी बहुत रहता है वो एक जगह है जहाँ पे ये है इनके घर में नहीं है आपके कोई मसला अब समझ में आ रहा है मैं क्यों पूछ रहा हूँ ठीक है ना जी जी ये जी। मसला है वहां पे मसला है अब ये नहीं कि आप डरे वहां से आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है जिनका है वो खुद भुगतेंगे भुगत रहे होंगे तो, अच्छा <laughs> तो हमें शिफ्ट करने की जरूरत कुछ भी नहीं है जरूरत आपको कोई शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है अब आपको पढ़ने की जरूरत है भाजी होना हो तो दो घर छोड़ के हो जाए क्या <laughs> अगर होना है तो दो घर छोड़ के, के हो जाए <laughs> तो फिर आपको भी जो है ना देवी वाली बाजी की तो दो साल में लाल गाड़ी पे कमाते को कोई कोई परेशानी की जरूरत नहीं है पढ़ना शुरू हस्बैंड पे तो कोई नजर नहीं है कोई परेशानी तो नहीं है ना हसद लग गई है बाजी हसद लग गई है इसको ये मेरे ख्याल से उसके घर वालों ने कुछ किया है उसके ऊपर रिस्क तंग हो तो वो आपको छोड़ दे बाजी किस चक्कर में पड़े हुए ठीक है ना सब फ्रॉड का मार्केट है हसद नजर है, ऐसे थोड़ी होता है ठीक है ना एक आदमी का हालात खराब है तो खराब है दैट्स अबाउट इट ठीक है ना कोई ऐसा आदमी नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाया हो ना किसी के न लेने में ना देने में सिर्फ एक मीडियल क्लास आदमी है गरीब आदमी स्ट्रगल कर रहा है तो उसको नजर हसद का क्या ताल्लुक है क्यों बिल्कुल वही तो अभी कोविड की वजह से पार काम बंद था, था पूरी दुनिया का सबको तो नजर असर सब लगी नजर असर जिन्नात फिर रहे थे बिल्कुल हाँ यूर ओके बाजी डोंट वरी मेरा मेरे, मेरे पांच साल, साल का एक बेटा है जरा उसके बारे में भी जरा देख लीजिए वो भी ठीक है नाम 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 रूहान रूहान ठीक है ठीक है लाउड है बच्चा लेकिन गुड है बिस्मिल्लाह का नक्श डाल लेकिन

सानिया या मेरठ वाली बाजी हाँ कर तो है बाजी? मको तार दूंगा उतारूंगा जी, मक, जी, जी, मक, <laughs> अच्छा, हाँ, जी कब से पढ़ना शुरू करना श्रेष्ट जायरा बताएंगे आपको बाजी नोटो डन हो गया आपका ठीक है ना ओके 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 देने वाली सरकार जल्दी जल्दी ले पांच है तीन मिनट में निपटो जिद्दी वाली बात आयी है बाजी ने दी है इनका थोड़ा मसला है आयशा आप बात वो मुझे पता है जिद्दी वाली मिनटे को मुझे पता है मैंने अभी दम किया है मेरे को तवज्जो में मैं कर रहा हूँ ठीक है ना लेकिन बीमारी है मुजम्मिल उनका नेट आ रहा जा रहा है तो बाद में कर लेंगे अगर आज नहीं कर सके तो बाद में कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जरा दम कर दो मुझे आंख बंद कर करना

ओके okay. तो मैंने ना दो ख्वाब देखे हैं एक दिन में ठीक है दो मिनट दो मिनट दो मिनट क्या पढ़ रहा है 33 दिन तक नमाज है क्या एनी आफ्टर नमाज फजर या हमीदो कितनी दफा 6000 टाइम्स ठीक है ख्वाब ख्वाब आखिरी वाला बता दे और जल्दी बता दे अच्छा ख्वाब ये था कि मेरे ना कोई शादी है मैं वहाँ पे हूं लेकिन एक छोटी बच्ची है मेरे गोद में और ना मैं उसको वॉशरूम जो है देखे जा रही हूँ इसी इसके पहले वाले दिन ये देखा है वो भी शादी है किसी की लेकिन ना जिस तरह चेयर सीधी रो में नहीं लगी होती वैसे वो लगी ये के, के है के, के, आप पाकिजगी और तहारत की तरफ जा रहे हैं आपने ये ख्वाब देखा है बच्चे अच्छा। को अगर उसको साफ सुथरा कर रहे हैं नैपी चेंज कर रहे हैं या तहारत करवा रहे हैं ठीक है ना तो वो पाकी की तरफ जा रहे हैं तो गुड है वजीफा क्या कर रहे हैं छह हजार या हम्मीद हो किस लिए कर रहे थे ये बता दें अच्छा ये ये बताने के लिए अगर आप म्यूट कर लें तो जल्दी बता दें छह हजार अब लाइव है अब एक काम करें छह हजार या हमी दो सुबह छह हजार या हमी दो रात में और तीन दफा मुबीन पढ़नी पड़ेगी ठीक है ना अच्छा और या एक दफा कर पढ़ी नहीं हुआ। हुआ। क्या पुलिस ने पर्चा भी हुआ है उनके जिस ने ऐसे किया है बाजी मिनट दो मिनट दो मिनट देख अभी लाइव चले गए तो ये सारी चीजें बताना फजूल है ये सारी बातें पहले हो चुकी है सब कुछ हो चुका है तो दोबारा रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है अब पढ़ने का काम है गाइडेंस बहुत क्लियर है गुड बाकी की तरफ सही रास्ते पे आ गए राय सला से रात पे।, पे अगर करना है इसको सही मसले को हल तो सेवेंटी टू डेज तक 6000 हजार या हम ही दो सुबह तीन दफा यासिन मुबीन दिन में और छह रात या में रात या हम रात में पढ़ना शुरू कर दें और फिर देखें अल्लाह तला क्या कर चलता है ये आपके हक में बेहतर हो जाएगा ठीक है ना ठीक है, ओके बाजी, हाँ वो सारी चीजें आपको ग्रुप से पता कर ले बता देंगे या यूट्यूब पे देख लीजिएगा ठीक है ओके बाजी, देने वाली सरकार अगली कॉल में ला दे जी सलाम भाई जान पांच कॉलों की बात हुई थी एक आपने पहले मिलाई तो चार एक वो पांच छठी है ये अभी बाकी कॉलों में कैसे लूंगा यार हाँ जी के अलावा तो रखी है को भी तो मिला दो बात करो बोलो बाइक क्या, क्या वालेक। वालेक। जी बाजी बोले माथे पे हाथ जी क्या माथे पे हाथ और बंद सब तो एक मेम्बर है आ, उनका कोर्ट केस चल रहा है उनको हस्बैंड ने डिवोर्स दे दी है तो उनका कल जो है ना उनकी लास्ट हियरिंग है सात दफा लड़की का नाम सात दफा वो अभी पढ़ना शुरू कर दें जो उनको फोन करके बताओ पढ़ रही है सात दफा पढ़ रही है नहीं तीन तो दफा दो तो दफा पड़ने, अभी बैठ जाए पढ़ने को एक दें। दें। फिर बाकी तीन तीन दफा डन हो गया शायद उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है वो बात नहीं कर सकती उनके पास फोन नहीं है उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि जो उनकी बहन है ना मतलब उसके साथ थोड़ा इशू हो गया मेंटल इशू वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कोर्ट में वो बार 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 पूछते हैं तो वो उल्टा बोल देती है तो वो कह रही है सात दोबारा दवा 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 बता रहा हूं। दवा लाइन काट के उनको बोलो अभी पढ़ लें और देखें क्या होता है फिर दोबारा तीन पे आ जाए ठीक है हाँ ठीक है प्लॉट नंबर फिफ्टी टू हशर नशर वाली बाजी ने बोला है बनाना ठीक है उनके लिए या नहीं बिल्कुल करीब भी ना जाए करीब भी ना जाए नहीं

कोई रिश्ते वगैरह आ रहे हैं जी है। रिश्ते वगैरह आ रहे हैं कोई यानी कि नहीं कुछ भी, भी, भी नहीं ना, ना आ रहे ना जा रहे अगर कहीं बात भी करते हैं तो मना आ, हो जाता है शादी तो तो के लिए कर रही हैं या पसंद की शादी है ठीक है दो दफा फिर दो दो दफा अरेंज और आँख बंद कर ले मतलब नॉर्मल शादी की कहीं से भी कोई रिश्ता और कितना टाइम हो गया पढ़ते हुए एक साल

ठीक है शादी क्या कहते हैं अरूसा नाम है तो क्या वो तो पढ़ रही है ना दिल्ली वाली बाजी तो फिर जी। फिर क्या मसला है पढ़ती रहेंगी अभी तो शादी पढ़ती, पढ़ती रहें बाजी पढ़ती रहे अभी बाजी ठीक है वजीफा क्या, तो क्या, तो तो क्या कर रहे हैं वजीफा क्या कर रहे हैं एक बार तीन हजार बार या लतीफ। या लतीफ उम्र कितनी है आपके अट्ठाईस अभी पढ़ते रहे अभी कितने दिन हो गए पढ़ते हुए एक साल हो जाएगा पिछले तो फिर छह हजार दफा कर दें इसको रात देख है? है? से पढ़ तो रहे तो पढ़ते रहे कुछ भी नहीं हो जाएगी अरूसा ही हो जाएगी ठीक है ना सिटी वाली बाजी बाजी एक चीज और बताए जाते जाते फेसबुक पे हैं आप इस्लामिक सूफी वजाहफ पे जी जी पोस्ट लास्ट टाइम कब की थी आपने उस पर मैंने लास्ट मंथ की थी लास्ट मंथ की थी ठीक थी, है क्यों मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि शादी का मसला ऐसा तो वो कनेक्ट कॉल पे आ रहे हैं तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्या वो तो वही तो मुझे समझ में नहीं आया नहीं, नहीं है। ये क्या है? समझ... नहीं, एक साल से बात नहीं हुई होगी बात नहीं हुई छह महीने वाले छह महीने वाले हाँ छह महीने वाले ठीक है ठीक है ठीक है वो भी ये सोच रहे मैं ठीक है वजीफा बढ़ा दिया है अब आपसे बात होगी एक साल बाद नहीं नहीं जैसे होता है दो एक महीने बाद दोबारा बात करें गुड न्यूज के साथ ओके ओके क्या नाम है उरूज रहने वाली माफस तिल्ली वाली बाजी मुझे याद है <laughs> तिल्ली वाली बाजी ठीक है ओके तिल्ली वाली बाजी बाय जी देने वाली सरकार है कोर्ट वाली बाजी क्या हाल है खैरियत तो है सिटी वाली बाजी दम हो गया मेडल वाली बाजी अगला 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 मेडल वाली बाजी हेलो अस्सलाम वालेकुम और सलाम जी बाजी साजी मैं मेडल वाली बाजी बात कर रही हूं जी बोलिए हेलो जी देखें कनेक्ट कॉल पे जल्दी जी, बात कर शार... ले तो बड़ी मेहरबानी होगी क्योंकि मसला ये है कि ये जो अभी मैंने जितनी कॉलें उठाई है ना उसमें से आधे से ज्यादा सब बुखार वाले लोग हैं ठीक है ना तो आप देख लो आप पाकिस्तान हो इंडिया हो पाकिस्तान से बात कोविड का क्या अजाब आया हुआ अल्लाह का या नहीं आया हुआ जी बिल्कुल आया हुआ है आप लोगों का क्या काम है बस है न इम्पोर्टेंट इस वक्त क्या है कोविड ये इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट ये इम्पोर्टेंट ये है इम्पोर्टेंट ये, important ये है ठीक है ना ये चीज है <laughs> बड़े अच्छे बात याद है <laughs> बड़े अच्छे बात है इम्पोर्टेंट ये, इम्पोर्टेंटेंट ये, ये, ये है हाँ अच्छा जल्दी जल्दी बात कर ले बाजी जी शादी शादी में शादी के लिए वजीफा ठीक है वजीफा क्या कर दो मिनट दो मिनट वो ठीक है छह महीने बाद हो रही है शादी के लिए कर रहे हैं मुझे ये बता हैं वजीफा क्या कर रहा है जी सिक्स थाउजेंड या लतीफ़ू और थ्री थाउजेंड टाइम या मुबिन और आपने कहा था विद्य मुबीन जब दिल चाहे चाय पढ़िए बस ठीक है ये वजीफा आपने जारी रख रहे हैं रमजान के बाद अब अब बात होगी वजीफा यही जारी रखना है असली नाम बता हैं बस अपनी हेरा ठीक हे है कुछ भी नहीं है आपका भी वो क्या रूज की तरह शादी हो जाएगी जल्दी ओके भाए, ओके भाए। मेरे जी मेरे बात कर लू थोड़ी हाँ जल्दी से कर लें मे, घर वालों को तो इशू नहीं है बस अपोजिट साइडे मसला बा खुदा दी बा शरीयत होशियार शैतान बंद नहीं है इसका मतलब ये शैतान खुला दंदनाता फिर रहा है गलियों में इनके दिल पे राज कर रहा है बिल्कुल क्यों जी शायद बिल्कुल समझ गई समझ गए ना ओके खुदा ओके बाय ओके बाय अल्लाह हाफिज़ अल्लाह अल्लाह ये बात अल। तो प्रूव हो गई है शैतान बात रही है सब स्टोरी है सब स्टोरी है बिल्कुल ठीक है क्यों गुलाबचंद सही करो ये अवेक अवेक वाली बाजी मिर्जापुर का रेफरेंस वो तो गई है वो समझ गई है इंपॉर्टेंट ये नहीं हो

तो अब मुझे बताइए मेरी तबीयत तो माशाल्लाह बेहतर है जितने इश्यूज थे वो सब इसके अंदर सब चीज सब लेकिन हो जिस मसले के लिए आए थे वो तो वही वो लटका वही, वही लटका अच्छा ये पढ़ते रहें अगर सारे मसले हल हो रहे हैं तो रिस्क में तंगी भी इससे खत्म हो गई है आ, रिस्क अनाज तो अल्हम्दुलिल्लाह हर हर चीज़ हर चीज़ अवेलेबल तो है 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 तो तो ठीक लेकिन पैसे के मामले में में थोड़ा है वो तो मनी दम ना, में बैठे हैं। ना वो तो बैठ रहे होंगे अच्छा दूसरी बात ये मुझे बताए की सलाम हिलने वाली सरकार आंख बंद कर लो बाजी जो काम की चीज है वो ये का डालते है, जी डाला है तो फिर ये ठीक रहेगा आप यही पढ़ रहे हो या बसीर हो ना छह हजार दफा हाँ जी या। हाँ जी और एक मरतबा यासी पढ़ना है तो छे हजार या लतीफा पड़े पार्क पड़ जाएगा अगर इससे रिस्क आ गया है तो उससे पैसा आ जाएगा एक आ रही है ना। उसको कितना पढ़ लिया पढ़ रहे मैं दिन के टाइम पढ़ती हूँ हाँ ठीक तो है।, है।, है वो बहुत अच्छी बात या लतीफो कितनी मरतबा पढ़ना है छह हजार दफा रात में पढ़ना है फजर से पहले पढ़ लें वो शहरी से पहले पढ़ लें इफ्तार के बाद इफ्तार से लेके शहरी तक तो एनी टाइम देखिये मैं आपको पढ़वाऊँ अगर पढ़ सकते हैं तो मैं पढ़वा देता हूँ आपको पढ़ लेंगे इस तरह एक बजे रात को क्या करते हैं आप फेसबुक और यूट्यूब के, के एक ही काम होता होता है 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 स्ट्रीम होती फेसबुक हंगामा एक, है एक, एक बजे रात को अपने पाकिस्तानी टाइम छ हजार या लतीफो रोजाना छत्तीस दिन पढ़ ले मगर एक बजे का मतलब एक बजे जा नमाज के ऊपर बैठे हो ठीक है ना शाह जी नहीं वो तो है लेकिन ये हस्बैंड का इशू होता है क्यों वो वो माइंड माइंड करते करते हैं करते हैं कैसे तुम बैठ के पढ़ती रहती हो अच्छा हालांकि मिनट मिनट होता है वान आ, वान आर 30 मिनट है लेकिन उनको इशू है मुझे पढ़ने में कोई मसला नहीं है मैं तो शौक से पढ़ती हूँ तो टाइम पढ़ लिया कर तीन हजार कर लें या छ हजार कर लें वेरी बैड कंडीशन इन इंडिया बाजी लिख रही है नाइट कर्फ्यू लगता है तेलंगाना एरियाज जो इधर के एरिया एरियो में तो लगता है ठीक <laughs> है बाजी ये करें और बताएं मुझे फिर एक महीने के बाद रिस्क पैसा आने लगेगा ठीक है ना ठीक है एक एक और बात लास बात लास्ट एट तो टू एट पे जो हो रहा है वो कंटिन्यू रहेगा वो तो अभी रहेगा ना क्योंकि निगाह तो अभी है ना काम बाकी है ना उसका खत्म हो गया या तो अगर कह रहे हैं कि ठीक हो गया तो छोड़ दें ठीक है शाह छोड़ते ठीक है तो छोड़ छोड़ते डॉक्टर वगैरह सब ओके कह दिया है डॉक्टर ने हाँ जी ओके 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 तो, ओके। तो फिर बस ठीक है कल मिलते हैं ब्रेक के बाद ओके बाजी देने वाली सरकार अगले मिला दो ओके खत्म हो गया और आप क्या पढ़ रहे हो मुझे ये बताओ मुझे तो यही नहीं पता इन्होंने वजीफे को रगड़ दिया है खराबी कर दी वजीफे में रोल रोल के न छ हजार छीफो और बारह हजार बिस्मिल्ला ठीक है पढ़ते रहो फिर सही है मैंने सोचा ये सूर रहमान पढ़ना है ठीक है ठीक है ये करते रहो ठीक है ना ओके ठीक है ना बाकी सब ठीक है जी शाहजी शाहजी एक दुकान नंबर पूछता था दुकान नंबर एफ सिक्सटी फोर फिफ्टी फोर सिक्सटी फोर ठीक है ठीक है अदरवाइज ठीक है देख लो बसेरा ना हो जाके सांस लेना बड़ी बड़ी ना पता चल जाएगा ओके जब <laughs> पान थूकते तो ना कोने में चारों कोने में पाल <laughs> का कर को बिल्कुल चूना है ना उसमें देने वाली वाले चूना है ना उसमें अब आप सीढ़ियों पे चले जाओ कराची में जिस सरकारी या गैर सरकारी सीढ़ी पे जाओ कोनों में पान नजर आएगा पीक क्यों ऐसा ही है ना हर बिल्डिंग में है हर बिल्डिंग में हर, हर बिल्डिंग, बिल्डिंग में तो तो हर बिल्डिंग बिल्डिंग कोने में, में पान की पीक है। और मजा ले कोई कीड़े नजर आ जाए इन बिल्डिंगों में चूना होता है ना तो ये चीज है हिसार बांध लेना लव लव यू यू ओके ओके नवाजने वाली बाजी आग बंद नवाजने वाली बाजी आग बंद अच्छा उधर से हो गया इधर से चक्कर खत्म है अब अब फ्रीलांस लांस ले लो यार कम से कम एक आधा घंटा तो लो ना यार हेलो अस्सलाम वालेकुम असला है लोगों के साथ हेलो हेलो जी वन फाइव सिक्स पे जो है वो बात कर लें एफ के बड़ी मेहरबानी होगी इस पे कर हेलो वन फाइव सिक्स पे जो है जिनकी कॉल अभी है बात कर लें हेलो सर जी बाजी आप बात कर लें प्लीज हाँ जी इस्लाम शाहब

हाँ। आ, रेटिना में बाजी हो, होल्ड कर लेंगे हो अच्छा हो गया दम लाइन काट दो इसी वक्त ओके बाय ये गरम होगा बट इसमें माथे पे हाथ रख लो या आंख बंद करो okay. तबीयत तो बेहतरी आप हेलो बाजी होल 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 पे रहे, हैं। रहे हैं। दे एक मिनट दे दें दे वो दम कर रहे हैं शाह जी जी बैठे वाली बाजी आंख बंद आंख बंद कर हेलो बाजी हेलो जी बाजी बोले हाँ जी शाह मैं बच्चियों के लिए करी थी डेढ़ महीने पहले है उनके आँख रेटिना का प्रॉब्लम है, है जी मैं सात सौ छह से मरता और एक दफा यासिन मतम और छह हजार मरता या लिफू ठीक है बोले और जी रेटिना का प्रॉब्लम है साहब बताए डॉक्टर्स को भी हम ना रिसर्च सेंटर में बताई मैं Uh, अभी उसमें वो लो लोग एक्टिव दौराने खून ने हुआ बोल रहे हैं बाई बर्थ है प्रॉब्लम ये बोल कर रहे हैं। okay. uh, वो, वो उसका नंबर टेन है वो आई का एक ठीक। नॉर्मल नहीं है, ठीक है अगर इनके खुदा से ठीक नहीं हुआ तो एटीन इयर्स में सर्जरी कराना पड़ता बोल रहा हूँ ठीक है ठीक और ठीक बच्चे है, का भी मसला है ठीक, है, ठीक है बच्चे का नाम uh, बाजी एक मिनट एक एक मिनट एक चीज पे एक टाइम ठीक है मुझे ये बताएं कि बच्ची का पढ़ क्या रहा है इसके लिए मैंने अगर पढ़ने को दिया है तो क्या दिया है ये, और, हजार या और एक मरतबीन ठीक है क्या पढ़ रही है छह छोड़ अच्छा दूसरा मसला बता दे आप दूसरा मतलब लड़के का है तीन साल के है मोमिन अली है नाम, मुमिन अली। मुमिन अली, है नाम मोमिन मोमिन अली अली ठीक कर रहे हैं, हैं हो हो दिक्कत नहीं है तो उसको वो ना करे चेंज ना करे उसकी फितरत को लेट टॉकर होगा ठीक है ना उसको ना छेड़े बोल बड़ा और दूसरी बात दूसरी बात उसके गले में बिस्मिल्लाह का नक्श डाले जी जी हाँ तो है 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 सबके है। गले में सबके गले में अच्छा अब एक काम करें कि वजीफा चेंज कर रहा हूं या दफा सुबह रात को छ हजार दफा या लतीफो और एक दफा यासीन मद मुबीन पढ़ना शुरू कर दे बहत्तर दिन की पढ़ाई है पानी पे दम नहीं करना कोई दरूद अच्छा। नहीं पढ़ना उसके साथ यानी कि वो जो नहीं है कि दम दरूद के चक्कर में पड़ गए कुछ भी नहीं करना सीधा सीधा पढ़ना है

ये कनाडा के लिए ट्राई करना क्या सोचे अभी नहीं अभी नहीं तो जो के बाद, तो के बाद अभी के नहीं बाद, अभी कुछ भी ना करें ईद के, के बाद बात करिएगा मुझे यहीं पे बात करिएगा तो फिर मैं बताऊंगा जी अभी नहीं लेकिन अच्छा ठीक है ना जी अच्छा जी अच्छा ठीक है तो जो के ये बिस्मिल्ला का नक्श फ्रिज में रखें इंशाल्लाह रेस भी खुल जाएगा आपके पढ़े और छत्तीस दिन बाद बात होगी या तीस दिन बाद ईद के बाद तो फिर ये वीजों के लिए मैं बताऊंगा क्या करना है पढ़ना पड़ेगा दोनों मियाँ बीवी अच्छा ठीक है जी, ना जी 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 अच्छा ठीक है शाह ठीक है ओके ओके ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जी शुक्रिया शाह शुक्रिया शुक्रिया फोर सेवन फोर वाले जी बाजी साथ में ही हैप्पी स्माइल वाली बाजी बात कर रही हूँ जी बाजी बोले एक हफ्ते पहले ना मैंने बताया था पिछले संडे मंडे को मेरी मम्मा सीढ़ियों से गिर गई थी तो हमने, हमने आपने कहा था कि पहले डॉक्टर को अच्छे से चेक करवा लें फिर बताइएगा तो वो चेक करवा लिया कुछ नॉर्मल है कोई मसला नहीं है बस वो बॉडी पेन्स हैं थोड़ी जो, है, जो सर में स्वेलिंग, स्वेलिंग का वो था उन रहे है सब ठीक है वो डॉक्टर कह रहे हैं नॉर्मल है वो सिर्फ गिरने की वजह से आ रही हाँ, थी वो ठीक ठीक है है कंकशन नहीं है ऐसे और शाता वो मम्मा ने आपसे बात करनी है बोले बाजी कहाँ गिरते फिर रहे सीढ़ियों से ओए वो, वो एक, एक, जमाना था लोग आपको देख के गिरते थे अब आप ही गिर रहे हो ये बड़े रम्स की बात थी ये पुराना डायलॉग है है ना जी बोले बाजी बोले सारे चोटे आ थी हाँ बाजी वो थोड़ा सा एहतियात करें ना चप्पल चप्पल और गीला ये होता है पाकिस्तान में ना ये चीज है ए, और अब शादी में से बैठा तो नहीं अभी जा रहा ठीक है लेकिन लेट के मैं थोड़ी पढ़ सकती हूँ हाँ, जितना जितना पढ़ा जा रहा है जो भी वजीफा वो कर ठीक है और यासिन बिदिन मैं लेट के सुन रही ठीक है और या जी बोले या या वो, वो, वो भी लेट के दो मिनट वो भी लेट के जितना पढ़ा जाता है पढ़ लें और जैसे भी हो उसको कर ले मैंने खड़े होने की करे और यहाँ से ही नहीं आपको खड़ा कर देगी ठीक है ना इंशाल्लाह ठीक है और इरम का रिजल्ट आ रहा है किस चीज का रिजल्ट आ रहा है MBBS के सेकंड का। ओ ठीक है, फिर तो ठीक होगा डर हो बस ये बता देना जब एमबीबीएस कर लो कि क्लिनिक कहाँ खोला है तो उस तरफ ना कंटेंडर नहीं थी आ, ये इंटेलिजेंट कैंडिडेट नहीं था ये भी तरह ना जितने यहाँ पढ़े लिखे फिर रहे सब वजीफों से पास हुए है ना ये चीज है ठीक है ठीक है ठीक हो जाएगा डोंट वरी ठीक है

बाजी किधर गायब है जी सलाम वाले सलाम जी भाई बोला जी शाह वहीद मुराद वहीद मुराद जी, मुराद। जी वा... वा... <laughs> <laughs> वो आवाज से पता चल गया ठीक है ना आप हाँ बोलो चंदा <laughs> ये ये वाइफ की बात करानी थी करा। मेरी भी बात थी। ये वाइफ। ओ, ये टोपी बहुत गरम है वालेकुम जी बाजी

ऐसा मेरे से है जी सर आप बोले बाजी कल बे क्या जाहिद कल बे जाहिद आपने ना मुझे ना आपने ना सेवन सात बार ना यासिनी वर्दे मोबाइन दी थी रमजान से पहले तो जब मैं ना मतलब मैंने फर्स्ट रमजान से शुरू की ना तो सात दिन मैंने पूरे किए ना सात दिन पढ़ती रही उस ना। उसके बाद मैंने आपसे आपने कहा तो मुझसे बात कीजिएगा तो अब मुझे कोई वजीफा आपको बताया था ना डी एन सी होगी ठीक है ना जी हाँ तो अब एक काम करें कि पहले से पढ़ रहे क्या पढ़ रहे है अभी अब मैं कुछ नहीं पढ़ रही बस वही जो आपने बताया था ना सात दिन सात दफा पढ़नी है दिन में क्या चीज़ है में मुझे, भाजी मुझे, समझ, मुझे जी याद दिलाए मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा मुझे रिकॉल ही नहीं हो रहा कुछ भी समझ में भी नहीं मैम मैं बता रही हूँ मैंने आपको बताया था ना कि मुझे डीएनसी होगी थी तो आपसे बात की थी तो मैंने सात दिन वृद्ध मोबीन कहा था आपने पढ़ने के लिए ठीक है जी तो अब मुझे ना आ, मुझे आपने कहा था वो एक मिनट बात दिन बात बंद कर दी, दी। दो मिनट एक मिनट जब आपको डीएनसी से पहले ब्लीडिंग हो गई होगी तो उस उस वक्त मैंने कहा था सात दवा विरडेमोबीन पढ़नी नहीं है नहीं आपको मैंने फोन किया था कि मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया लेकिन उन्होंने कहा है कि मतलब बच्चा ठीक नहीं है आप इसको डीएनसी करवा दें हाँ तो फिर आपने कहा था कि मामला हाथ से निकल गया आप इसको मतलब डीएनसी करवा दें इसकी आप खत्म करें काम तो आप ये मतलब फारिग होके तो आपने सात दिन दिन में सात दफा मुन पढ़नी है ठीक है ठीक है ठीक है, है डीएनसी खुद कराई थी या खुद ही होना शुरू हो गया था मतलब ही तो खुद ही होना शुरू नहीं, नहीं थी उन्होंने कहा था बच्चा ठीक नहीं, शुरू हुआ, हाँ, खुद नहीं करवाई थी, थी, है पाक होने के बाद पढ़ा होगा आपने ना पाक होने के बाद पढ़ा ठीक है अब जो है आपने सुरह मरियम एक दफा पढ़ना है क्योंकि प्रेग्नेंट होना मसला नहीं है मसला आपके होल्डिंग का है और ये के उसकी सेहतियाबी का छह हजार दफा या बाकी हो और एक दफ़ा सूरह मरियम मगर एक थीक काम करिएगा सिस्टर जायरा से पहले बात कर लें और रूल्स अच्छी तरह समझ जाइएगा ठीक ठीक है ना क्यों पहले वाली गलती है दोबारा ना हो ना हो ठीक है ठीक है? है नाम तो सोच लें अभी से लड़का होगा तो मोहम्मद लगाएंगे शुरू में लड़की होगी तो फातमा आखिर में ठीक है ना और बाकी आगे पीछे का बाद में सोचिएगा एक दफा बच्चे को खैर खैरियत से दुनिया में आ जाने दो ठीक है ठीक है तो शाशा मुझे सब कहते हैं कि आप ना दम वगैरह करवा ले हाँ तो दम करा, करा लिया करें फोन करके हमें बोलो मैं लंदन से करा देती है, ठीक है ना तस्वीरें दिखा दीजिए कब ठीक है सर बोले <laughs> <थीक laughs> बात तो और शाशा भी तो एक और बात करनी है मैंने आपसे मुझे ख्वाब बहुत बुरे आते हैं ऐसे होता ना मैं डर जाती हूं सब बंद हो जाएगा सब बंद हो जाएगा सिस्टर जायरा से, से, से बात जब होगी ना तो उनके जो जिन्नात हैं ना वो नयौ. इतने खतरनाक हैं यकीन करें इट्स अमेजिंग अमेजिंग जब आपके ख्वाब में सारे बंद सारे इट्स अ बेसिक सिस्टर ज़ाहिरा इट्स अमेजिंग चाचा मेरी बात सुनिएगा मतलब यहाँ पे मैंने ख़ाब बताया था जब मेरा बेबी फोर्थ है उसके बाद एक मतलब औरत है बूढ़ी सी अजीब सी शक्ल तो मुझे कहती है कोई भी बात हो आपने मतलब अपने, अपने हस्बैंड से नहीं करनी और अपनी सासू माँ से नहीं करनी और मेरे कान में फूंक मारती है और इतनी ठंडी मुझे भाजी दो मिनट है दो मिनट दो, दो मिनट जी जब आप सिस्टर जायरा से बात कर लेंगे ना उसके बाद ये ठंडी फूके गर्म फूके सब बंद हो जाएंगी ठीक, ठीक है ये असरात हैं दायमी ठीक है ना आप पढ़ना शुरू करेंगे वजीफे के रूल्स फॉलो करेंगे बिस्मिल्लाह का फ्रेशन डालेंगे सब कुछ बंद हो जाएगा बेफिक्र हो जाए बिल्कुल ठीक है चलिए ठीक है ठीक है थीक। ओके भाई मुराद भाई किधर आ जाए ये बात लाएं। लाएं। जी शाह जी जिंदा इस दफा रूल जरा सा सख्ती से करा आ, लेना बोलना भाई पहले वाली गलती है ना करें खुदा के लिए ठीक है ना जी ठीक है ठीक है जी साहब एक छोटी सी मेरे से भी गलती हुई है थोड़ी सी क्या कि मैंने ना वो क्या कहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट कराया था सर कुछ नहीं होता तो तो

ओके हाँ चंदा और यार ये कोविड वाले तो और भी यार रात हो गई है जब भी तो इतना फैला हुआ है ओके चंदा ओके भाई अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ पानी का टैंक हो गया दम लाइन काट दो अच्छा अब उस साइड से ये टू टॉक पे येलो शर्ट वाली सरकार है बोलो चंदा अस्सलाम वालेकुम शाह साहब बोलो चंदा

ठीक है हाँ, तो मुझे कंपनी वालों ने कहा है कि आप एक महीने के अंदर करवा तो दफा यार तीफो, और ने एक दफा और सात सौ छत्तीस जब तो तक पढ़ते रहोगे रहो कोई हिला नहीं सकता अपनी जगह से नागा मत करना बस इसमें बस आप भी शाह थोड़ी सी दुआ कर दीजिएगा मैं तो कह रहा हूँ मैंने कह दिया है

One, five, six. One, five, six, बोल पड़े। ना जी बाजी। ये निकला ना, निकला ना ये वही 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 निकला निकला <laughs> निकला है। है है। है। ना जी बोले जी Hello? बाजी जी बोले बाजी बोले सलाम जी शहजादी मैं फराज़ फराजी बात कर रही हूँ जी बाजी बोले मुझे शाह को ही बताना था वजीफा तो मैं कह रही हूँ या लतीफो दफा लीफो छबीन और छह हजार दफा अगेन ऐशा के बाद या लतीफो, या लतीफो। जी मसला क्या था? बढ़ाया का? था आ, पहले तो मैं अम्मी के लिए कह रही थी वो अम्मा पान वाली जो है जी

हम न, मैं कोलेप्स हो सोचती हूँ कि मेरे साथ मसला ना हो जाए मैं भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मेरे बच्चे भी लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि आई डोंट नो क्या मसला है मेरे हस्बैंड जो है वो जियो फिजिस्ट है और ही वाज अर्निंग वेरी वेल लेकिन कोई दस साल से हम hmm. लोग प्रॉब्लम में हमारे घर में भी प्रॉब्लम हो रही थी कुछ ऐसी चीजें हुई थी कि हम अपने रिलेटिव के बहुत करीब जाके रहने लगे थे तो उसके बाद हमारे मसाइल बहुत मैं ये नहीं कह रही खुदा ना खासा लेकिन जो फील हुआ जो नजर आया जो एक्सपीरियंस किया ठीक है फिर उसके बाद फाइका के लिए मसाइल हुए बेटा मेरा सी एस एस भी दे चुका है एफ आई ए में उसके टेस्ट भी क्लियर हो चुके हैं अपने कारोबार भी कर चुका है दुबई में है। भी रह चुका है उसकी जहनी अच्छा। कैफियत यह है कि वहां पे भी वो टॉपर था रियल एस्टेट का उसने एग्जाम दिया था यहाँ पे अब आके वो यहाँ एक नई एजेंसी है मैंने शाह खुला था रोजगार वो जॉब पे आया क्योंकि उसका माइंड या तो सी एस एस वगैरह का था या फिर ये बिजनेस का था वो बहुत स्मार्ट है तौर पे एज अ मदर आई नो लेकिन तो 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 इसका उपने उपने इन सारी चीजों का बाजी हल ये है है कि जो आपको वजीफा दिया वो पढ़ते अभी आपको तीन ही हफ्ते हुए पढ़ते अभी हाशिम खुद मेरे बेटे का नाम हाशिम है या तो कोई उसके अदद का मसला है बाजी एक बाजी वही मसले के लिए वही मसले के लिए ये आपको दे रखा है वजीफा ठीक है अच्छा शाह थोड़ा सा मैं वक्त ले रही हूँ आपके दो तीन मिनट सिर्फ मुझे ये बता दें कि हाशिम खुद भी लतीफो पढ़ रहा है कोई तीन महीने हो रहे हैं उसे ठीक है पढ़ता ठीक है ठीक है लेकिन उसकी ऐसे मुझे पता है कि वो कर सकता है और उसने मुझे बताया ऐसी डील्स उसकी एकदम से कैंसिल हुई है कि आ, जैसे आ, शौकत, भाई है शौकत भाई से बात की है उसने शौकत भाई से बात की है उसने नहीं वो उसने शौकत भाई से बात नहीं की लेकिन आ, मैं करवा दूंगी करवा उसको है। 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 और बहुत ज्यादा यानी लास्ट मनी दम में वो बैठा वो पहली दफा मनी दम में बैठा उसके बाद वो आता ही बहुत लेट था अपने ऑफिस से उसके बाद उसकी एक करोड़ की डील कैंसिल हो गई मैं है मनी दम में बैठा पढ़ाई में भाई से पहले उसका मनी दम कर रही थी उसके पैसे थी ठीक है तो, शोकर भाई से बात करा दे बाजी शोकर भाई फाइका तो का थी, खुला हुआ है फाइका का ठीक है फाइका का ठीक है चासा वो बहुत मेहनत करती है वो हां वो मेहनत दो मिनट दो मिनट दो मिनट दो मिनट मेहनत से नहीं होता पढ़ने से होता है हमारा निजाम थोड़ा डिफरेंट है हाँ तो वो पढ़ने से हो रहा है उसकी पढ़ाई में असर है क्योंकि वो हर चीज को बिल्कुल टू द डॉट कर रही है और ठीक सिमत है उसकी ठीक है ना जी ये चीज है अच्छा अच्छा सब मैं थोड़ी सी और आपसे बात करूंगी कि जिस तरह की मैंने बताया था की मधिदम मेरे बुजुर्गों में भी ये सब कुछ हो चुका है वो हमें तो नहीं बताते थे लेकिन वो अपने अल्लाह ही हज कराएगा तो ये होगा तो उनके पास पैसे वैसे आते रहते थे उस तो अमल के चक्कर में लेकिन मेरे पास मैंने आपको बताया आपके वजीफों से पहले भी हमारे घर में क्वंस मिलते थे मुझे पैसे भी मिले और कहीं से मिले कुछ गाइडेंस हमारे साथ चल रही थी मैं अब बता नहीं सकती आपको मैंने मेरी वालदा ने जो मुझे वजीफे बताए पहले जमाने में वो भी बहुत एक्टिव थे लेकिन हम फिर उस ऐसे आ, मतलब ये कि किसी मसाइल में जो थे वो बहुत ज्यादा उन्होंने हेल्प की थी बट मेरे पास मुझे ना ख्वाब पहले से आ जाते हैं जो भी चीज होने वाली होती है खास तौर पे पहले ये होता था कि अगर मेरे बच्चों पे कोई मसला होता है तो वो मुझे पहले बिल्कुल एज इट इज नजर आ जाता था एक दिन पहले

नहीं नहीं, नहीं 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 वो फॉर सम रीजन जैसे मेरा देखे देर इज नो रीजन टू इट बच्चा हुआ चालीस दिन उसके बाद शुरू वो बहुत पुरानी बाजी ये पुरानी, पुरानी बात से मतलब हमारी वालदा भी पढ़ती थी सिर्फ एक इसम पढ़ती थी और दस मिनट पढ़ती थी और बस इतना ही गैप था पूरी लाइफ पढ़ती रही कि जब बीमार पड़ने बस वो लेकिन वो रेगुलर उस तरह नहीं पढ़ा गया ना यानी कि जैसे पढ़ना चाहिए जैसे आपकी वालदा मैंने आपके भाई को भी अभी कहा भाई है आपका कि उसमें कंपेयर ही नहीं, नहीं कर सकते आप ना कंपेयर ही नहीं, नहीं कर सकते नहीं, कह रहे हैं तो वही तो ये चीज है तो इस चीज को ये, ये नहीं कि कोई रिश्तेदारों का कुछ भी पढ़ाइयों का फर्क है पढ़ने पढ़ाने वाले को कोई छू नहीं सकता सही। पढ़ने पढ़ाने वाला नहीं है अल्लाह ने ऐसी मदद की है कि यूं करके निकाल लिया मुश्किल क्या परेशानी है फिर परेशान होने की जरूरत ही नहीं है जब निकाल लिया है पहले दो मिनट जब पहले निकाला है हाँ। तो अब भी निकालेगा ठीक है परेशान मत हो अभी पढ़े ठीक है ओके भाई और अम्मा तो को बोले नानी, नानी को बोले दो मिनट दो मिनट नानी को बोले के हमारे लिए दुआ, दुआ कर दुआ। दिया करें ओके भाजी ओके खुदा जी जी बहुत शुक्रिया ओके भाजी ओके बात करवा दूंगी हाशिम से हाशिम की शौकत ओके ओके हाँ शौकत भाई से करवा ओके भाई अल्लाह शुक्रिया पढ़ने पढ़ाने वाला है कि अपने आप को इनविंसिबल फील करता है जो सवा सवा लाख पढ़ते हैं ना पढ़ने पढ़ाने वाले हो ठीक है घराने का आदमी नहीं पढ़ने, पढ़ने पढ़ाने, पढ़ाने वाला फर्क है घराने का आदमी जो है वो डिफरेंट होगा पढ़ने पढ़ाने वाला एक वो होता ही नहीं है कहीं कही ना छुपता है जी। ना हर जगह नजर आता है कोई जगह उसकी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां उसने अपना हाथ न डाला पढ़ने पढ़ाने वाले ऐसे होते थे इंडिया में घराने के लोग छुपते हैं ठीक घराने के लोग छुपते पढ़ने पढ़ाने वाला छुपता नहीं है लेकिन कुवत या वो कुवत, कुवत, हर चीज़ कुछ पढ़ने नहीं? पढ़ाने वाले की कुत का नहीं होता कुछ ना वो सर... दुनिया भी काम कोई रुकता नहीं है जैसे इनका था कि मैं पढ़ नहीं थी सब कुछ सही था बच्चे हो गए फिर छोड़ दिया जब दिल दिलचा पढ़ लिया टीवी पे देखा ओ ये नई चीज है ये पढ़ लेते वो छोड़ दिया फर्क है ना बिल्कुल फर्क है ना और इसकी मिसाल जो है आपके सामने दे दी खाब में उसने देखा कि अल्लाह ताला ने उनको पैर दे दिए जबकि बात ये होती है कि लड़का जो है फिरा देता खाब में तो बात थी क्योंकि जन्नत कहाँ थी माँ के कदम तले पैर के नीचे बिल्कुल अल्लाह तला ने पैरों में ताकत दे दी तो वो भी जन्नत चले गई खुद वो खुद ही चलने लग गई ये ये होती है समझने वाली बात वो जो क्या खाब की ताबीर ये ताबीर होती है ऐसे ताबीर होती है ठीक अच्छा मरियम अकबर चैट पे लिख रही है उन्होंने अपने आप को गोरों के कब्रिस्तान में देखो तो वबारा को बहुत बहुत ये ये एक नया सूफी गार्डन चैनल में करेंगे इनको भाई रिलीजन चेंज का कोई मैसेज <laughs> दे दो है ना इनको दे दो कम टू मी आई विल यू इस तरह की चीज़ ना वो इस तरह का पैगाम दे दो इनको अमन का पैगाम दे दो हद हो गई है ऐसे ही ख़्वाब में नज़र आ रहा है कुछ भी नहीं है जी फोर हेलो हेलो हाँ चंदा बोलो बेहतर है पहले से फोर सेवन फोर पे जो है वो बात कर लें ठीक है आग बंद आग बंद आग बंद से इतना वाले सलाम जी भाजी बोले जी शहजाद भाई मैंने छोटी बहन के बारे में पूछना था जी पूछे वो किसी के घर गई थी वो किसी के घर गई थी तकरीबन एक महीना हो गया है तो वो वहां पे सोई थी उनके कपड़े इसने पहने थे ना छोटी ने तो ये जब सुबह उठी है तो इसका वो आगे वाला जो दामन था ना वो कट गया था पूरा ठीक है नाम ठीक है नाम लाइबा एक घंटे बाद दोबारा एक घंटे बाद दोबारा लाइबा आग बंद तब आग बंद उम्र कितनी ठीक है उम्र कितनी है बाजी उम्र इसकी तेरह साल है बिस्मिल्लाह का नक्शा बिस्मिल्लाह का नक्शा गले में हाँ जी इसने पहना हुआ है कितना अरसा कितना अरसा हुआ तकरीबन दो तीन चार महीने हो गए और ये नक्श के बाद हुआ है ये नक्श के बाद हुआ है हाँ जी ये हुआ है अभी तकरीबन एक महीना हो है और कपड़ा उसी का फटा है ना जिसका कपड़ा ना, इसका उसी तो नहीं का फटा है ना, ना इसका तो नहीं ना नहीं जी इसका नहीं पटा वो उन्होंने उन, उन, अच्छा। उन इसको दिए थे कि ये पहन लो कुछ भी नहीं होता ठीक है कुछ नहीं होता, होता। दूसरा एक चीज और आपने तीन चार महीने बोला मतलब कि तीन महीने से ऊपर हो गया बिस्मिला के नक्शे फर्क नहीं है वो कपड़े किसी और के उनका मसला है इनका नहीं है इनका नहीं है चक्करों में ठीक है बच्ची ठीक है बच्ची ठीक है भाजी है चक्कर आपका नहीं है वो जिसकी बच्ची है जिसके कपड़े हैं उनके साथ मसला है इनका नहीं है वो तो अलबत्ता बिस्मिल्ला के नक्श पहनने की वजह से उसके कपड़े फट गए कैफियत बाहर निकल के आ गई ना तो इनको तो कोई फर्क बच्ची तो ठीक है ना जी जी बच्ची क्या है? बच्ची, बच्ची तो है ठीक है, है सोने देस है खेलने देखा कर। इफतारी कराते है उसको हाँ जी वो रोजे भी रखती है क्या क्या खिलाया था आज उसको क्या क्या खिलाया था उस तो टाइम तो मैं सब कुछ भूल गई शाह पे क्या खिलाएंगे ये बता ओके उई 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 फिक्र ना करे कोई भी बात हो मुझे और एयर फोन करके बता दिएगा बट कुछ भी नहीं है ये। हो जी शाह आपका ठीके। नाम ठीक है साल वाली बाजी ओ राइट साल वाली बाजी ठीक है बच्ची को कुछ नहीं होता जाए ठीक है जी शाह है ओके, अच्छा ओके जी शाह हमारे वो गांव के वो कागज जो है ज़मीन के वो हमें नहीं दे रहे हमने जगह बदली की थी उनके साथ पढ़ क्या तो रहे? हम लोग बेचना चाह रहे, पढ़ क्या रहे? उस, उसके लिए तो कुछ नहीं पढ़ रहे पढ़ क्या रहे मैंने ये नहीं पूछा किस जी अच्छा अच्छा जी सॉरी मैं सुबह सुबह या तीन सात सौ छियासी बिस्मिल्ला पढ़ती हूँ उसके बाद यासीन मिर्द मुबीन और ईशा के बाद या या, <coughs> यासीन मिर्द मुबीन को दो, दो दफा कर दें आपके लिए जल्दी हो जाएगा ये काम होना तो है इसने की बात है ठीक है जी शाह ये इस जगह के लिए शाह साहब कह रहे हैं नहीं उस जगह के लिए ठीक सी जगह के लिए ठीक है ओके बाजी ओके खुदा हाफिज समझ नहीं आई शाह साहब बाजी दो मिर्द मुबीन को दो बार कर दें एक जगह ना ठीक है जी जी ठीक है।, है बाजी सुबह के जी थी, ठीक है किसी ये भी टाइम सुबह के टाइम तो मैं सुबह के टाइम ठीक है ओके ये ठीक है शुक्रिया ठीक है ओके बाजी एनी टाइम पढ़ लें किसी भी टाइम पढ़ लें ठीक है ठीक है जी शाह शहजाद भाई शुक्रिया ओके बाजी ओके अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज हेलो 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 जी भाई बोले भाई भाई सलाम कौन शार शार भाई से बोले। जी बोले जीडा हमें ख्वाब के हवाले से बात करनी थी क्या हो गया ख्वाब को हम जो मतलब में कर रहे हैं हम मतलब वजाएफ वजाएफ कितने हैं हम मतलब कौन आप कर रहे हो जी जी हाँ हम कर रहे हैं ठीक है बोले? हम जो है वजायफ कर रहे हैं फॉर्म में और करते करते जो हम पीछे देखते हैं फॉर्म में तो दो औरतें बैठी हुई होती हैं तो जो और दो औरतें बैठी होती हैं उसमें बच्ची भी होती है तो हम उनको देख के पूछते हैं कि आप कौन हो आप तो डायरेक्ट जो है ना था वो मेरे गर, गर्दन पकड़ लेती है बच्ची जी मेरी गर्दन या हमारी गर्दन नहीं मेरी कर देना ठीक है और उसके बाद क्या होता है उसके बाद हम उठ जाते हैं मतलब चौक कर ये कब की बात है ये दो तीन नवंबर हो आ, क्या खा के सोए थे तो मुझे याद नहीं है कोई दाल वगैरह बेसन नहीं बेसन नहीं चटनी खाई थी हमने चटनी से नहीं, चटनी चटनी का नहीं है कोई दाल वगैरह या कोई आलू वो क्या कहते हैं आलू कहते हैं गोभी कोई इस तरह की चीज़ बाद कोई चीज़ तो नहीं खाई थी नहीं नहीं बादी कोई चीज़ नहीं खाई स्टूडेंट वाली सरकार है ख्वाब देखा है वजीफा कर रहे हैं पीछे दो औरतें बैठी हैं उनमें एक बच्ची है और इन्होंने मुड़ के देखा है तो उसने गला पकड़ लिया है इनका ये उठ गए डर के डर के उठ गए ये बताओ कि तसव्वर में किसको रखा था <laughs> वो में ये बता दो ठीक है ना तसव्वर में कौन था चंदा कोई नहीं था कोई नहीं चाचा उन्होंने में कोई नहीं था ठीक है जी بسم का नक्शा है का नक्शा जी بسم का नक्शा कर, कर कितना पुराना ये मैंने आज ही चेंज करा है

चाचा मैं कह रहा था थोड़ा बड़ा ए, है बड़ा दीशा साहब मेरे उम्र कितनी है चंदा जी शाह साहब नाइनटीन क्या पढ़ रहे हो जी छः हज़ार दफ़ा चलाती हूँ सेवन एट्टी सिक्स टाइम्स बिस्मिल्ल रहमान रहीम और दो मरतबा यासीन मेरे मूवी ठीक है पढ़ते रहो ये ठीक है ना और इसको बढ़ाना थोड़ा सा बड़ा ना 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 बढ़ाना नहीं बढ़ाना नहीं है फिर वो जो है अभी तो पीछे गला दबा रही है फिर कुछ और दबा रहेगी ठीक है थीके ना ठीक है ओके चंदा ओके खुदा खुदाफिज अल्लाह तेज ओके 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 तोज्जो ही है यार ठीक हो जाएगा रीड नाइन टाइम एंड रब योर हैंड ऑन योर नीज वायल रीडिंग इट

खत्म यहाँ से चलो बस ठीक है यहाँ से भी बंद है रैप अप करें रैप अप करते हैं और है। कल जो है कल क्या हफ्ता कल हफ्ता है कल लेट स्ट्रीम होगी कल लेट स्ट्रीम होगी हाँ। कॉलिंग ही होगी कल कल कॉलिंग ही होगी कल, कल से प्योर कॉलिंग कल से कॉलिंग रखेंगे और यहाँ से उठाएंगे ज़्यादा क्या कहते हैं कनेक्ट भी हो सकती हैं अगर इमरजेंसी हो वरना ज़्यादा यहाँ से उठा लेंगे ना हाँ कल यहाँ से उठाएंगे खाली कल कनेक्ट का कोई कल नो नो डोर नो देने नो बलोच जी कल जो है ना कल हम सिर्फ यहाँ से यहाँ से उठाएंगे तो फिर संडे को जो है वो स्टार्ट कर देंगे आ, सूराय यासीन सूर्य यासीन सूर्य यासीन का बयान लेकिन ध्यान रखना है संडे को रोजा कौन सा है ग्यारहवा बारहवा तेरह ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तीन दिन तो तीन दिन तो ये कलर उड़ जाएंगे ना जी तीन दिन तो ब्लैक एंड वाइट होगी जी वो उसकी वजह से ना उन्नीस बीस इक्कीस उन्नीस बीस इक्कीस ठीक है ठीक है. है तो ठीक है एवरी मिलते हैं आप लोगों से कल थोड़ा सा लेट भी इसी में होगा सोच भी इसी में होगा भी इसी में होगा ठीक है ठीक है ना ठीक ये चीज है चलो ठीक है फिर मिलते हैं ब्रेक है. के बाद मिलते हैं ब्रेक के बाद और माउस अच्छा आपके पास है लव ऑल कहा सुना देखा गया कोई बात अगर नागवार गुजरी हो तो मादरत और अगर नहीं माजरत uh, ऐसे, <laughs> ऐसे ही ठीक है ऐसे ही ठीक है एंड दैट्स अबाउट इट मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ टेक केयर बाय बाय